जय हिंद दोस्तों मैं नवीन शर्मा आप सभी का कर स्वागत करता हूं आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं एकदम बेहतरीन हैं एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे एकदम शानदार होंगे और दोस्त आप सब लोग जानते ही हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए आपका गागर में सागर सीरीज चल रही है और आप सब लोगों ने जो कुछ भी अब तक पढ़ा या प्रैक्टिस की और उसके बाद में अंत में आपके रिविज़न के लिए कि आप सब लोग एक कॉन्फिडेंस लेकर के अपनी परीक्षा भवन में जाएँ एग्जाम हॉल में जाएँ ठीक है ये ऐसा टाइम होता है कि जिस टाइम पे स्टूडेंट्स हालांकि खुद भी अच्छे स्टूडेंट्स रिविजन करते रहते हैं फिर भी अंतिम समय पर एक कॉन्फिडेंस बूस्टर जैसा कुछ हो ताकि उनको एक ऊर्जा मिल सके अतिरिक्त ऊर्जा मिल सके परीक्षा हॉल जाने के लिए तो आप लोग कितने प्रश्न बना पाएंगे आज हमने इस सेशन में टोटल आपका एक क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि इतिहास के प्रश्नों की अगर हम बात करें जैसे स्टेटिक जीके होता है तो स्टेटिक जीके में नए नए क्वेश्चन काफी पूछता है लेकिन हिस्ट्री में क्या होता है आपका कि प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन बार बार बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं लगभग 60 टू 70 परसेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो वही बार बार परीक्षाओं में किसी भी सेगमेंट में रिपीट होते हैं चाहे वो एस का को कोई भी एग्जाम हो या फिर स्टेट का एग्जाम हो ठीक है तो आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं वही बात कि प्रत्येक आप लोग मुझे स्कोर बताते रहेंगे दस क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर आया ओवरऑल आप लोग मार्किंग करके अपनी कक्षा में रखिए वन टू थ्री एक पेज ले लीजिए कि मैं पहले का आंसर बता चुका था और जो चीज़ें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उसको राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है लिखने की ज़रूरत नहीं है हाँ अगर कुछ ऐसा मिलता है कि आ, ये हम नहीं जानते तो उसको जरूर शॉर्ट नोट्स बना लेना है और बहुत ध्यान से उसको लिख लेना है ठीक है मैं आप लोगों को एक बार शेड्यूल बता देता हूं कि अगली क्लासेस कौन कौन सी होंगी आपका आज हिस्ट्री की क्लास है और ये क्लास आपस में एक्सचेंज हो गई थी शिवम सर की क्लास जो है कंप्यूटर की कल हो चुकी है यहाँ पर मैथ्स की क्लास होगी ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गई और ठीक है आज मैथ्स की क्लास करना ना भूलेंगे फिर साइंस की क्लास होगी आपका कल फिर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स देन आपका दिवाली फिर आपका एग्जाम ठीक है तो बड़ी दूर दूर सेंटर भी भेजे हैं इस बार दिल्ली पुलिस ने लेकिन ऐसा नहीं होगा दूर के सेंटर की वजह से आप कि मेरी तो बहुत सारे छात्र ये महसूस करने लग जाते हैं जी तैयारी लगभग औसत है एवरेज है जाने आपका एग्जाम देने जाऊं या ना जाऊं जरूर जाना है दोस्त ठीक है ये आपका एक अनुभव होता है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं बेशक आप तैयार ना हो पूर्ण तरीके से लेकिन परीक्षा हॉल में बैठ के आपको जो आपने अभी तक सीखा उस अनुभव को प्रयोग करने का मौका मिलता है और यही अच्छे छात्र बनाने की तरफ आपको ले जाता है तो हमेशा परीक्षाएं देते रहना है अगर आप तैयारी करते थे हाँ अगर तैयारी ही ना की हो तो वो छात्र इस कक्षा में करके आ रहे होंगे ठीक है तो मित्र शुरू करेंगे आज की क्लास को बड़े ध्यान से आप लोगों को प्रश्नों को बनाना है बोलेंगे जी खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी और लगभग साढ़े तीन घंटे की क्लास होगी साढ़े तीन से सा चार घंटे की मैक्स चार घंटे में हम ये कर लेंगे बताएंगे जो भाई साहब नव पाषाण काल में हुई मध्य पाषाण काल में पुरापाषाण काल में या प्रोटो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसको हम बोलते हैं मुझे बताना जरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को आप किस नाम से जानते हैं तो आप कहेंगे इसको हम कहते हैं जी आपका आध्य ऐतिहासिक काल क्या आध्य ऐतिहासिक काल में शुरू हुई तो आप कहेंगे जी खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले नव पाषाण काल में शुरू हुई इसके एविडेंस कहाँ से मिलते हैं इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं कि कृषि नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक पीरियड में शुरू हुई तो आप कहेंगे मेहरगढ़ एक तो स्थल है कृषि के बारे में जानकारी देता है मेहरगढ़ जो कहाँ पर है बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है पाकिस्तान का वहाँ पर स्थित है ठीक है यहाँ से किस चीज के साक्ष्य मिले हमको गेहूँ के साक्ष्य मिलते हैं किसके गेहूं के साक्ष्य हमको यहाँ से मिले थे ठीक है जैसे चावल के बारे में हमको नॉलेज हुई कोल्डी हवा से कहाँ से कोल्डी हवा बताओ कोल्डी हवा किस स्टेट में है कोल्डी हवा किस राज्य में है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सब कहेंगे जी कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है कहां पर है यूपी में है यूपी का जो प्रयागराज है चावल की भूसी के साक्ष्य भी मिले बोलन नदी के तट पर ठीक है तो ये बताता है न्योलिथिक पीरियड में अच्छा मध्य पाषाण काल को हम सबसे ज्यादा किसके लिए जानते हैं पशुपालन के लिए किसके लिए पशुपालन के लिए एनिमल हस्बेंडरी के लिए और आपका पूरा पाषाण काल बताएंगे जरा यहां पर क्या खोज हुई थी फायर अग्नि की खोज हुई आग की खोज हुई किसकी आग की खोज हुई ये महत्वपूर्ण खोज है जो मानव विकास में सहयोगी हुई, हुई। निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृद भांडो क्या बोलोगे मृद भांडो तो मृद भांडो का क्या अर्थ होता है मृद भांडो का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन क्या बोलोगे मिट्टी के बर्तन को सबसे पहले चित्रित किसने किया यानी चित्रकारी सबसे पहले कहां पर आपको दिखने को मिली कहां के लोग थे तो अगर हम बात करते हैं कि जब पुरापाषाण काल था उस समय तक तो कोई चित्रकारी नहीं थी काल काल में काल में भी चित्रकारी नहीं दिखती नवपाषाण काल में चित्रकारी शुरू हुई लेकिन बर्तनों पर नहीं लेकिन इसके बाद जैसे ही बात आई ताम्रपाषाण काल की ताम्रपाषाण काल समझते हैं जिसको हम बोलते चालकोलिथिक एज ताम्रपाषाण काल क्यों कहते हैं इसका इसमें किस धातु का प्रयोग हुआ तो आप कहेंगे भैया इसमें तांबे का प्रयोग हुआ था इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल कॉपर एज भी हम बोलते हैं इसको कॉपर एज भी कहते हैं यहां पर मनुष्य ने क्या किया मिट्टी के बर्तनों को सजाना शुरू किया और कौन से रंगों का प्रयोग किया था काले और लाल रंगों का क्या बोलोगे काले और लाल रंगों का प्रयोग करके उसने अपने मिट्टी के बर्तनों को सजाना शुरू किया अच्छा आप मुझे बता सकते हैं तांबे के बाद मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया मैं उत्तर देखना चाहूंगा तांबे के बाद में मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया और मैं देखना चाहूंगा कितने गजब बच्चे अपने हैं जो उत्तर बता सकते हैं जिन दोस्तों ने कहा है लोहा क्या कहेंगे लोहा कहा है उनका उत्तर एकदम से ठीक है और जिन्होंने बोल दिया होगा कांसा क्योंकि कांसा धातु नहीं है कांसा तो मिश्र धातु है कांसा तो एक अलॉय है तांबे के बाद में कांसे का प्रयोग मनुष्य ने किया सिंधु घाटी सभ्यता में इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं उसको हम बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं उसको हम उसको हम कहते हैं आपका कांस्य युगीन सभ्यता कांस्य युगीन तो धातु पूछे तो लोहा कहना है मनुष्य ने तांबे के बाद किसका लेकिन ये पूछ ले तांबे के बाद किसका प्रयोग किया क्रम पूछ ले तो तांबा कांसा लोहा कांसा एक मिश्र धातु है ठीक है कांसा एक मिश्र धातु है अगली प्रश्न पर चलते हैं निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहूरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था मतलब उसको कहीं रिप्रेजेंट नहीं किया गया है कहीं उसको नहीं दिखाया गया है बोलेंगे जी गाय को दिखाया गया है हाथी को गेंडे को या बाघ को कौन सा है तो दिखाए तो लगभग उन लोगों ने लगभग तीस के करीब पशु हैं तो तीस पशुओं को याद नहीं करना है क्या बोलेंगे जी गाय का कहीं भी चित्रण देखने को नहीं मिलता है और गाय के साथ साथ मैं अगर बात करूं ऊंट और घोड़ा इनका भी चित्रण कहीं नहीं है ऊंट और आपका घोड़ा इनका चित्रण भी कहीं नहीं इन तीन पशुओं के बारे में कहीं भी नहीं बताया गया है तो कभी भी एग्जामिनर विकल्प रखता है तो या तो गाय से या ऊंट या घोड़ा इनमें से कोई एक विकल्प रखेगा आप कहेंगे हाथी का हुआ हाँ जी गेंडे का बाघ का चित्रण हुआ हां जी अच्छा मुझे बताए पवित्र पशु कौन सा था इनका पवित्र पशु कौन सा था हड़प्पा सभ्यता के समय पर जो इनका आपका होली एनिमल था पालतू पशु इन्होंने किसको बनाया था क्या बोलोगे पैट एनिमल इन्होंने किसको बनाया था तो पवित्र पशु था इनका आपका क्या बोलेंगे कुबड़ वाला सांड क्या बोलोगे कुबड़ वाला सांड ठीक है कुबड़ वाला सांड इनका पवित्र पशु था और पालतू पशु इन्होंने डॉग को बनाया कुत्ते को बनाया ठीक है पालतू पशु देवता भी बताएंगे सारे लोग मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि देवता आप बता सकते हैं हाँ जी सांड बुल को कहते हैं बुल आगे आएंगे विशाल स्नानागार जो ग्रेट बात है वो कहां से मिला मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग ग्रेट बाथ की मेजरमेंट भी एक बार मेमोराइज करेंगे कि ग्रेट बात कहां से मिला था तो हम कहेंगे मोहन जोदड़ो से, से? मोहन जोदड़ो से बहुत सारी प्रसिद्ध चीजें यहां से मिली ग्रेट बाथ जो लगभग ग्यारह दशमलव आठ आठ मीटर लंबा था सात दशमलव कुछ मीटर आपकी उसकी चौड़ाई थी गहराई थी दो दशमलव चार तीन मीटर मुझे आप एक बात बताओ ग्रेट बाथ में जो सीढ़ियां थी जो विशाल स्नानागार था उसमें जो सीढ़ियां थी वो सीढ़ियां किस दिशा से किस दिशा की तरफ थी तो क्या बोलोगे नॉर्थ टू साउथ थी क्या थी उत्तर और दक्षिण सी दिशा में थी उत्तर और दक्षिण में थी नॉर्थ एंड साउथ कहेंगे नॉर्थ टू साउथ तो कहना सही नहीं होगा दोनों ही तरफ थी उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ थी ठीक है अच्छा जी मोहनजोदड़ो से और क्या क्या पूछा जाता है पशुपति जो इनके पवित्र देवता थे उनकी मूर्ति यहाँ से मिली महादेव कौन से थे दाढ़ी वाले या बगैर दाढ़ी वाले दाढ़ी वाले महादेव यहीं से मिले ठीक है दाढ़ी वाले महादेव कहाँ से मिले वो भी मोहनजोदड़ो से मिले और आपका साथ में एक ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जिसको हम बोलते हैं कांसे की नर्तकी क्या बोलते हैं कांसे की नर्तकी मिली नर्तकी मतलब नाचने वाली ठीक है नर्तकी की प्राप्ति कहाँ से हुई है तो मोहनजोदड़ो से एक प्रश्न पूछा जाता था कि आपका, आपका कि आपका आपका प्रश्न पूछा गया जो डांसिंग गर्ल है ये किस मेथड से उन लोगों ने बनाई थी कौन सी विधि से तो क्या बोलते लोस्ट वैक्स मेथड किस विधि से बनी थी लोस्ट वैक्स मेथड से यानी कि लुप्त मोम विधि से इसको बनाया गया था तो ये चर्चित जगह है मोहन जोदाड़ो की मुझे बताएंगे खोज किसने की थी मोहन जोदाड़ो की तो ये आपको पता ही होना चाहिए परीक्षा का समय है कि 1922 में हुई और राखल दास बनर्जी ने की थी जैसे हड़प्पा की खोज किसने की थी 1921 में दयाराम साहनी ने मार्शल की अध्यक्षता में ठीक है मुझे बताएं मोहन जोदड़ो जो है आपका ये किस नदी के किनारे है ये उत्तर मैं आपका देखना चाहूंगा किस नदी के किनारे है जिसको हम मृतकों का टीला कहते हैं आर डी बनर्जी साहब ने इसकी खोज की राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी और नदी किसके किनारे है बहुत बढ़िया सिंधु नदी के किनारे बहुत अच्छा उत्तर है आपका मीना कुमारी जी दीक्षा यादव बहुत सही उत्तर है वेरी गुड नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है किस लिपि में वहां पर लेखन होता था लिपि आप लोगों को समझना चाहिए लिपि का मतलब होता है किसी भाषा को लिखने का तरीका जैसे मैं आपको बताता आया हूं हमेशा जीके की क्लास में भी मैंने आपको बताया कि लिपि से मतलब है हिंदी देवनागरी लिपि में पंजाबी गुरुमुखी में अरबी और आपका सॉरी उर्दू जो होती है उर्दू भाषा में बोलते अरबी फारसी में लिखी जाती है तो इस तरह से हर भाषा की एक लिपि होती है तो यहां पर कौन सी लिपि थी क्या बोलोगे खरुष्ठी कह रहे हैं कुछ लोग गलत है अज्ञात आज तक पढ़ी ही नहीं जा सकी है पढ़ी ही नहीं गई है तो लिपि इसीलिए उस लिपि का नाम क्या कह दिया कि इसमें कुछ एक्सप्रेशंस हैं कुछ भाव हैं भाव चित्रात्मक और परीक्षा में हमेशा भाव चित्रात्मक लिख कर के दे जरूरी नहीं है उसको कई बार पिक्टोग्राफी लिख के देता है क्या पिक्टोग्राफी है भाव चित्रात्मक है पढ़ी नहीं गई है सिर्फ एक भाव लगाया गया प्रयास किया गया लेकिन कोई उसमें सफलता नहीं मिली है ठीक है क्या बोलेंगे इशारों से काम करते थे ये लोग तो क्या बोलेंगे अज्ञात हो गया अज्ञात ठीक है अगर ये ब्राह्मी तमिल और खरोष्ठी तीनों की बात करें ये तीनों तो पढ़ी जा चुकी हैं ये तो 1837 में तीनों को किस व्यक्ति ने पढ़ लिया था आपका जेम्स प्रिंसेप ने क्योंकि अशोक के शिलालेख थे और उसके साथ में उसने तमिल में भी पढ़ा था आपका जेम्स में साउथ में भी उसने अपनी खोज की तो जेम्स कामयाब रहा है ठीक सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे विष्णु जी की पूजा का उल्लेख था क्या ब्रह्मा जी की पूजा का उल्लेख था क्या इंद्र या फिर पशुपति क्या कहेंगे भैया आप सब लोगों का आंसर आएगा जी पशुपति की पूजा करते थे किसकी पशुपति की पूजा करते थे कभी गलत नहीं करना है अच्छा जो इनकी देवी थी कौन सी देवी की पूजा करते थे ये क्या बोलोगे उर्वरता की देवी की पूजा करते थे और क्या नाम दे रखा था मातृ देवी क्या बोलोगे मातृ देवी कि पूजा करते थे देवियों में जिसको ये लोग बोलते थे उर्वरता यानी क्योंकि इन लोगों को खेती का ज्ञान हो चुका जिस समय पर उसी समय इन्होंने भूमि को भी पूजना शुरू किया कि ये हमको अन्न देती है इसको पूजना आवश्यक है बहुत बढ़िया सौरभ शर्मा सही उत्तर है आगे आते हैं हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए विचार क्या करना है किसका मिलान सही नहीं है किसका मिलान किसका मिलान है जो सही नहीं है किसका मिलान सही सही नहीं है ये बताना है ये प्रश्न मैं आपको दे देता हूं। सही नहीं है अगर ये नहीं देता तब भी हमको बताना ही था तब भी हम जान ही जाते देखेंगे जी क्या बोलेंगे बहुत अच्छा लिखा है एक बच्चे ने इंद्र कालीन आपका देवता है यानी उनको वैदिक काल में आपका वैदिक काल में जाकर के उनको जाना गया बिल्कुल ठीक है सिंधु सभ्यता में नहीं थे अच्छा इन्होंने कहा मांडा महाराष्ट्र में है क्या आप कहेंगे नहीं मांडा तो भैया जी कहाँ पर है जम्मू और कश्मीर में है कालीबंगन दोस्त जम्मू और कश्मीर में है क्या आप कहेंगे नहीं जी कालीबंगन तो घग्गर नदी के किनारे कहाँ पर है राजस्थान में है दाइमाबाद क्या दोस्त उत्तर प्रदेश में है आप कहेंगे नहीं जी दाइमाबाद तो कौन सा स्थल है उत्तरी पश्चिमी पूर्वी या दक्षिणी तो भैया जी महाराष्ट्र में है कहां पर है महाराष्ट्र में है तो क्या प्रश्न बनेगा यहां से तो हम कहेंगे कि कोई सा एक ठीक हुआ तो किसका मिलान सही नहीं है एक दो तीन तीनों का ही मिलान सही नहीं है क्या बोलेंगे तीनों के तीनों के का ही मिलान सही नहीं यानी एक भी ऐसा नहीं है जिसका मिलान सही हो तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है मांडा जम्मू कश्मीर का हो गया दायमाबाद हो गया तो दाइमाबाद मैंने आपसे पूछा कौन सा है दैमाबाद भी बोलते हैं इसको दाइमाबाद ये आपका क्या बोलोगे इधर बता देता हूं याद रख लेना चारों स्थल याद हैं एक बार थम्स अप करके बोलिए कि भैया हम जानते हैं हमने इसको पढ़ा है नॉर्थ में कौन सा था सिंधु घाटी की सभ्यता का ईस्ट में और वेस्ट में तो यहां पर है मांडा क्या बोलोगे यहां पर मांडा था और मांडा किस रिवर के किनारे ये आपको बताना है आप कहेंगे चेनाब रिवर के किनारे जम्मू और कश्मीर में स्थित है जम्मू और कश्मीर ठीक है ईस्ट में क्या है आपका आलमगीरपुर क्या बोलोगे आलमगीरपुर है क्या बोलोगे आलमगीरपुर ठीक है मांडा उस समय के जम्मू कश्मीर में है और ये कहां पर है यूपी में यूपी में किस रिवर के किनारे दोस्त हिंडन नदी के किनारे पिछली बार भी दिल्ली पुलिस का जब पेपर हुआ तो पहली ही शिफ्ट में क्वेश्चन कुछ पूछा गया था दाइमाबाद किस नदी के किनारे है तो सबसे दक्षिणी स्थल है दाइमाबाद आप मुझे बताएं किस नदी के किनारे नहीं नदी नहीं सॉरी राज्य पूछा गया था क्योंकि उस वर्ष सीपीओ भी हुआ था और दिल्ली पुलिस भी 2020 का तो दोनों की पहली पहली शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया था दायमाबाद की स्थिति पूछी गई थी किस राज्य में महाराष्ट्र में नदी कौन सी है वो प्रवरा है और प्रवरा रिवर ये किसकी आपका सहायक नदी है किसकी ट्रिब्यूटरी है तो आप कहेंगे ये सहायक नदी है जी गोदावरी की ये स्थल भारत में नहीं है ये कहां पर है ये पाकिस्तान में है और इसका नाम है सुतकांगेडोर आप कहेंगे किस रिवर के किनारे है सुतकांगेडोर ऐसे भी पूछा जाता है सुद कांगे डोर प्रश्न ये भी पूछा जाता है दोस्त आपसे कि सुद कांगे डोर किस रिवर के किनारे है और प्रश्न ये भी पूछा जाता है दाश नदी के किनारे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है यानी उत्तरी दक्षिणी पूर्वी या फिर पश्चिमी आपका उत्तर क्या आएगा जरा बताएं कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं है आप कह देंगे कि भैया जी वो हमारा पश्चिमी स्थल है कभी गलती नहीं करनी है ठीक है आगे आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जहां पर एक बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था जहां से हम लोगों को स्टेडियम भी मिला एक देखने को तो क्या बोलेंगे ये आपका लोथल लोथल तो दोस्त लोथल तो नहीं है लोथल में तो क्या था एक डॉकयार्ड था एक बंदरगाह कहां पर था सारे दोस्त बताएंगे लोथल किस राज्य में था और किस राज्य में आज भी है क्या बोलोगे इसको कई बार परीक्षाओं में गोदीवाड़ा लिख के आता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार पर आपका जीवन निर्भर करते थे व्यापार करते थे तो व्यापार कहाँ से होता था लोथल से यानी कि गुजरात से वो लोग व्यापार करते थे गुजरात से ठीक है मोहनजोदड़ो से मिला नहीं जी दोहलावीरा से मिला और दोहलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट है कहां पर है गुजरात में है दोहलावीरा किस नदी के किनारे है बताएंगे एक बार नींद नदी कौन सी है मासर और मनहर नदी के किनारे है क्या बोलोगे माशर और मनहर इन दोनों नदियों के लगभग किनारे भी कहीं या बीच में कहीं माशर नदी का संबंध किससे है ये धोलावीरा से है यही है जो यूनेस्को की कौन सी है चालीसवी साइट है कौन सी है चालीसवी साइट है और उन्नीस में इसकी खोज हुई जोशी जी के द्वारा जोशी जी का नाम था जगपति जोशी क्या बोलोगे जगपति जोशी क्योंकि ये चालीसवां स्थल है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी वर्तमान में यूनेस्को के स्थल जानते हैं ना आप सब लोग थमसअपअप करिए कि हाँ जी आज बयालीस स्थल यूनेस्को के हो चुके हैं भैया हम इस बात को जानते हैं सूची एक और सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट यानी कोट कूट बोलते कोड को कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए उत्तर चुनेंगे एक बार सारे दोस्त क्या कहेंगे जी धोलावीरा का संबंध कहां से हो गया भैया हम तो जानते हैं सिर्फ गुजरात से हो गया लेकिन गुजरात तो विकल्प में ही नहीं है राखी गढ़ी हम जानते हैं कहां से है हरियाणा से है क्या बोलोगे राखी गढ़ी सॉरी हरियाणा में भी देखो दो ऑप्शन दे दिए हिसार दे दिया और आपका हिसार के साथ साथ में क्या दे दिया आपका एक दे दिया आपका हरियाणा यानी दो विकल्प हो गए क्या हो गए दो विकल्प आपके हो गए और आपका फिर पूछ लिया भोगावा तो आप कहेंगे भैया आप क्या कर दें इसमें तो दोहलावीरा जो है ये खादिर टापू जो पड़ता है ना ये गुजरात में है क्या बोलोगे खादिर टापू दीप जो है ये गुजरात में है अच्छा जी क्योंकि हरियाणा में तो हो नहीं सकता सौराष्ट्र में है नहीं राखी गढ़ी की बात करें राखी गढ़ी हिसार में है ठीक है भिरडाना कहाँ है भिरडाना हरियाणा में है कहाँ पर हरियाणा में सबसे नवीनतम खोजा गया नगर 2014 में किसकी खोज हुई 2014 में किसकी खोज हुई भिड़डाना की खोज हुई ये याद रख लेना सबसे नया खोजा गया शहर कौन सा है वो भिडाना ही है और भोगावा कहां पर पड़ेगा आपका ये सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है भोगावा दरअसल में रिवर है भोगवा जिसको हम कहते हैं भोगवा तो क्या बनेगा आपका विकल्प सी सारे छात्रों का उत्तर में देख पा रहा था वेरी गुड आगे आगे और याद रख लेना राखी गढ़ी से कि हड़प्पा संस्कृति का जो आपका क्या बोलते हैं उसको हम लोग जो बनता है म्यूजियम संग्रहालय कहां पर बन रहा है वो राखी गढ़ी में ही दोस्त बन रहा है कभी गलती नहीं करनी है सूची सूची को दो के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए मैंने आपको हड़प्पा के सारे स्थल बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट साइट बताई है मांडा मांडा तो आपने अभी पढ़ा हुलास हम लोग जानते ही हैं कि हुलास उत्तर प्रदेश का है उत्तर प्रदेश का है बालू कहाँ का है बालू हरियाणा का है और आपका पडरी कहाँ का है ये गुजरात का स्थल है पडरी आप लोगों के लिए नया बिल्कुल हो सकता है तो क्या कहेंगे भैया बालू हरियाणा का हो गया यानी तीन से शुरू होगा तीन इनको देख लेना कूट में मैं कई बार गलती कर देता हूँ तीन दो तीन हो गया आपका दो हो गया फिर चार हो गया फिर एक मिला दूंगा मैं बाकी यहाँ ऑप्शन में देख ले तीन दो चार एक तीन दो चार एक नहीं है क्या विकल्प में है तीन दो चार एक ऑप्शन डी एकदम से सही हो जाएगा ठीक है तो इसमें तुम मेरे साथ ही रहना ठीक है तीन दो चार एक हो जाएगा नेक्स्ट सूची एक को सूची दो के साथ मिलान कीजिए सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए ठीक है सूची एक और सूची दो बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो तो जीवन था वो कैसा था अगर हम बात करें सॉरी यहां पर ये डी इधर हो गया देखो यहां पर मध्यकाल आप लिख लीजिए वो स्पेस लग के उधर पहुंच गया है मध्यकाल और इधर लिखा हुआ था ना डी यानी चार इधर लिख लेना नगरीय 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 सभ्यता ठीक है नगरीय ऐसे अब मिलाएंगे एक बार तो देखेंगे भैया क्या होगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी एकदम से आपका नगरीय सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी उत्तर वैदिक समाज जो हुआ हमारा वे कैसा था यह कृषक समाज था खेती का लोहे का प्रयोग सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया था लोहे का उत्पादन मनुष्य ने खेती के लिए ही शुरू किया इसीलिए जो उत्तर वैदिक काल है उसको लोह युग हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर खेती होने लग गई ऋग्वेदिक समाज कैसा था ऋग्वेद के समय पर जो समाज था वो कैसा था आपका क्या बोलेंगे मध्य काल में क्या थी आपकी मध्य काल में आप कहेंगे नहीं हम लोग यहाँ पर गलती कर रहे हैं कुछ उत्तर वैदिक काल ठीक है ऋग्वेदिक काल में चरागाह तो नहीं होना चाहिए पर हम ऐसे जोड़ सकते हैं इसको भी मैं बताता हूं मध्य काल में जमींदारी जमींदारी व्यवस्थाएं थी अकबर के समय पर भी आपका जब्ती प्रणाली आदि हम बात करेंगे या आपका अन्य प्रकार के मतलब जमींदारों को वो लगान वसूलने के लिए देते थे जमींदारी प्रथाएं थी जैसे कि अकबर के समय पर कौन सी टोडर मल ने व्यवस्था चलाई थी जरा बताए ठीक है अच्छा ऋग्वेदिक समाज को चरागाह किस प्रकार कह रहे हैं देखो ऋग्वेद का जो समय है इस समय पर आपका ऋग्वेद का जो समय है ये आपका इस समय का जो समय है इस समय आर्यो का आगमन भी मिलता है और आर्य कैसी जाती थी आर्य बाहर से आए कि हमारे हिंदुस्तान के थे आप कहेंगे आर्य बाहर से आए किस क्षेत्र से आए थे आपका आर्य आर्यो के बारे में अभी आधुनिक खोजों के अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि आर्य लोग स्टेपी क्षेत्र से यानी यूक्रेन से उनका जीन कोड मिलता है यूक्रेन से यहाँ आना उन्होंने शुरू किया मध्य एशिया को पार करते हुए फिर वो मध्य पेशिया मध्य एशिया के बाद में हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए भारत आते हैं तो आर्य कैसे थे खाना बदोस थे यानी चरागाहों की तलाश में वो घूम रहे थे अपने पशुओं आदि को लेकर के वो चरागाहों की तलाश में घूम रहे थे जैसा कि हमें बताया गया कि आर्यों ने यहाँ आके आक्रमण किया वो थ्योरी क्या है झूठी थ्योरी एक थोपी गई है अंग्रेजों के द्वारा आर्यन का कोई इन्वेजन या कोई आक्रमण नहीं हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद वो आई अंग्रेज हमको क्या बताते थे अपनी थ्योरी में कि अंग्रेज कहते थे कि आर्यन भारत में जो आए ना उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का नाश कर दिया लेकिन आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या है जरा बताएं। एक बार बोलेंगे सारे दोस्तों क्या कोड बन जाएगा चार चार तीन चार तीन आपका दो और एक बन जाएगा चार तीन दो एक चार तीन दो, दो नहीं कुछ गलती कर रहा हूं चार तीन दो एक तो विकल्प नहीं है चार हो गया उत्तर वैदिक काल कैसा हो गया आपका कृषि का टाइम हो गया चार तीन हो गया और फिर ऋग्वेदिक काल कैसा था आपका जमींदारी का टाइम था ये बोला मैंने क्या नहीं मध्य काल है जमींदारी से ठीक है चार तीन एक दो बन जाएगा चार तीन एक दो बन जाएगा ऑप्शन डी एकदम से सही है ठीक है <laughs> आगे आएंगे सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहूरों में जैसे तीर जाते हैं तो मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूं किधर से तीर गए <laughs> सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है कौन सा वृक्ष वहां दिखाई देता है क्या बोलेंगे आम पीपल पारिजात या फिर शाल के बारे में पता चलता है आपका आंसर होना चाहिए पीपल क्या बोलोगे पीपल होना चाहिए और लगभग ऐसी आपको 35 से मोहरे क्या बोलोगे लगभग 3500 सौ वहां से आपका 3500 मोहर मिली हैं जिन पर ये अंकित है और यहां की मुहरों पर क्या बोलोगे गेंडा सबसे प्रमुख मिला है गेंडा बैल जिसको हम वृषभ भी कहते हैं ऑक्स अंग्रेजी में भी कहते हैं तो परीक्षाओं में तीनों नामों में से कोई भी एक नाम दे देता है नाव का चित्र मिला है और देवता पशुपति पशुपति जी का चित्र मिला है कहां से आपका वहां की जो मोहर है ठीक है मोहरों से आगे आते हैं हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया आप सब लोग जानते हैं कि कौन लोग थे जो से को है कहते थे तो अरबियों ने आकर के जो हमारी सिंधु घाटी थी सिंधु घाटी थी तो सिंधु को इन्होंने क्या कहा सिंधु को इन्होंने कहा आपका हिंदू जो सिंधु नदी बहती है सिंधु को कह दिया इन्होंने हिंदू और जो सिंधी भाषा लोग बोलते थे उनको इन्होंने क्या कह दिया हिंदी भाषा बोलने वाले और जो सिंधु की जगह थी उसको क्या बोल दिया इन्होंने हिंदू की जगह और नाम दे दिया हिंदुस्तान आने वाले समय में तो ये लोग कौन थे ये अरबी लोग थे कौन थे ये ये अरबी लोग थे अच्छा चीनी लोगों ने भारतीयों को क्या कहा है मैंने आपको अक्सर बताया है चीनी भारतीयों को क्या कहते थे इन्होंने अपने ग्रंथों में जैसे फाहियान आया फाहयान आयासवांग आया उन्होंने अपने ग्रंथ में भारतीयों को क्या कह करके पुकारा है तो आप कहेंगे भारतीयों को उन्होंने यू कह के पुकारा है क्या इंडियंस को इंतु कहा है क्या कहा है तु कहा है ठीक है तु कहा है ये बात याद रख लेनी है और इसी आपका हिंदुस्तान हिंदुस्तान नाम आज कोई लेता है क्या देश में आप कहेंगे भैया आज देश में चर्चा कौन सी है आज देश में चर्चा छिड़ी हुई है कि देश का नाम भारत हो या फिर इंडिया हो तो ये चर्चा आज देश में छिड़ी हुई है हिंदुस्तान जो आपका जिसको उन लोगों ने अरबियों ने रखा उसका कोई जिक्र तक नहीं है दोनों पक्षों में तर्क है कि बहुत सारे देशों ने अपने देशों के नाम बदले हैं जैसे बर्मा नाम बदल के क्या हो गया है आज म्यांमार उन लोगों ने कहा यह नाम हमारी संस्कृति का प्रतीक है ठीक है श्रीलंका ने अपना नाम बदला पहले उनका नाम सिलोन था सिलोन ने श्रीलंका किया उन्होंने कहा कि हमारा नाम लंका नाम की संस्कृति से जुड़ा हुआ है इसीलिए भारत नाम होने के पीछे भी क्या बोला गया कि भारत नाम भी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ है तो नाम भारत होना चाहिए तो उस तरह के तर्क आए लोगों के सामने और यह तर्क कब आए जब जी ट्वेंटी की मीटिंग शुरू हुई जी ट्वेंटी की मीटिंग में जो इनविटेशन गया वो गया रिपब्लिक ऑफ भारत के नाम से रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से नहीं लेकिन फिर ऐसे ही जब संविधान लिखा जा रहा था तो, तो वहां पर भी बहसें बहुत हुई थी क्या लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत तो कांग्रेस के बहुत सारे सदस्यों ने उस समय जो आपका संविधान सभा में थे उन्होंने कहा कि इंडिया दैट इज भारत ना करके भारत तो दूसरे नंबर पर आ गया इसको भारत दैट इज इंडिया करो तो ऐसे तर्क चलते रहे लेकिन संविधान में जब आप लोग पढ़ते हैं तो क्या किस शब्द से शुरू होता है हम भारत के लोग हिंदी में और अंग्रेजी में वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी दोनों शब्द हो गए इंडिया शब्द को सबसे ज्यादा उजागर किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के और जितने भी यूरोपियन देश थे उन सब ने भारत को संबोधित किया इंडिया नाम से तो जो इंडिया के तर्क में लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर इंडिया नाम को सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में नाम इंडिया है उसको हम तब्दील करें और सब जगह से हम देश का नाम बदलें तो उसमें एक सर्वे आया कि लगभग चौदह करोड़ का खर्चा आएगा देश की इकोनॉमी के लिए देश की इकोनॉमी पर जोर डालेगा तो वो बड़ी बहसें चली लेकिन बात यह है कि सर्वसम्मति से सबका सबका सम्मान करते हुए जो एक फैसला हित में सबके होना चाहिए उस तरह का फैसला लिया जाए ठीक है क्या बोलेंगे आपका क्या बोलेंगे अरबों ने अरबों ने इसको नाम दिया हमारा लेकिन अरबों ने जो नाम दिया उस पर कोई बहस नहीं है हिंदुस्तान नाम पर कोई बहस नहीं है ठीक है आगे आएंगे आर्य शब्द इंगित करता है आर्य शब्द किस पर इंद, इंगित करता है बताएं एक बार आर्य शब्द इंगित करता है नर जाति को यायावरी यायावर होता है दोस्त जो यहां से वहां यानी कि पीपल होंगे ठीक है आर्य तो वॉन्ड्रिंग पीपल थे भैया आपने अभी बताया खाना पदोस्त लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा आर्यो का जीवन कैसा था वो कह रहा आर्य शब्द इंगित करता यानी क्या परिभाषा देता है तो ये दर्शाता है आपका किसका श्रेष्ठ वंश को आर्य का अर्थ क्या होगा आपका श्रेष्ठ होता है और हिटलर भी खुद को क्या कहता था हिटलर भी कहता था आई एम आर्य और वो ये कहता था कि हम जो नस्ल हैं हमारी जो नस्ल है सिर्फ वही जीवित रहनी चाहिए दुनिया में और कोई जीवित रहना ही नहीं चाहिए हमारे अलावा सारी नस्लें खराब हैं बोला यहूदियों को मिटा दो कंसंट्रेशन कैंप चलाए उसने आप लोगों ने देखे होंगे और कितने सारे यहूदियों को उसने अपनी सनक और जिद से मार दिया तो क्या बोलेंगे आर्य शब्द क्या है आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ ठीक है ये बात याद रखेंगे नेक्स्ट उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है उपनिषद बताएंगे देखो इसका क्रम याद रख लेना हमेशा सबसे पहले क्या लिखे गए हैं सबसे पहले वेद हमारे वेद क्या बताते हैं हमको आत्मज्ञान का दर्शन कराते हैं वेदों की भाषा को आसान बनाने के लिए फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जाने के बाद में फिर आपका क्या लिखा जाता है वेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में फिर लिखा जाता है आपका आरण्य को जो ऋषि वन में चले गए उन्होंने जीवन बताया कि संन्यास का जीवन कैसा होना चाहिए कैसे जीना है आपका ठीक है और इसके बाद में जो रचना हुई है वो हुई है उपनिषदों की एक तो दोस्त आपको ये क्रम पता होना चाहिए तो उपनिषद का मतलब क्या होता है उपमाने क्या बोलेंगे आ और निषद मतलब निकट क्या बोलोगे निकट आकर के बैठ करके जो आप ज्ञान प्राप्त करते थे गुरु से ठीक है पहले पहले रिकॉर्डेड क्लास क्लास नहीं थी क्लास थोड़ी थी ऑनलाइन थोड़ी की बाद में देख लो वो तो गुरुजी ने क्या कहा उसको छात्र गुरुकुल में बहुत ध्यान से सुनते थे और वो ध्यान से ना भटके इसके लिए उनको ध्यान योग क्रियाएं कराई जाती थी तो क्या बोलेंगे उपनिषद का शर्त क्या होता है कि पास बैठना पास बैठना जैसे आपसे वेद का अर्थ पूछ ले तो वेद का अर्थ क्या होता है वेद शब्द का अर्थ ये विद धातु से बना है और विद धातु का अर्थ होता है नॉलेज यानी कि ज्ञान क्या बोलोगे वेद का अर्थ होता है नॉलेज जो आपको नॉलेज देता है किस चीज़ के बारे में नॉलेज देता है अनक तरह की जैसे ऋग्वेद आदि में आपका मंत्रोच्चारण के ऊपर कि मंत्र किस प्रकार बोले जाने चाहिए देवताओं की पूजा किस प्रकार होनी चाहिए जैसे सामवेद संगीत के बारे में बताता है यजुर्वेद युद्ध आदि बताता है आपका अथर्ववेद किस बारे में बताता है ये आप बताएंगे अथर्वेद तो मैंने आपको बताया बहुत सारे कीटनाशकों के बारे में जानकारी देता है जादू टोना और जो छोड़ के चली गई हैं उनको वापस कैसे पाएं, खोया हुआ प्यार वापस कैसे मिले, मतलब कि आपका वसीकरण जैसी चीज़ों पर बात की गई है अथर्वेद में ठीक है तो ये याद रख लेना है उपनिषदों की कुल संख्या में आपसे पूछूं, कभी मत भूलना वेदों की कुल संख्या कितनी है तो ये तो सब जानते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथुर्वेद होते हैं वेदांग की कुल संख्या में आपसे पूछूं कितनी है और एक बार प्लीज थम्स अप करके बोलिए कि आप वेदांग के नाम भी जानते हैं शिक्षा मैंने आपको बताया था कि इसका क्या अर्थ होता है शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरुक्त और छंद शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरुक्त और छंद ये क्या है ये छह वेदांग हैं हमारे ठीक है अगर पुराणों की कुल संख्या पूछ ले पुराणों की कुल संख्या पूछ ले आपका तो आप क्या बोलेंगे पुराणों की कुल संख्या है जी भाई साहब अठारह अच्छा भगवान विष्णु के अवतार जानते हैं जो क्रम से आपको बताए गए थे सारे लोग क्योंकि आज पूछती है पांचवे अवतार तीसरे अवतार चौथे अवतार ठीक है और ऐसे ही उपनिषदों की संख्या पूछे तो क्या कहेंगे 108 कहेंगे उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है 108 है ठीक है लेकिन मुख्य उपनिषद कितने हैं मुख्य उपनिषद तेहरे हैं सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है वर्धारण्यक उपनिषद है ठीक है जिसमें हमको क्या मिलता है आपका कौन से ऋषि के संवाद मिलते हैं याग्वल के सभी संवाद याग्वल ने जो मैत्रेणी से बात की ने आपका जो गार्गी से बात की उन सभी के संवाद हमको मिलते हैं अर में ठीक है अच्छा मुझे बताएंगे एक यम नचिकेता संवाद मैंने आपको बताया था यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में मिलता है तो आप कहेंगे कठोपनिषद में मिलता है मैं आपसे पूछूं भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है तो आपका आंसर आएगा जी उपनिषद किससे लिया गया है सत्यमेव जयते आपका बोलो मुंडक उपनिषद से लिया गया है यम नचिकेता कठोपनिषद से लिया गया है तो ये सभी प्रश्न उपनिषदों से बनते हैं सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है ये बता दीजिए बड़ा तो वृदारण्य हो गया सबसे छोटा कौन सा है तो कई बार मुंडक लिख के दे देगा मुंडक नहीं है वो मांडू क्यों है क्या बोलोगे वो मांडू क्यों है क्या बोलोगे मांडियु है ठीक है है को आपका सबसे छोटा उपनिषद है ठीक है कभी गलती नहीं करनी है दोस्त आगे आएंगे ने मनुष्य के जीवन को चार भागों में विभाजित किया ठीक है चार भागों में उन चार भागों को हम क्या कहते हैं आर्यो ने क्या बोलेंगे आपका काला अवधि समुदाय अनुशासन या फिर आश्रम कह दिया तो आप कहेंगे भैया चार आश्रम बताए गए जैसे आपका उस समय की ऋग्वेदिक प्रथा में आपका कितने आश्रम चार आश्रम पहला आश्रम कौन सा था बोलेंगे ब्रह्मचर्य जिसके दौरान व्यक्ति बड़ा होता था अपना अध्ययन करता था और अध्ययन ये चलता था पच्चीस तक क्या बोलोगे जीरो से पच्चीस तक पच्चीस के बाद में गुरुजी की आज्ञा लेकर के वो लोग विवाह आदि करके जिन लोगों को ये करना होता था गृहस्थ जीवन में जाते थे आपका क्या बोलोगे गृहस्थ जीवन में जाते थे पचास तक यानी पच्चीस से पचास तक ठीक है और फिर आपका क्या करते थे वो वन प्रस्थ यानी कि फिर वन में जाते थे अरण्य में जाते थे रचनाएं करते थे ज्ञान को आगे बढ़ाते थे कि जो ज्ञान हमारे पास आया वो आगे पहुंचे क्योंकि पहले दोस्त ऐसा नहीं था कि रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकें कंप्यूटर में डेटा चढ़ा दें ऐसा तो संभव नहीं था तो ये कब तक था पिछहत्तर तक था पिछहत्तर तक था और आपका क्या बोलेंगे सन्यास संन्यास की अवस्था कितनी थी सन्यास को माना गया था पिछहत्तर के बाद में यानी कि अब सौ वर्ष तक सन्यास का जीवन जीना है तो कई बार पूछ लेता आश्रमों की कुल संख्या कितनी है यह आपका चार है और यह किस उपनिषद में बताई गई है चार आश्रम है इस ये बात किस उपनिषद में बताई गई है तो ये उपनिषद है आपका ज्वाला उपनिषद क्या बोलोगे जिसको हम ज्वालोपनिषद बोल देते हैं इकट्ठा संधि करके ठीक है ज्वालोपनिषद ऐसे ही उस समय की आपके ऋग्वेदिक कालीन व्यवस्था में विवाह के प्रकार कितने बताए गए जी आठ प्रकार के विवाह होते हैं संस्कारों की कुल संख्या कितनी बताई गई ऋग्वेदिक कालीन समाज में संस्कारों की कुल संख्या सोलह बताई गई है कितनी सोलह कि आठ तरह के विवाह होते थे सोलह संस्कार यानी व्यक्ति के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक ठीक है मृत्यु तक का यानी कि अंत्येष्टि संस्कार तक का बताया गया है ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलेंगे भाई आगे आएंगे नहीं दोस्त आ आगे आएंगे निम्नलिखित में से वैदिक वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है बताएं एक बार। नहीं बच्चे एकदम ठीक है बहुत अच्छा दस के दस अवतार के नाम लिखे हैं एक बच्चे ने क्या बोलेंगे इसका मनी श्रीवास्तव वेरी गुड <laughs> निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है यानी सबसे पहले क्या लिखा गया अभी मैंने आपको बताया क्या बोलेंगे वेदों के बाद में क्या लिखे गए हैं आपका वैदिक संहिता यानी वेद हो गए उसके बाद में ब्राह्मण लिखे गए फिर आपका आरण्य और फिर उपनिषद लिखे गए यानी कि ये तो आपका क्या बोलेंगे ऑप्शन ए ही सही हो जाता है ऑप्शन ए ये क्रम बहुत पूछा जाता है कभी गलती नहीं करनी है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध क्या है होता किसको बोलते हैं जरा बताएंगे होता वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है ऋग्वेद से यजुर्वेद से सामवेद से या थर्वेद से तो होता का मतलब होता था एक पुरोहित जो पूजा करता था और ऋग्वेद के मंत्रों को बोलता था तो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला कौन होता था होता होता था कभी गलती नहीं करनी है ठीक है और मूल विषय क्या था मूल विषय ज्ञान ही था मूल विषय चर्चा किस पर होती थी ज्ञान पर चर्चा होती थी बी लिख रहे हैं कुछ दोस्त यजुर्वेद का आप बता दीजिए मुझको यजुर्वेद का जो उच्चारण करने वाला था जो बी लिख रहे हैं दोस्त यजुर्वेद का जो उच्चारण करने वाला था उच्चारण करने वाला उसको क्या बोलते थे उच्चारण करने वाला जैसे अथर्वेद का ब्रह्मा कहलाता था अथर्वेद का जो उच्चारण करे वो आपका ब्रह्मा कहलाता था दिखाएंगे एक बार बोलेंगे फटाफट से दिखाएंगे उत्तर दिखाया करो जो बच्चे उत्तर देते हैं सिर्फ उनको बहुत बढ़िया बहुत गलत उत्तर आते हुए बहुत गलत उत्तर आते हुए बच्चों के कमेंट रिफ्रेश करो भाई है बहुत बढ़िया जी हो जा कह रहे हो कुछ तो हो जा पता नहीं क्या होता है बहुत बढ़िया जी सामवेद का उदगाता है मैंने बताया था सामवेद यानी संगीत यानी गाने की जब बात हो तो उसे याद रख लिए गाता उद्गाता तो सामवेद के लिए हो गया अर्धव्यू जिन दोस्तों ने लिखा वो एकदम से ठीक है अर्धव्यू ठीक लिखा है और अथर्वेद के लिए ब्रह्मा देखो सामवेद को ऐसे रिलेट करो सामवेद में क्या संगीत संगीत मतलब गाने से संबंध हो गया तो गाना मतलब उद्गाता कभी गलती ना करें ठीक है आगे आएंगे नेक्स्ट ऋग्वेद के दसवें मंडल में कितने मंडल हैं ऋग्वेद में दस मंडल हैं। दसवें मंडल में कौन सा स्रोत है जो विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है तो कौन सा है सूर्य सूक्त है आपका या फिर आपका पुरुष सूक्त है या फिर दान या फिर दान स्तुति है या फिर आपका ऊर्ण सूत्र होगा क्या होगा ऊर्ण सूत्र होगा तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं समाज की समाज से संबंधित जितने भी नियम दिए गए वो सब पुरुष सूक्त में दिए गए हैं यही पुरुष सूक्त है जो आपका क्या बताता है चार वर्ग ये बताता है समाज के और चार वर्ग इसने कौन से बनाए थे एक बनाया था आपका ब्राह्मण क्या बोलोगे ब्राह्मण एक आपका दूसरा वर्ग कौन सा बनाया वैश्य वैश्य ठीक है तीसरा वर्ग बनाया क्षत्रिय और चौथा वर्ग इन्होंने बनाया आपका कस्त्रीय के बाद में आपका क्या सूद्र विभाजन किस आधार पर किया था जाति के आधार पर या जन्म के आधार पर नहीं आपसे कभी भी पूछे पुरुष सूक्त में जो विभाजन है वो किस आधार पर है वो कर्म के आधार पर है ठीक है किसका कर्म कैसा है यानी कि आपकी जाति भी बदलती रहती थी जैसे जो व्यक्ति शिक्षा से या आपका उच्चारण आदि से जुड़े हुए थे उन लोगों को बोलते थे ब्राह्मण लेकिन यदि जो लोग लेन देन आदि का काम करें वो विश्व और जो लोग रक्षा आदि का कार्य करें क्षत्रिय जो अपने कार्य करें वो शूद्र लेकिन अगर इनके कार्य बदल जाए मान के चलिए कोई ब्राह्मण कोई ब्राह्मण यदि काम करने लग जाए अपना तो वो शूद्र की कैटेगरी में आ जाता था और यदि कोई शूद्र शिक्षा आदि का काम करने लग जाए तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में तो वर्ग किस आधार पर था कर्म के आधार पर था किस आधार पर कर्म के आधार पर वह विभाजनता ये आपको पता होना चाहिए अच्छा ऋग्वेद के दस मंडलों में से चौथे मंडल में क्या है अगर ये तुमने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा आप सब कुछ जानते हैं ऋग्वेद के चौथे मंडल में कौन है थर्ड मंडल में कौन है आपका तीसरे मंडल में कौन है यहां पर गायत्री मंत्र है गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र को किसने रचना की थी गायत्री मंत्र आपका विश्वामित्र ने और विश्वामित्र कोई ब्राह्मण नहीं थे विश्वामित्र तो क्षत्रिय आदमी थे लेकिन राजा वशिष्ठ से एक बार इनकी बहस हो गई क्योंकि ये तो इन्होंने अपनी पूरी सेना को पूरी की पूरी सेना को विश्वामित्र ने जीतने पर लगा दिया था जब इनके पिता आदि राजा ने इनको आपका राजा बनाया तो इन्होंने बोला मुझे सब कुछ जीतना है तो ये तो क्षत्रिय थे तो सब कुछ जीतने के लिए निकल गए सारी की सारी जितनी जनता थी इन्होंने दस वर्ष से लेकर के पचास वर्ष तक की आयु के हर व्यक्ति को युद्ध में लगा दिया युद्ध में लगाया तो जीते भी जीते तो एक बार पहुंच गए थे कि वशिष्ठ जी के पास में वशिष्ठ जी के पास में इन्होंने देखा कि यार एक गरीब आदमी क्या हमारी इतनी बड़ी सेना को खाना खिलाएगा वशिष्ठ जी के पास थी नंदिनी गाय तो नंदिनी गाय के द्वारा उन्होंने आपका सब लोगों का भोजन कराया अच्छे से पेट भराया सबकी दावत हुई तो वो वापस आए वापस आए क्योंकि लंबे समय तक दस से पचास की एज को उन्होंने लगाए रखा युद्ध में तो खेती कौन करता खेती हो नहीं पाई तो उनके राज्य में अकाल पड़ गया अकाल पड़ गया तो लोग भूखे मरे तो उन्होंने वशिष्ठ जी से नंदिनी गाय को मांग लिया बोले जी वो गाय मुझे दे दो उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी है यार गाय दे दो ये मेरी तपस्या तपोबल के आधार पर मैंने इसको पैदा किया है इसको तुम क्यों लेते हो तो उन दोनों के बीच में युद्ध हो गया विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के पास में और वशिष्ठ जी के पास तो शक्तियां थी ये तो उस समय तक सिर्फ राजा थे तो एक आदमी ने जिद पकड़ ली इस बात की कि मुझको भी ब्रह्म ऋषि बनना है और एक साधारण आदमी कहते हैं कि ये साधारण व्यक्ति थे जो साधारण व्यक्ति से एक राजा से राजऋषि हुए राजऋषि से महर्षि हुए और महर्षि के बाद ब्रह्म ऋषि हुए और हमारे यहाँ पृथ्वी की संरचना के आधार पर तो यह भी कहा जाता है पौराणिक स्रोतों के अनुसार कि पृथ्वी का जो अंटार्कटिका वाला हिस्सा है वो इन्होंने अपने तपोबल और शक्ति से पैदा किया ठीक है क्योंकि इन्होंने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं तुमको सशरीर स्वर्ग में भेजूंगा स शरीर स्वर्ग में भेजा तो इन्होंने नया स्वर्ग भी बनाया जिसको आप सप्तऋषि के नाम से जानते हैं चौथे मंडल में क्या है कृषि मैंने आपको ये भी बताया था कि जो खेती है जो खेती है जो कृषि है प्रथम कृषि कृषि करने वाला आदमी किसको माना गया है शास्त्रों के अनुसार प्रथम कृषि वैज्ञानिक भी उसी को कहा गया है बताएंगे तो सिपाही जी ने बहुत अच्छा लिखा है सिपाही दिल्ली पुलिस उन्होंने लिखा है प्रथ मेन्यू नहीं प्रथ वेन्यू प्रथ वेन्यू को पहला आदमी माना गया है प्रथ वेन्यू को पहला आदमी माना गया है गायत्री मंत्र याद रखना है ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र के युद्ध को इसीलिए कहते हैं सबसे घातक युद्ध हुआ था बाद में जब उनको शक्तियां मिली तो दोनों की लड़ाई हुई बड़ी भयंकर आपस में प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर दस राजन युद्ध हुआ था इसमें बहुत सारे झूठ हैं ये समझना आप लोग तो क्या बोलेंगे किस नदी के तट पर तो किस नदी के तट पर हुआ आपका सरस्वती नदी के तट पर हुआ था क्या भाई साहब आप कहेंगे नहीं जी वह रावी नदी के तट पर हुआ और रावी किस नदी का पुराना नाम है परुषणी परुषणी का पुराना नाम क्या सॉरी रावी का पुराना नाम परुषपणी था ठीक है जैसे सतुद्री किस नदी का पुराना नाम है सतलज का इसमें क्या थ्योरी आती है देखो अंग्रेजों ने हमको क्या थ्योरी दी इतिहास में अंग्रेजों ने कहा आर्य हमारे भारत में लड़ने आया और इधर आपका जब राजा सुदास लड़ने आया तो कितने राजाओं से लड़ा दस राजाओं से लड़ा इन दस राजाओं को अंग्रेजों ने कहा कि भारत है भारत के राजा थे और इनको बोल दिया ये असभ्य राजा थे असभ्य राजा थे असभ्य राजा से मतलब कि आपका इनको ना तो रहना आता था ना सहना आता था ना जीना ना खान पीन की प्रक्रिया इनकी कोई संस्कृति थी ही नहीं और हमको कह दिया द्रविड़ द्रविड़ यानी कि अर्थात हमको काले भी कह दिया क्या कह दिया हमको दक्षिण जैसे दक्षिण में द्रविडियंस को आज हम जोड़ते हैं तो काले भी कह दिया बोले कि ये तो गोरे लोग बाहर से आइए सुदास जो है इसको आर्य कह दिया और इसको कह दिया इन्होंने दस राजाओं को ये नॉन आर्यंस थे यानी कि गैर आर्य थे बोले इनको युद्ध में हराया आकर के राजा सुदास ने और राजा सुदास ने आकर के ये व्यवस्था सिखाई कि कैसा रहना सहना है कैसे जीना है तो अंग्रेजों ने कहा कि ये तो भारत की नियति है कि इस पर भारत भारत से लोग आएंगे और राज करेंगे और इनको रहना सहना सिखाएंगे तो अंग्रेज खुद को अपना एग्जिस्टेंस प्रूव कर रहे थे कि हमारा आना भारत में सही है हम तुम लोगों को कुछ देने आए हैं अच्छा तो भैया क्या सुदास आया नहीं था सुदास आया देश में ठीक है सुदास आपका आया और युद्ध हुआ उसका इनसे लेकिन सभ्यता हमारे यहां सबसे पहले आई आप क्या बोलेंगे आधुनिक खोज जो आईआईटी आई खड़गपुर ने खोज की है उसके अनुसार ये साबित हो चुका है उसके अनुसार ये साबित हो चुका कि मैसोपोटामिया और इराक मैसो मोसोपोटामिया किसको बोलते हैं हम आज इराक को कहते हैं या मिस्र की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता या आपका चीन की सभ्यता इन सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन है सिंधु घाटी सभ्यता है जो लगभग 8000 वर्ष पुरानी है अभी इस बारे में तर्क और चल रहे हैं कि उसको सिद्ध किया जाए ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी आगे आएंगे निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है थेरीघाता आचारांग सूत्र सूत्र कृतांग या वृतकल्प सूत्रम तो क्या बोलोगे थेरी घाता क्या बोलोगे ये जैन साहित्य का भाग नहीं है और थेरी गाथा जो होती है ये तो बौद्धों से रिलेटेड है और इसको खुंदक निकाय में बताया गया है किसमें खुंदक निकाय खुंदक निकाय का संबंध किससे है 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 ये बौद्ध बौद्ध से है। क्या से क्या बोलोगे ठीक और इसमें जिक्र मिलता है आपका तिहत्तर बौद्ध विद्वानों का तिहत्तर विद्वान कितने बौद्ध विद्वानों का तिहत्तर विद्वानों का जिक्र मिलता है जो लोग बौद्ध थे ठीक है बौद्ध साहित्य का भाग है थेरी गाथा क्या बोलेंगे गाथा किसका भाग है वो बौद्ध साहित्य का भाग है निम्नलिखित युगमों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन षड दर्शन मतलब हमारे यहाँ फिलॉसफी मैंने आपको ये समझाया भी था कि षड दर्शन क्या होता है यानी कि छह दर्शन दिए गए कि आपका चीजों को देखने के लिए कैसा नजरिया है ठीक है क्या बोलोगे ये छह दर्शन है क्या है छह दर्शन क्या मानक है चीजों को देखने के तो छह दर्शन जब हम पढ़ते हैं तो छह दर्शन में कौन सा नहीं है क्या मीमांसा और वेदांत है क्या बोलोगे हाँ जी है न्याय और वैशेषिक है हाँ जी है सांख्य और योग है हाँ जी है लेकिन लोकायत और कपालिक क्या हमारे षड दर्शन का हिस्सा है आप कहेंगे नहीं मुझे बताइए सांख्य दर्शन की रचना किसने की है तो कपिल मुनि ने कौन है जी कपिल मुनि ने योग दर्शन की रचना किसने की है पतंजलि ने की है किसने पतंजलि ने की है किसने की है पतंजलि ने की है न्याय दर्शन की अगर हम बात करें तो अक्षपाद गौतम यहां लिख लेते हैं न्याय दर्शन की अगर हम बात करें तो अक्षपाद गौतम है कौन है जी अक्षपाद गौतम ने न्याय दर्शन की न्याय दर्शन की स्थापना की है यह बात याद रख लेना वैशेषिक दर्शन की स्थापना किसने की बताएंगे एक बार वैशेषिक दर्शन की स्थापना किसने की है आपका क्या बोलोगे जी उलूक कणाद ने की है जिन्होंने पार्टिकल थ्योरी भी दी केमिस्ट्री में जो डाल्टन को टक्कर देती है और मीमांसा किसका है वो जैमिनी का है क्या बोलेंगे जिसको हम उत्तर मीमांसा भी कहते हैं मीमांसा किसका है आपका वो उत्तर मीमांसा भी इसको हम कहते हैं कई बार परीक्षाओं में ये जैमिनी का है किसका जैमिनी का है और जो पूर्व मीमांसा है कौन सी मीमांसा पूर्व मीमांसा वो किसका है वो बादरायण का है किसका का है ठीक है बादरायण कभी गलती नहीं करनी है तो कर दर्शन है हमारे जो भारतीय दर्शन व्यवस्था को दर्शाते हैं भारतीय दर्शन आपको कभी समझना है तो उसके ऊपर सबसे अच्छा राधा कृष्ण जी ने लिखा है वो आपको सुन पढ़ लेना है मतलब आप चाहें भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया भगवान बुद्ध की अगर हम बात कर रहे हैं अब ऐसी चीजें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना परीक्षा से दो दिन पहले कि बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था या महात्मा बुद्ध जो थे उनका जन्म किस वर्ष हुआ था एक बार थम्स अप करके बोलिए ये चीजें जानते हैं ना आप कभी ये सोचते हो कि पेपर से दो दिन पहले हम ये जान ले महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहां पर हुआ कैसे उन्होंने तपस्या की कितने वर्ष तपस्या की तो फिर तो रॉन्ग ट्रैक हो जाएगा भाई फिर तो गलत बात हो जाएगी ठीक है बहुत बढ़िया जी भैया जरूरत नहीं है बहुत शानदार आरडब्लू ए वेरी गुड चलो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया तो उत्तर प्रदेश में सारनाथ में दिया या बिहार के बोधगया में दिया तो पहला धर्मोपदेश उन्होंने दिया सारनाथ में महात्मा बुद्ध के जन्म की कितनी घटनाएं है प्रसिद्ध हैं चार घटनाएं है। पहली घटना कौन सी है जरा बता दीजिए जब वो अपना घर छोड़ के गए तो जब उन्होंने अपना घर त्याग किया तो इस घटना को हम क्या कहते हैं और एक जब उनको आपका उन्होंने तपस्या की छः वर्षों की तो ज्ञान प्राप्त हुआ इस घटना को क्या कहते हैं एक आपको मैंने बता ही दिया कि पहला धर्म उपदेश दिया तो जो पहली बार उन्होंने जो उनके पांच साथी थे आप लोगों को मैंने पूरी कहानी सुनाई थी कि कैसे वो उन लोगों के साथ थे फिर वो लोग क्यों विरोध कर गए उनका महात्मा बुद्ध का कैसी स्थितियों में उन्होंने विरोध किया ठीक है पहला उपदेश और एक उनकी जो मृत्यु है ये चार घटनाएं हैं इन चारों का नाम पूछता है तो घर त्यागने की घटना को कहते हैं महाभिनीश किरमण क्या बोलोगे महाभिनीश किरम उन्तीस वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर चले गए थे ठीक है छह वर्ष तपस्या की ज्ञान प्राप्त किया गया में किस वृक्ष के नीचे ये बता दीजिए किस वृक्ष के गुरुजी होत्र होता है कि होता हाँ, होत्र और होता दोनों कहते हैं ऋग्वेद को ऋग्वेद को पढ़ने वाले को ज्ञान प्राप्त हुआ तो इसको बौद्धिक तरीके से जोड़ते हैं हम संबोधि ज्ञान प्राप्त हुआ तो संबोधि पहला उपदेश जो है उनका सारनाथ में उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिया इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है क्या कहते हैं दोस्त धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं और उनकी जो मृत्यु हुई इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण क्या बोलते हैं महापरिनिर्वाण आप एक बार बता दीजिए इनकी मृत्यु किस वर्ष में हुई थी तो आप कहेंगे महापरिनिर्वाण इनका हुआ भैया चार सौ तिरासी ईशापुर में और यही चार सौ तिरासी में इसीलिए क्या हुई थी कि अब बौद्ध को आगे कौन चलाएगा अब धर्म को तो प्रथम बौद्ध संगति इसीलिए कब हुई है आपका चार सौ तिरासी में हुई ठीक है प्रथम बौद्ध संगति तो जन्म कहाँ हुआ था इनका पांच में इनके पिता का नाम क्या था किस वंश वंश से से थे थे इनकी माता का नाम महामाया था इनकी माता जो थी वो कोलिय गणराज्य की थी किसरा गणराज्य की थी कोलिय गणराज्य की थी ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी आगे आएंगे चलो जी कोई दिक्कत कोई परेशानी आगे आएंगे नेक्स्ट निम्नलिखित में से कहां पर स्तूप नहीं है निम्नलिखित में से कहां पर स्तूप नहीं है बोलेंगे अभी फटाफट से ऐसी कौन सी जगह है जहां पर स्तूप नहीं है धमेक रांची सांची या फिर भरहूत स्तूप समझते हैं ना स्तूप का संबंध किससे है स्तूप का संबंध होता है आपका बोलेंगे आपका क्या बोलेंगे भैया आपने शायद मीमांसा उल्टे लिख दिए मैं देख लेता हूँ एक बार लिख दिए होंगे शायद गलती होगी क्या कोई देख लेते हैं एक बार मीमांसा उत्तर मीमांसा हमने यहाँ पर गलती की है देखो यहां पर दोस्त इसको करेक्ट करेंगे प्लीज एक बार बिल्कुल ठीक कहा है बच्चे ने उत्तर मीमांसा हमने यहां पर उल्टा लिख दिया उत्तर उत्तर मीमांसा जो है आपका वो बादरायण का है किसका बादरायण का उत्तर यानी कि बाद वाला उत्तर यानी कि बाद वाला ठीक है और पूर्व पहले वाला होता है ये जैमिनी का है क्या बोलोगे ये जैमिनी का है ठीक है वेरी गुड बहुत शाबाश बहुत अच्छे कहा पर स्तूप नहीं है धमेक में स्तूप है क्या दिल्ली पुलिस पिछला 2020 में पूछा गया धमेक स्तूप किस राज्य में है कहां पर है सारनाथ में है राज्य कौन सा है क्या बोलेंगे राज्य यूपी है ठीक है रांची में स्तूप है क्या कोई आप कहेंगे नहीं जी तो झारखंड की सिर्फ राजधानी मात्र है सांची कहां पर है मध्य प्रदेश में और भरहूत भी कहां पर है मध्य प्रदेश में यह स्तूप है अच्छा मैंने आपको हमेशा बताया है सबसे बड़ा स्तूप हमारा किस राज्य में है ये बताइए सबसे बड़ा जो स्तूप है भारत में और स्तूप का संबंध किस धर्म से होता है ये भी बताना सबसे बड़ा जो स्तूप है वो कहाँ पर है तो क्या बोलेंगे सबसे बड़ा स्तूप हम बार बार पढ़ते रहे केसरिया स्तूप है और ये कहाँ पर है केसरिया स्तूप आपका बिहार में है कहाँ पर है बिहार में है ठीक है ये याद रख लेना है और भी बहुत जगह देश में स्तूप हैं फिर आप लोगों ने वो कहानी पढ़ी है कि अशोक ने चौरासी सौ या चौरासी हजार का भी उल्लेख मिलता है कई जगह कि चौरासी हजार स्तूपों का निर्माण बना करवाया उनको सबको पुष्यमित्र सुंग ने तोड़वा दिया जिसने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की उसने बोला कि हम देश में बौद्ध नहीं चलेंगे ये स्टेटमेंट उसने दे दिया गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है जन्म कहाँ हुआ था ये जानते हैं ना ये भी बताना आप लोग लुम्बिनी पीपल के वृक्ष के द्वारा तो क्या दर्शाते हैं उनके भैया ज्ञान को दर्शाते हैं कभी गलती ना करें पीपल के वृक्ष के द्वारा क्या होता है उनके ज्ञान को दर्शाया जाता है किसको ज्ञान को ये कभी गलती नहीं होनी चाहिए उनके कुछ साइन साइन है 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 क्या बोलोगे तो कौन सा है आपका अशोक जो अशोक है अशोक का जो रुमनदेई रुमनदेई स्तंभ है जो नेपाल वाला है ये इनके जन्म स्थान को दर्शाता है ठीक है जन्म स्थान को दर्शाता है और वैसे इनका जन्म स्थान क्या है तो आप ये सब जानते ही हैं जन्म स्थान इनका लुम्बिनी है क्या बोलोगे लुम्बिनी पांच ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था ठीक है ये एक अभिलेख है रोमन उत्तर सब लोगों का सी निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए साहित्य का मतलब क्या होता है किसी के बारे में लिखित रूप से कोई जानकारी देने वाला ग्रंथ है वही साहित्य कहलाता है ठीक है जी त्रिपिटक देखो उपनिषद का क्या बौद्ध साहित्य से मतलब है नहीं जी अंग किससे संबंधित है ये बौद्धों से संबंधित है उपनिषद तो किसमें आते हैं आपका सनातन व्यवस्था में आते हैं आरण्य किसमें है सनातन व्यवस्था में है लेकिन त्रिपिटक का संबंध किससे है त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध साहित्य से और त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आते हैं आपका एक तो आता है विनय पिटक क्या बोलोगे विनय पिटक एक आता है आपका सूत पिटक और एक आता है आपका अभिधम पिटक क्या बोलोगे अभिधम्भ पिटक राइटर जानते हैं इनके राइटर जानते हो इन सबके बताइए एक बार हाँ या ना क्या बोलोगे विनय पिटक की बात करें तो इसमें क्या बताया गया है इसमें संघ संबंधी नियम दिए गए हैं यानी जो लोग बौद्ध संघ को ज्वाइन करेंगे उनके लिए नियम क्या होंगे तो वो विनय पिटक में बताए गए में आपका आचार यानी आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए आचार की बात की गई अभिधम पिटक में धार्मिक सिद्धांत हैं क्या बोलोगे या दार्शनिक सिद्धांत भी हम कह सकते हैं ठीक है क्या बोलोगे फिलोसॉफिक प्रिंसिपल इसी में बताए गए हैं दार्शनिक सिद्धांत इसी में बताए गए हैं दार्शनिक सिद्धांत और साथ में आपका रिलीजियस प्रिंसिपल भी ये भी इसी में बताए गए हैं ठीक है बोलेंगे भाई फटाफट से बहुत बढ़िया कोई दिक्कत कोई परेशानी आगे आएंगे प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किस में की गई है बोले एक बार प्राचीन बच्चे बस उत्तर देने हैं और कुछ नहीं करना है एयरफोर्स में भी आया था ये अभी छोड़ दीजिए अन्य बातें सिर्फ उत्तर देने आप कक्षा में क्यों आते हैं जहां हम जाते हैं ना उसका मजा लेना चाहिए उसको इंजॉय करना चाहिए घूमने जाओगे तो सैर करना तब वहां पढ़ना नहीं है और पढ़ने आए हैं तो तब इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है सिर्फ पढ़ना है ठीक है ये मैं तुमसे उम्मीद करूंगा अपने हर एक छात्र से मैं हमेशा ये उम्मीद करता हूं कि ऑनलाइन क्लास में आया कोई बच्चा वो एक पढ़ने वाला बच्चा ही होगा गलियों का आवारा बच्चा ऑनलाइन क्लास वो भी एजुकेशन की मैं क्या करे तो आप सब लोग शिक्षित बच्चे हैं तो अपनी जो शिक्षा है उसका जो समय है वो जाया नहीं जाने देना है उसको बहुत फोकस के साथ पढ़ना है टू मच फोकस के साथ में प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों की रचना किस में की गई थी बताइए तो प्राकृत में प्राकृत में क्या है आपका प्राकृत में तो भैया आपका जैन जैन धर्म की रचनाएं की गई जैसे आपका महावीर स्वामी थे तो महावीर स्वामी ने अपना पहला भाषण किस भाषा में दिया था तो वो याद रख लेना क्या बोलोगे वो अर्धमाग्धी में दिया तो कई जगह हम लोग प्राकृत याद कर लेते हैं जो उनका पहला स्पीच है क्या बोलोगे जो फर्स्ट स्पीच था उनका जो पहला उपदेश था तो उसके तब तक तो अर्ध माग थी लेकिन उसके बाद में क्या हो गई थी फिर उसके बाद में फिर उन्होंने आपका प्राकृत को लेकिन बौद्धों की भाषा कौन सी रही है वो पाली रही है क्या बोलोगे बौद्धों की भाषा रही है पाली ठीक है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी अब आप लोग बौद्ध संगति जानते हैं बौद्ध संगतियां कितनी हुई हैं वैसे तो पांच कहते हैं छह भी कह देते हैं लेकिन मुख्य बौद्ध संगति कितनी हुई चार हुई तो पूछ रहे हैं पहली कहां पर हुई तो क्या बोलेंगे आपका क्या बोलोगे आपका कहां पर हुई थी भैया राजगृह में हुई क्या बोलोगे राजगृह में जिसको हम राजगीर भी कहते हैं राजगीर भी तो बताना जरा फटाफट से किस किस वर्ष हुई पहले चारों के वर्ष लिखिए तो चार में हुई दूसरी तीन में हुई तीसरी दो जिसके बारे में दो भी कहा जाता है और चौथी हुई थी पहली शताब्दी में क्या बोलोगे पहली शताब्दी में आप सब लोगों को मैं कुछ खाली स्थान देता हूँ वो भरने हैं आपको यहां पर तो राजगृह आप जान ही गए हैं यहाँ पर आपका राजगृह वैशाली यहां पर एक खाली स्थान में आपको दे देता हूँ ये खाली स्थान आपको भरना है और चौथी कहाँ पर हुई थी वो कुंडल वन में हुई थी ठीक है जैसे यहां पर पहले राजा कौन था अजातशत्रु दूसरी के समय राजा कौन थे ये खाली स्थान मैंने आपको दे दिया ठीक है और फिर आपका क्या बोलोगे तीसरी हुई थी अशोक के समय पर चौथी में एक खाली स्थान मैंने आपको दे दिया और मैं बोलूं इसमें आपका ये तीनों चीजें आपको या मैं बोलूं अध्यक्ष भी लिख लेते हैं अध्यक्ष पहली के समय कौन थे महाकश्यप दूसरी के समय कौन थे सबाकामीर क्या बोलोगे सबा ठीक है सबा कामीर और तीसरी के समय अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है और चौथी के समय अध्यक्ष था वशुमित्र अशोक घोष भी इस समय एक उपाध्यक्ष भी रहा ये बताएंगे तो पहली कहां पर हुई थी आर वी पी के क्या हम पी के हैं क्या बोलोगे आर वी पी के राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र क्या बोलोगे पाटलिपुत्र कहां पर हुई थी पाटलिपुत्र में अजात शत्रु कालाशोक क्या बोलोगे एके एके क्या बोलते हैं एके 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 ए अजात शत्रु कालाशोक अशोक अशोक और कनिष्क चौथी बहुत पूछी जाती है कनिष्क के समय की तो यहां पर तीसरी महाकश्यप सभा का मोगली पुत्र कौन आया था तीसरा आपका मोगली पुत्र, क्या बोलोगे मोगली पुत्र के समय पर इसको ऊपर कर देते हैं, मोगली पुत्र के समय पर, ये बात जानते हैं हाँ जी जानते हैं जानना ही चाहिए अगर अपने छात्र हैं तो आप बताएंगे मैं पूछूं पांचवी जो बौद्ध संगति थी वो किस देश में आयोजित हुई थी अगर ये उत्तर आप बता पाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग जानते हैं कि वो मांडले में यानी कि म्यांमार में 1871 में राजा मिंडन के द्वारा आयोजित की गई थी और एसएससी ने से क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक है बोलेंगे वे बोलेंगे नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे बताएंगे एक बार नागा अर्जुन नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे क्या कहेंगे स्वतांत्रिक संप्रदाय के या फिर वैभाषिक या फिर माध्यमिक या फिर योगाचार तो नागार्जुन आपके जानते हैं ना नागार्जुन आपका माध्यमिक बौद्ध कौन सा एक माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय है और एक बौद्ध भिक्षु थे नागार्जुन नागार्जुन जिनको हम बोलते हैं भारत के आइंस्टीन क्या कहते हैं इनको भारत के आइंस्टीन इनकी पुस्तक का नाम कोई दोस्त मुझको बताएगा भारत के आइंस्टीन क्योंकि इन्होंने क्या दिया था सापेक्षता का सिद्धांत दिया था रिलेटिविटी थ्योरी इन्होंने दी भारत में आपका और कौन सी इनकी बुक है बहुत चर्चित है बहुत पूछी जाती है बुक का नाम है इनकी का प्रज्ञा पारमिता सूत्र क्या बोलोगे प्रज्ञा पारमिता सूत्र के लेखक कौन है प्रज्ञा पारमिता सूत्र या प्रज्ञा पारमिता सूत्रम भी उसको हम कहते हैं तो क्या बोलेंगे वो किसकी है वो नागार्जुन जी की किताब है कभी गलती नहीं करनी है माध्यमिक सूत्र भी इन्होंने ही लिखा कुछ बच्चों ने लिखा बिल्कुल माध्यमिक सूत्र भी इन्हीं का था ठीक है कभी गलती नहीं करनी है निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है क्या बोलेंगे दोनों ही धर्म क्या अहिंसा की बात करते हैं तो ये तो समान बात हुई ठीक है दोनों ही क्या वेदों को नहीं मानते हैं हाँ जी ये भी समान बात है कि वो वेदों के लिए अप्रमाणिक है वेदों को वह अप्रामाणिक मानते हैं उदासीन उदासीन का मतलब न्यूट्रल है एकदम उनको मानते ही नहीं है ठीक है विरोध भी नहीं करते ना मानते आत्मदमन की बात अगर हम करें आत्मदमन की बात की गई है क्या हाँ जी बिल्कुल ठीक है देखो यहां पर इन दोनों में समान नहीं है जैन धर्म क्या कहता है कि शरीर को कष्ट देके कष्ट देके आपको केवल्य प्राप्त होगा यानी कि ज्ञान प्राप्त होगा और शरीर को बहुत कष्ट देना होगा इसके लिए लेकिन बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध जब पहले तो वो भी उसी मार्ग पर थे लेकिन बाद में उन्होंने अपनी तपस्या के समय खाना खा लिया खीर ग्रहण कर ली थी तो उन्होंने मध्यम मार्ग बताया उन्होंने कहा कि जान नहीं देनी है एक मध्यम मार्ग अपना लेना है क्या एक मध्यम मार्ग अपना लेना है ये बात याद रखेंगे एक मध्यम मार्ग अपना लेना है रीति रिवाजों की अस्वीकृति इसको लेकर तो ये समान है क्या बोलोगे इसको लेकर के तो ये समान है याद रख लेना ठीक है निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है कौन से हैं जो एक जैन तीर्थंकर नहीं है क्या कहेंगे जी? चंद्रप्रभु क्या जैन तीर्थंकर हैं? अगर मैं बात करूं नाथमुनि का नाम सुना है कभी नेमी नाथ का नाम सुना है संभवनाथ का नाम सुना है पॉसिबल नहीं है ये देखो इस तरह की कभी गलती हो जाए तो संभवनाथ है क्या है संभवनाथ क्या बोलोगे संभवनाथ है ठीक है संभवनाथ ऐसे नहीं कभी पॉसिबल कर दो ना गलत हो जाएगा हमारा एक स्टूडेंट था पॉसिबल आजकल दिखता नहीं है क्या बोलेंगे जी चंद्र प्रभु नाथमुनि नेमीनाथ संभवनाथ थे हाँ जी थे संभवनाथ की अगर बात करें तीसरे थे ठीक है नेमीनाथ थे बाईसवे हैं नेमीनाथ कौन से बाईसवें हैं चंद्र प्रभु आठवें नाथमुनि कोई नहीं थे क्या बोलोगे नाथमुनि कोई नहीं थे अच्छा पहले बताइए पहले कौन थे पहले कौन थे आपका ऋषभ देव थे कौन थे ऋषभ देव थे जिनको हम केशरिया देव के नाम से भी जानते ऋषभ देव दूसरे कौन थे दूसरे आपका अजित नाथ थे क्या बोलोगे दूसरे आपका भाई साहब अजित नाथ थे अजित नाथ ठीक है बाईसवे नमीनाथ हो गए तेईसवे बताइए तेईसवे कौन थे तेईसवे थे आपका पार्श्वनाथ कौन पार्श्वनाथ अच्छा मुझे बताइए कि जैन जो लोग थे इनके लिए कौन सा पर्वत जाना जाता है कि इन सब में से अधिकतम को कितने कौन सा पर्वत है वो जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ या केवल्या की प्राप्ति हुई यहां से एक बात याद रख लेना कि जो पार्श्वनाथ है इन्होंने कितनी शिक्षाएं दी थी पार्श्वनाथ ने कितनी शिक्षाएं दी आपका ऋषभदाव ऋषभ देव ने दी थी दो शिक्षाएं ठीक है वो दो शिक्षाएं चलती रही आपका सत्य अहिंसा की शिक्षाएं चलती रही चलती रही चलती रही पार्श्वनाथ ने चार शिक्षाएं दे दी कौन कौन सी चार शिक्षाएं दी थी बताइए जरा इन्होंने बोला कि हमेशा सत्य बोलना है ठीक है सत्य बोलना है कभी भी झूठ नहीं बोलना है तो आपकी जिंदगी आसान रहेगी अहिंसा किसी से हिंसा नहीं करनी है आपकी जिंदगी आसान रहेगी ठीक है और अस्ते यानी किसी प्रकार की चोरी नहीं करनी है किसी का कुछ मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना है किसी को अस्ते बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में अस्ते का क्या अर्थ होता है तो आप क्या बोलेंगे चोरी ना करना क्या कहेंगे चोरी ना करना और भाई साहब एक इन्होंने पूछा आपका अस्ते के अलावा अपरिग्रह अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है जरा बताएं अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है क्या बोलेंगे धन का संचय ना करना आप धन को यदि इकट्ठा ना करें ठीक है धन का संचय ना करना और जब इकट्ठा ही नहीं करना तो फिर ज्यादा कमाने पे भी ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा ये पार्श्वनाथ की चार शिक्षाएं थी बहुत पूछा जाता है पांचवीं शिक्षा किसने जोड़ी पांचवी शिक्षा किसने जोड़ी जो 24वें तीर्थंकर थे और 24वें कौन है आपका 24वें तीर्थंकर जिनको वास्तविक संस्थापक भी हम कहते हैं महावीर स्वामी हैं क्या बोलोगे महावीर स्वामी और पांचवी शिक्षा क्या जोड़ी उन्होंने ब्रह्मचर्य की ब्रह्मचर्य को फिर दिक्कत आ गई सब बोले कि जी फिर तो हमारे फॉलोवर्स वो लोग बन ही नहीं पाएंगे जो लोग गृहस्थ में तो उन्होंने गृहस्थ के लिए भी अलग से नियम दिए फिर जिनको उन्होंने अणुव्रत किया कि जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो इन नियमों का पालन करो ताकि कष्ट ना हो जीवन में कोई ठीक है आगे आएंगे जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय स्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे अच्छा मुझे बताइए जैन जैन संप्रदाय जैसे बौद्धों की चार आपका परिषद हुई चार संगीतियां हुई ऐसी जैन संगीतियां कितनी हुई हैं दो हुई हैं एक पाटलिपुत्र एक वल्लभी गुजरात में तो क्या बोलते हैं आपका कि यहां पर विभाजन हुआ तो विभाजन हुआ तो श्वेतांबर बन गया एक तो शाखा के प्रमुख कौन बने ये स्थूलभद्र बने और दूसरी शाखा कौन सी थी दोस्त दूसरी शाखा कौन सी थी तो हम कहेंगे दूसरी शाखा जी थी हमारी दिगंबर और दिगंबर के प्रमुख कौन थे आप कहेंगे दिगंबर के थे भाई साहब यहां श्वेता और दिगंबर के क्या बोलोगे इसके भद्र बाहु थे कौन थे भद्र बाहु जो थे ये दिगंबर शाखा के प्रमुख थे श्वेतांबर कौन थे जो श्वेत अंबर यानी सफेद कपड़े पहनते थे क्या बोलोगे क्या बोलेंगे जो श्वेत कपड़े पहनते थे आपका और अगर हम बात करें आपका क्या बोलेंगे अगर हम बात करें आपका क्या बोलेंगे कुछ गलत हो गया क्या गुरु जी तीसरे थे संभव नाथ संभव नाथ ही तो लिखा भाई तीसरे ठीक तो लिखा है इधर क्या बोलेंगे आपका मैंने बोला यहां पर आएंगे वापस दिगंबर।, दिगंबर कौन लोग होते थे जो वस्त्र ही नहीं पहनते वो क्या कहते थे कि दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं मैं अपने छात्रों से क्वेश्चन पूछता हूं कि वह कौन व्यक्ति है जिसने जिसने श्वेतांबर शाखा का प्रचार दक्षिण में जाके किया यानी कि आपका श्वेतांबर को दिगंबरों के यहाँ जाकर के दिगंबर हम ये लोग ही मानते हैं कि दिशाई हैं जिनके वस्त्र हैं वो लोग जो दक्षिण चले गए थे अकाल के समय मौर्य साम्राज्य में एक अकाल पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो बहुत सारे लोग दक्षिण में चले गए उनको बोलते उनको भी कहा जाता है दिगम्बर कि उन्होंने दिशा बदल ली अपनी दिकधन अंबर तो कौन व्यक्ति है क्या बता सकते हैं सुहस्तिन अभिषेक जाखर जी का सही उत्तर है और भी बहुत सारे बच्चों ने उत्तर सही दिया है ठीक है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे आजीवक संप्रदाय के बताएंगे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे महावीर स्वामी जी के दोस्त थे महावीर स्वामी जी ने जो तपस्या की है वो बारह वर्षों तक की लगभग साढ़े बारह वर्षो तक तो शुरुआत के छह वर्षों तक ये महावीर स्वामी जी के साथ थे लेकिन बाद में अलग हो गए तो क्या कहेंगे कौन थे वो व्यक्ति मखली गोशाल हैं मखली गोशाल हैं और ये किसमें विश्वास रखता था आपका ये नियतिवादी संप्रदाय है एक क्या बोलोगे मखली गोसाल ने जो ये संप्रदाय बनाया नियतिवादी संप्रदाय है तो ये क्या मानता है ये कहता है कि सब कुछ जो है वो नियति में लिखा हुआ है सब कुछ भाग्य के भरोसे है मनुष्य का पुरुषार्थ काम नहीं करता है इनका कहना मनुष्य कुछ करे ना करे जो होना है सो होगा ही तो ये आपका हाथ पर हाथ धरे रखने में विश्वास रखते हैं कि आपका कोई पुरुषार्थ काम नहीं करेगा आप जो मेहनत करते हैं वो काम नहीं करेगी तो वो संप्रदाय कौन सा है वो मखली गोसा है मखली गोसाल का आजीवक संप्रदाय है जो किस पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा आपका क्या बोलेंगे पूरा का पूरा भाग्य पर भरोसा करता है नियति पर भरोसा करता है निय पर तो ये महावीर स्वामी के एकदम विरोधी हो गए थे अलग हो गए उनसे और उनसे अलग हो के तब इन्होंने संप्रदाय को बनाया था ठीक है आगे आएंगे निम्न में से आप क्या मानते हैं ये आपका लॉजिक है <laughs> ठीक है मुझसे ना पूछना कि मेरा क्या मानना है इस बारे में मैं पुरुषार्थ की तरफ अपना जवाब दूंगा कि मेरा जवाब होगा पुरुषार्थ ठीक है निम्न में से कौन सा नास्तिक दर्शन है नास्तिक दर्शन है ठीक है सांख्य दर्शन योग दर्शन ये सारे के सारे तो हमारे आस्तिक दर्शन है आस्तिकता पर यानी कि नास्तिक का मतलब क्या होता है हम लोग इसको कई बार सोच लेते जो भगवान को नहीं मानता नहीं जी वेदों से इसका अर्थ है जो वेदों की प्रमाणिकता को मानते हैं जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक जो वेदों की प्रमाणिकता को उनकी बातों को सत्य नहीं मानते उनके अपने तर्कों को सत्य नहीं मानते वो नास्तिक हैं तो क्या बोलते हैं उसको तो बौद्ध और जैन धर्म कैसे हैं ये कैसे धर्म है ये वेदों के प्रति क्या है उदासीन है यानी वेदों में विश्वास नहीं रखते हैं और वेदों में विश्वास नहीं रखते तो कैसा दर्शन हो गया नास्तिक दर्शन हो गया कैसा नास्तिक दर्शन हो गया कभी गलती नहीं करनी ऐसी जैनिज्म भी क्या है वो भी आपका नास्तिक दर्शन है एस्थिक है ठीक है आगे आगे गुद तिंदु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई थी गुद तिंदु जातक कथा संस्कृत तेलुगु तमिल या फिर पाली में तो बुद्ध तिंदु एक जातक कथा है और जातक कथा से ही आपको समझ लेना है यहां से आपको उत्तर देना था ये नाम शायद आपने ना सुना हो लेकिन आप लोगों को अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए यह सोचना था दोस्त कि जातक कथाओं का संबंध किससे है यह तो बौद्ध धर्म से है अच्छा बताओ जातक कथाओं की कुल संख्या कितनी बताई है मैंने आपको कुल संख्या जातक कथाओं की कितनी है और ये कौन सी कथाएं हैं जो महात्मा बुद्ध के <coughs> महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की कथाएं तो कथाओं की कुल संख्या कितनी है तो हम कहेंगे 549 549 एकदम से ठीक होगा पांच होगा ठीक है तो पाली भाषा में लिखी गई है बुद्ध तिंदु ये याद रख लेना और सांची बौद्ध स्मारक जो है ना आपका सांची का स्तूप देख कितने रुपए के नोट पर है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में तो जो सांची का स्तूप आप कभी घूमने जाएंगे तो उस सांची के स्तूप की दीवारों पर जो है ना आपका गुद तिंदु जातक कथा लिखी हुई है वो वहां पर अंकित है उसकी दीवारों पर लिखी गई है ठीक है किसके दर्शन को अद्वैत कहा जाता है बिल्कुल ठीक कहा है महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व की कहानियां हैं जातक कहानियां बहुत बढ़िया यार तुम्हें नोट तक नहीं पता होता मैं 200 बार बता चुका हूं तुमको सांची का नोट कुछ बच्चे कितनी गलती करते हैं कभी तुम पढ़ते नहीं हो क्या क्यों नहीं पढ़ते हो पढ़ना चाहिए तुमको बीस लिख देता कोई दस लिख देता कोई पचास लिख रहा है बताओ नोट जो तुम्हारे पास रहा कुछ विश्लेषण करते हो नहीं करते हो सोचा करो थोड़ा सा नहीं तो दुनिया में फिर बुद्धू कहलाओगे तो सम्मान नहीं करेगी ये दुनिया फिर किसके दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है अद्वेत ठीक है जिन्होंने आपका आत्मा और भ्रम को अलग अलग नहीं माना बोले ये नहीं है द्वैत दो नहीं है दोनों एक ही है आदि गुरु शंकराचार्य जी कौन सा आदि गुरु शंकराचार्य जी का दो दर्शन है लेकिन दो किसने माना द्वैतवाद दर्शन किसका है बहुत इंपॉर्टेंट है द्वैतवाद थ्योरी किसने दी है वो माधवाचार्य ने दी है किसने माधवाचार्य ने दी है किसने माधवाचार्य ने दी है ऐसे ही एक आता है आपका वल्लभाचार्य का क्या बोलोगे वल्लभाचार्य का आता है शुद्धा द्वैतवाद उन्होंने इस द्वैतवाद को भी और ज्यादा थ्योरी देते हुए उसका शुद्धा द्वैतवाद की तरफ भेज दिया

ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी कई बार कराया हुआ है क्या बोलेंगे विशिष्टा द्वैतवाद की थ्योरी होती है आगे आएंगे किस बौद्ध मूल ग्रंथ को किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण जो है वो समाहित है बताएंगे जी भाई साहब कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक का विवरण जो है वो समाहित है विनय पिटक में है सुत पिटक में है अभिधम पिटक में है या फिर महावंश में सम्राट अशोक के अनुसार ही महावंश जानकारी देता है एक आपका दीप अवतान है ये लोग क्या जानकारी देते सॉरी ये ग्रंथ क्या जानकारी देते हैं जैसे आप लोग सुनते हैं कि सम्राट अशोक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने निन्यानवे भाइयों की हत्या कर दी थी कितने भाइयों की भाइयों की हत्या कर दी थी इन सब की जानकारी हमको कहां से मिलती है महावंश से ही मिलती है सम्राट अशोक के बारे में क्योंकि बौद्ध धर्म की तरफ उनका झुकाव था तो बहुत रचनाएं लिखी गई बहुत रचनाएं लिखी गई आगे आएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक ईशा पूर्व छठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था कितने महाजनपद थे जैसे आज हम पढ़ते हैं भारत में 28 स्टेट हैं आठ यूटी टी हैं लेकिन पहले भारत में क्या था महाजनपद थे पहले जो अखंड भारत था वो महाजनपदों में बटा हुआ था महाजनपदों की संख्या 16 थी किसके अनुसार बताई गई है 16 एक तो अंगुत्तर निकाय बताता है अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है कि जैन धर्म का तो आप कहेंगे एक तो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है एक क्या है जो एक आपका बौद्ध ग्रंथ है और एक आपका भगवती सूत्र जो कि आपका क्या है एक जैन ग्रंथ है तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि महाजनपदों की संख्या या महाजनपदों के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र अच्छा पाणिनी जी ने अपने अष्टाध्यायी में कितने ग्रंथ बताए सॉरी पाणिनी ने अपने अष्टाध्यायी में कितने महाजनपद बताए हैं क्या आप बता सकते हैं उनके अनुसार महाजनपदों की संख्या कौन सी है तो मगध सबसे शक्तिशाली था क्या बोलोगे मगध सबसे शक्तिशाली था जिसकी राजधानी क्या थी आपका राजगृह थी राजगीर जिसको हम कहते हैं बाद में वही क्या हो गई थी इसकी राजधानी तो आप कहेंगे बाद में यही इसकी राजधानी हो गई थी आपका क्या बोलो वही बाद में अंत में आपका पाटलिपुत्र हो गई थी तो कभी गलती नहीं करनी है नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए विचार पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित युगमों पर विचार करके बताइए महाजनपद और उसकी राजधानी लिखी हुई है ठीक है अच्छा अंग की राजधानी क्या चंपा थी हां जी चंपा थी चेदी की राजधानी क्या शक्तिमती थी हां जी थी अस्मक की राजधानी क्या विराट नगर थी आप कहेंगे नहीं विराटनगर तो भैया विराट नगर तो विराट नगर तो किसकी राजधानी थी ये तो विराट नगर तो मत्स्य क्या बोलोगे मत्स्य की राजधानी थी मत्स्य प्रदेश की असमक की कितने दोस्त बता सकते हैं असमक की बताएंगे। असमक की क्या थी आपका बोलेंगे भैया फटाफट से बहुत सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए पोटली जिसको हम कहते हैं पोटली बोले या पैठन बोले बहुत सारे बच्चों का आंसर आया पोटन बोलते हैं पोटन क्या बोल देते हैं इसको पोटन कह देते हैं पोटली कह देते हैं ठीक है पोटली भी कहते हैं इसको पोटली पोटन कह देते हैं ये किसकी है आपका तो क्या बोलेंगे कौन कौन से मिलान सही है इसमें केवल दो और तीन सही है केवल और दो और तीन सही है ठीक है सूची एक को सूची एक को देखो यहां फिर से मिलान हो गया सॉरी यह अस्मक इधर आएगा और इंद्रप्रस्त उधर जाएगा ठीक है क्या बोलोगे भैया अस्मक इधर आएगा स्पेस की वजह से स्पेस दबने की वजह से हो जाता है और आपका इंद्रप्रस्थ इधर आएगा ठीक है अब मिलान करें सूची इधर महाजनपद लिखे हुए हैं और उधर उनकी राजधानी लिखी हुई है ठीक है तो क्या बोलेंगे आपका मत्स्य की राजधानी अभी मैंने बताई विराट नगर मछलियां देश देश में में कितनी है भैया विराट बहुत सारी मछलियां कुरु ये पार्वो वाला कौरवों का कहा था इंद्रप्रस्थ थी राजधानी सूरसेन की मथुरा राजधानी थी और अशमक की राजधानी क्या थी वो पोटन थी क्या बोलेंगे पोटन तो क्या बन जाएगा देखना जरा तीन चार एक दो ये तो साफ दिखता है तीन चार एक दो तीन चार एक दो बन जाएगा ठीक है अच्छा मुझे बताइए कुछ मैं आपसे पूछूं अगर इसमें से राजधानियां वत्स की राजधानी कौन सी थी जो वत्स महाजनपद था वत्स की राजधानी क्या थी ये आपको बतानी है गांधार की राजधानी क्या थी गांधार की कंबोज की राजधानी बता दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा अगर ये तीन आप बता देते हैं तो बाकी भी आप जानते ही होंगे ठीक है वत्स की क्या थी कोसाम भी थी वत्स कैसे हो क्या बोलोगे वत्स कैसे हो गांधार धार कहाँ लगाते थे आपका क्या बोलोगे भैया पत्थर पर तलवारों पर तक्ष शिला शिला बोलते हैं पत्थर को और कम कर दो बोझ मेरे सर से यानी उसको हटा दो हाटक याद है ना कराया था कंबोज कम हाटक कम्बोज का क्या होगा हाटक होगी ठीक है कभी गलती नहीं करनी नेक्स्ट चंद्रगुप्त तो मौर्य का पुत्र कौन था चंद्रगुप्त तो मौर्य का क्या बोलेंगे जी मौर्य वंश आता है तो हम क्या बोलते हैं मगध जो रहा मगध पर वंशों का क्रम क्या रहा बताएं जरा मगध पर रहा आपका वंशों का क्रम पहले कौन सा आया हरियक वंश फिर शिशुनाग वंश फिर आपका नंद वंश और फिर मौर्य हरियक वंश का संस्थापक कौन था यह तुमको बताना है हरियक वंश जिसका संस्थापक था आपका कौन बताएंगे जरा हरियक वंश का बिम्बिशार था याद है ना बिंबिसार जिसने बावन वर्षों तक शासन किया ठीक है बावन वर्षों तक पाँच से लेकर के आपका चार तक क्या बोलोगे चार सौ बानवे बीसी तक शासन किया था जिसने इसके बाद में शिशुनाग वंश आया और शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था स्वयं शिशुनाग ही था फिर आया नंद वंश नंद वंश का संस्थापक कौन था तो महापदम नंद था महापदम नंद था जिस महापदम नंद के बाद में कौन आपका शासक बना था घनानंद जो सिकंदर के समय जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था और मौर्य वंश मौर्य वंश का अगर मैं बात करूं आपसे तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था क्या आप बता सकते हैं तो क्या बोलोगे 322 बीसी से लेकर के दो बीसी तक रहा था आपका कौन ये रहा था आपका चंद्रगुप्त मौर्य क्या बोलोगे चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में गद्दी पर कौन आया बिंदुसार इसको हम बोलते हैं सी बी ए और यहां तीनों से प्रश्न बनते हैं ध्यान से देखना सीबीए चंद्रगुप्त मौर्य आ गया 322 से दो तक यानी कि 24 वर्षों का शासन था बिंदुसार आया दो से लेकर के दो सो तक ठीक है बिंदुसार और फिर आया आपका सम्राट अशोक कौन अशोक महान क्या बोलोगे ये दो में गद्दी पर आ गया लेकिन अपना राज्यभिषेक नहीं कराया चार वर्षों तक क्या बोलोगे दो में राज्य में राज्यभिषेक हुआ और दो तक शासन में रहा एक तो इसका ये वर्ष याद रख लेना सम्राट अशोक का गद्दी पर बैठने का वर्ष क्या है बताएंगे जरा बोले बोलेंगे फटाफट से गद्दी पर बैठने का वर्ष क्या है तो क्या बोलेंगे जी दो है, क्या बोलेंगे उनहत्तर और इसी जब गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठने के आठवें वर्ष दो सौ इकसठ में कौन सा वॉर इसने कर दिया था कलिंग का युद्ध कर दिया था और कलिंग का जो युद्ध है ये कौन से अशोक के शिलालेख में दर्शाया गया है क्या आप बता सकते हैं कलिंग का जो युद्ध है ये अशोक के किस शिलालेख में दर्शाया गया है ये आपको बताना है क्या बोलेंगे भैया किस शिलालेख में दर्शाया गया है तो आपका आंसर आएगा कि जी आपका तेहरावें शिलालेख में भैया जी दर्शाया गया है ठीक है आ गया निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्स या चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है कि इन दोनों की एक मुलाकात हुई थी बहुत सारे इतिहासकार नहीं मानते कि इनकी कोई मुलाकात हुई थी तो क्या बोलेंगे सेंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य इसको यूनानी इतिहासकारों ने सेंड्रोकोट्स भी कहा है सेंड्रोकोट्स नाम से किस राजा को जाना जाता है तो ये यूनानी इतिहासकारों ने लिखा है एंड्रोकोट्स भी कहा गया है तो ये किसने कहा था ये नाम तो क्या बोलोगे भैया जस्टिन ने जस्टिन ने ये नाम दिया और जस्टिन जस्टिन ही करता है इनकी मुलाकात का उल्लेख जस्टिन एक लेखक है ठीक है मैगस्थनीज नहीं मैगस्थनीज नहीं दोस्त मैगस्थनीज नहीं मैगस्थनीज तो आपका वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है ठीक है वो सिकंदर के लिए नहीं वो सेल्यूकस निकेटर के लिए काम कर रहा था वो आया आपका मूर्य साम्राज्य में उसने लिखा था आपका इंडिका पुस्तक को किसको इंडिका पुस्तक को उसने लिखा था क्या बोलेंगे इंडिका पुस्तक को उसने लिखा था ये बात याद रख लेनी है ठीक है आगे आएंगे नेक्स्ट कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किस पहलू पर प्रकाश डालता है जरा बताइए आर्थिक जीवन पर राजनीतिक नीतियों पर धार्मिक जीवन पर या फिर सामाजिक जीवन पर को क्या बोलेंगे आपका किस पर प्रकाश डालता है बहुत सारे दोस्तों का आंसर आया बी, बी 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 और एकदम से सही उत्तर है यानी कि राजनीतिक नीतियों पर किस पर राजनीतिक पॉलिटिकल पॉलिसीज पर क्योंकि दोस्त ये क्या कहता है और इस दुनिया में आचार्य चाणक्य जी ने ये बात याद रखना कि उन्होंने सबसे पहले सिद्धांत दिया राज्य का कि राज्य कैसा होना चाहिए राजा यानी उसके कार्यपालक के क्या कर्तव्य होने चाहिए मंत्रिमंडल क्या होना चाहिए और आज दुनिया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल इन सबको जो रूप दिया वो आचार्य चाणक्य ने दिया आज से तेईस साल पहले दिया था उन्होंने ठीक है तो क्या बोलेंगे हम लोग कि आचार्य चाणक्य जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र अच्छा कौटिल्य इनको अन्य तीसरा नाम क्या है इनका आचार्य चाणक्य जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया किसके गुरु थे किसके प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे इन्हीं का एक नाम है विष्णुगुप्त कभी ना भूलें क्या बोलोगे विष्णुगुप्त या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं भारत का मे क्या वैली क्या बोलते हैं भारत का मे वैली यूरोप में एक लेखक बहुत प्रसिद्ध है प्रिंस मै क्या वैली उन्होंने उसने कोई विशेष काम नहीं किया उसने क्या किया कि आपका अध्ययन किया किसका कि आचार्य चाणक्य जी, जी के आचार्य चाणक्य जी के अर्थशास्त्र का और अपनी एक पुस्तक लिखती जिसको बोलते प्रिंस क्या बोलते हैं प्रिंस पुस्तक और प्रिंस पुस्तक का लेखक कौन सॉरी मैंने शायद ये बोल दिया प्रिंस लेखक प्रिंस बुक है और प्रिंस बुक का जो लेखक है वो है कौन है मै तो इसीलिए इनको आचार्य चाणक्य जी को भी बोलते हैं हम लोग कि वो भारत के मेकिया वैली हैं जैसे यूरोप में मेकिया वैली प्रसिद्ध है उस तरह क्योंकि मेकिया वैली का सब कुछ उदाहर है आचार्य चाणक्य जी को उसने कॉपी किया है ठीक है तो ये बात याद रख लेनी है तो क्या बताता अर्थशास्त्र ने ये बताता राजनीति शास्त्र के बारे में कि राज्य का संचालन किस प्रकार से होगा कभी गलती नहीं भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने कराया था सम्राट अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य ने भगवान महावीर ने या फिर धनवंतरी ने ने तो क्या बोलोगे सम्राट अशोक ने करवाया था क्योंकि अशोक के अभिलेखों को आपने यदि गौर से पढ़ा हो तो अशोक के शिलालेखों में अशोक क्या करता है दूसरे में आपका तो वो क्या करता है आपका पशु चिकित्सा की बात करता है किसकी पशु चिकित्सा की मानव चिकित्सा की एक दूसरे का ध्यान रखने की बात करता है दक्षिण राज्यों का उल्लेख भी करता है तो क्या कहेंगे सम्राट अशोक ने ए विकल्प जिन दोस्तों ने दिया एकदम से सही था ओके रज्जु कौन थे रज्जु सम्राट अशोक के शिलालेखों की संख्या कुल कितनी है जरा बताएं सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं शिलालेख हैं उनकी कुल संख्या कितनी है तो आप कहेंगे शिलालेख चौदह लिखे जो पिलर एडिक्ट थे उनकी संख्या सात है स्तंभ लेख सात है गुहा लेख तीन है सब जानते हैं लेकिन आपने अगर पढ़ा हो सिलालेक थर्ड क्या कहता है शिलालेख थर्ड कहता है आपका तीन अधिकारियों की बात कि तीन अधिकारी राज्य में भ्रमण करेंगे राज्य की समस्याओं को देख करके आएंगे तो तीन अधिकारियों में से एक अधिकारी कौन था एक था रज्जुक क्या बोलोगे रज्जुक ये मौर्य शासन में अधिकारी थे कौन थे मौर्य शासन में अधिकारी थे दो अन्य अधिकारी और थे जैसे एक था प्रादेशिक ये भी अधिकारी ही था लेकिन इसको मंडल स्तर का अधिकारी बना रखा था जोनल क्या बोलोगे मंडल का प्रमुख अधिकारी होता था एक होता था इसमें आपका रज्जुक एक होता था सॉरी सार्थवानी एक होता था युक्तक युक्तक क्या बोलोगे एक होता था इसमें युक्तक होता था जो आपका ब्लॉक स्तर का अधिकारी हम कह सकते हैं खंड स्तर का अधिकारी था क्या खंड स्तारी का खंड स्तर का अधिकारी था एक होता था सार्थवा इसी के समय पर तो पूछा जाता मुगल प्रशासन में सार्थवाह कौन था सार्थवाह का मुगल प्रशासन में क्या कार्य था दरअसल में ये कार्य करने वाले नहीं ये व्यापारियों का एक काफिला था क्या बोलोगे व्यापारियों का काफिला या व्यापारियों का हम दल कह सकते हैं व्यापारियों का काफिला था कहा आपका सार्थवाह ठीक है तो किस अभिलेख में तीन अधिकारियों का वर्णन मिलता अशोक के तीसरे सलाख में कभी गलती निम्नलिखित अभिलेखों में से किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है सम्राट अशोक का नाम हमको देखने को मिलता है ठीक है बोलेंगे दिखे। है? दिखे। अभी फटाफट से भैया मौर्यों का शासन काल गलत है मौर्यो का शासन काल गलत है मौर्यो का मौर्यो का मैंने बताया ही नहीं है शासन काल आपको मैंने तो चंद्रगुप्त मौर्य का बताया है सिर्फ मौर्यों का मैंने अभी तक नाम ही नहीं लिया शासन काल का गलत और सही का तो मतलब ही नहीं बनता निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है अशोक का नाम अभिलेख में क्या उल्लिखित है या बोलेंगे तेहरवे शिलालेख में नहीं जी रोमन देमन स्थान की बताता है सिर्फ नाम के बारे में जिक्र नहीं करता मास्की का जो अभिलेख है क्या बोलोगे मास्की का जो अभिलेख है मास्की हो गया एक गुर्जरा अभिलेख हो गया क्या गुर्जरा हो गया एक आपका नेटूर अभिलेख हो गया कौन सा नेटूर हो गया एक आपका उदय गोलान हो गया क्या हो गया उदय गोलान हो गया जहां से अशोक के अलग अलग नाम मिलते हैं इन चारों से मिलते हैं ठीक है लेकिन भबरू अभिलेख में ये खुद को क्या बताता है कि अशोक मगध का सम्राट लिख करके इसने खुद को संबोधित किया कौन से अभिलेख में भबरू अभिलेख में मैं आपसे दोस्त पूछना चाहूंगा भबरू अभिलेख का संबंध किस राज्य से है जो भबरू का स्तंभ लेख है उसका संबंध किस राज्य से है ये बताएंगे एक बार सारे दोस्तों जब सा उत्तर आना चाहिए बाबरू अभिलेख का संबंध किस राज्य से है राजस्थान 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 सारे दोस्तों ने ठीक लिखा है क्या बोलेंगे जी एकदम से ठीक लिखा है आगे उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहा मिली थी देखो फिर चंद्रबिंदु को ये खत्म कर गए <laughs> उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहां पर मिली थी उत्तराखंड में अशोक के किसी शिलालेख का कोई संबंध क्या आपको बताया गया कभी बोलेंगे एक बार क्या बोलेंगे कलसी कुछ बच्चे कह रहे हैं एकदम से ठीक हैं वो मेरे सारे प्यारे दोस्त कलसी में क्योंकि देखो कलसी हो गया जैसे दोहली कहाँ से मिला था दोहली शिलालेख दोहली मैंने आपको बताया था जोगड़ मैंने आपको बताया था जोगढ़ शिलालेख का संबंध कहाँ से है तो ये दोनों का संबंध कहाँ से था इन दोनों का संबंध था उड़ीसा से कहाँ से ओडिशा से दोनों का संबंध था ठीक है सोपारा जो लेख है अशोक का वो कहाँ से प्राप्त हुआ सोपारा महाराष्ट्र से क्या बोलोगे महाराष्ट्र से एरागुड़ी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ अशोक का एरागुड़ी आप कहेंगे एरागुड़ी भैया जी आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ कहाँ से आंध्र प्रदेश से मनसेहरा से ला लेख कहाँ से प्राप्त हुआ मनसेहरा क्या बोलोगे मनसेहरा ये हजारा स्थल से प्राप्त हुआ हजारा स्थल जो कि कहाँ पर है पाकिस्तान में है ठीक है पाकिस्तान में ऐसे ही पाकिस्तान से एक और प्राप्त हुआ था शाहबाजगढ़ी क्या बोलोगे आपसे पूछे शाहबाज घड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ शाहबाज गढ़ी जो शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ तो आप कहेंगे वह भी पाकिस्तान से प्राप्त हुआ कहाँ से जो पेशावर स्थल है क्या बोलोगे पेशावर स्थल है पाकिस्तान का यहाँ से प्राप्त हुआ तो इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं ठीक है कलसी कहां का है उत्तराखंड का जिन भी दोस्तों ने उत्तर दिया बहुत गजब दिया ठीक है आगे इस मैराथन से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या बेटा मैराथन से नहीं इसके लास्ट वाले क्वेश्चन को देख लेना बस वो ही सिलेक्शन करवा देगा जो इस मैराथन का लास्ट वाला या तो लास्ट वाला देख लो या इस मैराथन का पहला देख लो जैसे व्रत नहीं रख लेते पहला और लास्ट वाला तो व्रत मान लिए जाते हैं सारे तो तुम इस मैराथन को भी क्यों करते हो तुम इसका पहला और लास्ट वाला क्वेश्चन कर लो तो ऐसा समझो तुमने मैराथन कर ली होता नहीं है हमारे यहाँ बहकाने के लिए कि भैया पहले व्रत को रख लो और अंतिम को रख लो मतलब तुमने सारे व्रत रख लिए देवी मान जाएंगी तो मैं भी मान जाऊंगा मैराथन कर ली आपने और हम तो ये भी मान लेंगे तुमने सारी तैयारी कर ली बिल्कुल हो जाएगा पहला और लास्ट दो क्वेश्चन देख जाओ बस वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है क्यों तुम इतने बुद्धू भाई जानबूझ के बुद्धू बनते हो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है दिव्यावदान अर्थशास्त्र इंडिका या फिर अशोक के शिला क्या बोलोगे जी इंडिका में इंडिका में क्या बोलोगे इंडिका में किसने लिखा इंडिका अभी मैंने बोला मैगस्थनीज किसका किसका दूत था सेल्युकस निकेटर का अच्छा सेल्युकस्ट निकेटर और चंद्रगुप्त तो मौर्य के बीच कोई युद्ध हुआ था यस और नो तो आप कहेंगे 305 बीसी में युद्ध हुआ था सेल्युकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने तब तो सेल्युकस निकेटर ने क्या दिया था चार प्रांत दिए थे मकरान हैरात काबुल और कांधार ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं इंडिका में दो प्रकार के अधिकारियों को बताया गया है एक तो एरिस्टोनोमी याद है एरिस्टोनोमी अधिकारी को बताया गया है और एक एग्रोनोमी अधिकारी को बताया गया है किसको एग्रीनोमई अधिकारी को बताया गया है मुझे जरा बताइए कि एग्री और एग्री क्या देखता था कृषि का कार्य देखता था और जो जिले आदि प्रशासन आदि के कार्य देखता था अन्य अन्य कार्य जो होते थे सड़क विभाग प्रमुख वो कौन थे वो एरिस्टोनोमी देखता था एग्री को एग्रीकल्चर से याद रखो तो आसान हो जाएगा ठीक है एग्री को एग्रीकल्चर से याद रखेंगे आगे मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था किसकी आय का राज्य की आय का मुख्य एक सोर्स था किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था भूमि कर क्या बोलेंगे आपका लैंड टैक्स को कौन इकट्ठे करता था तो क्या बोलेंगे वो इकट्ठा करता था जी उसको आपका एग्री नोमई बोल दे नो ये कृषि का अधिकारी था अधिकारी लेकिन टैक्स वसूलने के लिए नहीं था वसूलने के लिए था आपका सीता अध्यक्ष क्योंकि यहां पर सीता जैसे अकरा अध्यक्ष था यह क्या करता था खानों का अध्यक्ष था खान समझ रहे हो ना खाने की चीजें नहीं माइनिंग जो होती है जैसे कोयले की खान हो गई को खानों का अध्यक्ष था एग्रोनोमई ये कौन था कृषि में जिले का अधिकारी था कृषि में कृषि में जिले का अधिकारी था ये प्रश्न मैंने आपको इसलिए इसीलिए लिया कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे एग्रीनोमई देखते ही खेती देखते ही भूमि देखते ही एग्रीनोमई पर चले जाएंगे और परीक्षा में सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं आप लोग एक प्रॉमिस करके जाओ कि प्रश्न को जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे कि पढ़ लिया और बहुत सारे प्रश्न में आगे पूछ लेता नहीं है हम विकल्प एक देखते हैं हमको लगता है यही तो उत्तर है और हम आगे बढ़ते हैं दरअसल में उसने पूछा था नहीं है और विकल्प चौथा था क्योंकि माइंड ऐसा मैसेज दे देता है ठीक है आगे आएंगे नेक्स्ट है जी मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है एक देवी एक धार्मिक संप्रदाय राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय होती थी सीता क्या देवी थी क्या एक क्या बोलोगे राजकीय भूमि से जो इनकम होती थी उसको मूरे काल में सीता कहते थे एक बार मैं आप सब लोगों का स्कोर देखना चाहूंगा और ईमानदारी से बताना सच सच स्कोर क्या होगा सच सच स्कोर क्या हो? बोलेंगे जी फटाफट से वेरी गुड अभी तो सी ऑप्शन नहीं आ रहा है 45 तो सार कुमार जी गिन्नी 48 सुनील गोदारा 40 साजिद आलम कितना स्कोर दिखा है साजिद आलम ऊपर डॉट आ रहा है इसको हटाओ आगे से स्क्रीन पर अभी तुमने खो दिया उसका लड़के का स्कोर मनीषा कुमारी बॉबी बॉबी पाल 20 पर है आर डब्ल्यू वाला छोरा पैंतालीस पर फोर्टी रजत ऋषि आर बी बहुत बढ़िया दादा गजब का एस के शर्मा 47 सेवन बहुत बढ़िया अब सुनो एक वाह वाह के साथ में और वाह वाह मतलब होनी चाहिए हर पचास के बाद में तब सुनाते रहेंगे तीन स्टेप आएंगे ख़त्म कर लेंगे है मंजूर की सपनों की खातिर युद्ध हो जाए फिर चाहे ये संसार मेरे विरुद्ध हो जाए मंजूर कि सपनों की खातिर युद्ध हो जाए फिर चाहे ये संसार मेरे विरुद्ध हो जाए कोई नए मसवरे कोई नई सीख नहीं लूंगा मैं किसी से दया की भीख नहीं लूंगा बुरे वक्त के आगे हथियार नहीं डालूंगा मैं मिट जाऊंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा ठीक है तो आ जाओ अगले प्रश्न संख्या इक्यावन पर चलते हैं निम्नलिखित में से कौन युगीन अधिकारी तोलमान का प्रभावी था क्या बोलेंगे किसका आपका कौन सा युगीन अधिकारी था तोल 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 मान मान का का मतलब तोल माप, है, तोल माप 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 तोल है प्रभारी था अध्यक्ष पण्या अध्यक्ष सीता अध्यक्ष या शून्य अध्यक्ष तो क्या बोलेंगे अध्यक्ष होता था क्या बोलोगे ये देखो सन लिखा हुआ ही बोलेंगे इसको अध्यक्ष जो होता था ये वाणिज्य विभाग का कॉमर्स वाले डिपार्टमेंट को देखता था बड़ा पूछा जाता है वाणिज्य विभाग का ठीक है सीता अध्यक्ष मैंने बता दिया जो भूमि कर को इकट्ठा करता था और यह होता था आपका अध्यक्ष जो बूचड़ खाना होता था बूचड़ खाने का प्रमुख होता था किसका बूचड़ खाने का प्रमुख ठीक है खाने का प्रमुख ये होता था निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए ओहो ये तो हम कर चुके अभी बताएंगे जरा ये तो सारा ही कर लिया निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कोई नहीं अब पढ़ के आंसर करेंगे नेक्स्ट दोहली दोहली बहुत बढ़िया कोई लड़की क्या लिख रहा है क्या नाम है इसका कोई लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी वेरी गुड बच्चे बहुत बढ़िया गर्ल माने लड़की फ्रेंड माने दोस्त अपने घर में ही बना लो आपके घर लड़की नहीं है क्या कोई गर्लफ्रेंड का मतलब यही तो होता है लड़की गर्ल माने लड़की फ्रेंड माने दोस्त तो घर में बना लो एक ऑनलाइन ही बनाओगे कमेंट सेक्शन में लड़की तो घर में भी होगी कोई उसी को बना लो ठीक है वो सही रहेगा सबसे बढ़िया है धोली बोलो भैया एरागुडी बोलेंगे जोगड़ बोलेंगे या फिर क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ आप बताएं फिर लड़की तो दोस्त होती है जैसे मैं बोलूँ मुझे कोई दोस्त बनाना है तो पहले तो मैं प्रायरिटी ये दूंगा ना कि भाई मुझे कोई लड़का दोस्त बनाना तो मैं पहले अपने भाई को बनाऊँगा मैं अपने छोटे भाई को सबसे अच्छा दोस्त बना लूंगा अपना उससे अच्छा कुछ नहीं है नेगेटिव नहीं है इसमें कुछ भी ठीक है लेकिन तुम इसका मतलब कुछ और समझते हो तो बात अलग है फिर आपकी गलती है मेरी नहीं है धोली क्या बोलेंगे धोली उड़ीसा धोली क्या बोलेंगे उड़ीसा का है एरागुडी आंध्र प्रदेश का है पढ़ लो भाई यहां मत बोला करो कुछ भी जोगढ़ क्या है उड़ीसा का है उड़ीसा का है ठीक है कलसी का उत्तराखंड है क्या बोलोगे कलसी कहा का है उत्तराखंड का तो क्या बोलेंगे दो सिर्फ सुमेलित हैं केवल दो युग्म क्या बोलोगे केवल दो युग्म ऐसे हैं जो सुमेलित हैं दो युग्म ऐसे सुमेलित हैं, ठीक है आगे आगे। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी ना किसी समय आए उनका क्रम बताना है किस ना किस समय आए हैं बताए बोलो जी क्या कहेंगे फाहियान, फाहियान किसके समय पर आया था ये सोचे जरा इत सिंह कब भारत आया मैगस्थनीज किसके समय पर आया या मैं बोलूं हिन्स स्वांग किसके समय पर आया तो आप कहेंगे हेन स्वांग जो आया ये तो हर्षवर्धन के समय पर आया किसके हर्षवर्धन के समय पर आया मैगस्थनीज आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर आया ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर आया इत किसी राजा के समय पर नहीं आया सात में आया था कब आया था सात में आया था सातवीं सदी में अगर मैं बात करूं फाहियान की अगर बात करें तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर आया था किसके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड जिसको हम कहते हैं इनका क्रम बनता है एम फी एच आई क्या बोलोगे एम फी एच आई तो पहले कौन आया मैगस्थनीज क्योंकि शासक चंद्रगुप्त तो मौर्य था 322 एडी में सॉरी 322 सौ बाईस में गद्दी पर बैठा फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त तो द्वितीय गुप्त वंश आया गुप्त वंश के बाद में क्या बोलते हैं हम एम फी फिर आता है आपका हिन्सवांग हिंसवांग क्योंकि आपका छह सो में भारत आया और फिर इत आया ये सात आठवीं शताब्दी में आया था तो एम फी एच आई लिखे क्या बन जाएगा तीन एक चार दो तीन एक चार दो ढूंढिए तीन एक चार दो ऑप्शन भी एकदम से ठीक हो जाएगा आगे, आगे प्राचीन काल में भारत पर हुए आक्रमण के संदर्भ में आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है क्या बात करेंगे सही कालानुक्रम है कौन सा एक सही क्रम होगा बोलेंगे अभी फटाफट से आगे आएंगे तो बोलेंगे क्या यूनानी सक या कुषाण तो हम कहेंगे सबसे पहले आया कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा ये क्वेश्चन जो है ना ये गूगल पे आप पेस्ट कर लिया करो ये यह मत बोला करो कमेंट में मैं नहीं जानता हूँ आपके किसी प्रश्न का उत्तर ठीक है आप यहाँ उत्तर दीजिए और बहुत ध्यान से पढ़िए प्लीज क्योंकि आप लगातार एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप जो सीखने आते हैं वो भी नहीं सीख पाते ठीक है क्या बोलेंगे भैया यहां बोलो सबसे पहले देश में कौन आए थे सबसे पहले आए ईरानी क्या बोलोगे ईरानी ईरानियों के बाद में कौन सा आक्रमण हुआ ईरानियों में कौन आया था ये बोलो फटाफट से तो हकामनी साम्राज्य से आया दारा जिसको डेरियस के नाम से आप जानते हैं यूनानियों में कौन आया सिकंदर आया फिर कौन से आए फिर इंडो ग्रीक आए यानी कि हिंद यवन शासक आए ठीक है फिर कौन से आए हिंड क्या बोलते हैं इनको सक आए फिर पहलव आए क्या बोलोगे पहलव आए फिर कुषाण आए क्या बोलोगे फिर कुषाण आए और कुषाणों के बाद में हम विदेशियों में किसको गिनते हैं आई जी साहब आगे सक आगे आई जी साहब पी के ठीक है क्या बोलोगे सक पहलव कुषाण ये बात याद रखेंगे हाँ जी तो यहाँ पर एक क्रम बताएं कौन सा होगा तो यूनानी शक या कुषाण क्या ये सही एक सही एकदम से क्रम हो जाएगा एकदम से ठीक है क्योंकि देखो कुषाणों के बाद शक को बुलाए ये तो गलत बात है यूनानियों के बाद कुषाण आए ये तो ठीक बात है लेकिन शक यूनानियों से पहले आ गए ये तो गलत बात है शकों के बाद में कुषाण आई ये बात ठीक है लेकिन कुषाणों के बाद यूनानी आई ये तो बात गलत हो जाएगी ये बात तो गलत हो जाएगी कभी गलती नहीं करना है ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी सर जी आवाज नहीं आ रही है बेटा कमेंट में देख लो ना आप अगर आपको आवाज नहीं आ रही होती बच्चों को तो सारे बच्चे लिख रहे होते अकेले आप ही थोड़ी होते देख लिया करो जब आपको लगे ना तो आप समझ जाना अच्छा ये मेरे ही फोन की दिक्कत है ओहो तो उसको फिर आप अपने साउंड वाउंड को देखिए थोड़ा नहीं तो आवाज अगर नहीं आ रही होती तो सारे बच्चे लिख देते फिर है ना गांधार कला किसके अधीन फली फूली फलीफूली तो बच्चे पता ऐसे आता है एकदम से तो लिख देते हैं बच्चे बफ वफ 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 बॉइस वॉइस 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 ऐसे लिखने लग जाते हैं गांधार कला किसके अधीन फली फूली है मतलब किस राजा ने उसको आपका या किस वंश ने तो क्या बोलोगे कुषाण काल में और कुषाण काल में बेसिकली किसने कनिष्क ने कनिष्क ने।, ने इसको सहारा दिया कनिष्क ने इसको आश्रय दिया था मुझे आप बताएं कुषाण वंश के संस्थापक कौन है अगर हम कुषाणों की बात करते हैं इसके संस्थापक एसएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन है तो आप कहेंगे इसके संस्थापक हैं जी कुजुल कुडफिसेस कौन कुजुल कुडफिसेस क्या बोलोगे कुजुल कुडफिसेस कौन है इसके संस्थापक है कुजुल कुडफिसेस ठीक है अच्छा जी जो इनका प्रयोग किया गया गांधार कला का वो सांची और जो भरहूत स्तूप है कौन से राज्य में मैंने आपको ये बताया सांची और भरहूत स्तूप में क्या हुआ है इनका प्रयोग हुआ है ठीक है ये बात याद रख लेनी है निम्नलिखित का मिलान कीजिए इधर लिखे हुए हैं कुछ वंश और इधर लिखी हुई है उनकी राजधानी वो मैच करना है राजधानी को मिलाना है ठीक है चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी जैसे होशल मैं आपसे कहता हूं ऐसे सबसे ज्यादा पूछती है द्वार समुन्द्रम हो गई आपका राष्ट्रकूटों की राजधानी मालखेड़ यानी मान्य खेत हो गई मालखेड़ को क्या कह देते हैं हम मान्य खेत कह देते हैं क्या मान्य खेत कह देंगे क्या कह देंगे मान्य खेत कह देंगे आपका और काकतीय वंश की कौन सी थी वारंगल थी और चालुक्य वंश की थी वातापी क्या बोलेंगे वातापी के चालुक्य सुना ना ये वातापी के चालुक्य तो क्या बन जाएगा दो चार दो चार एक और तीन दो चार एक और तीन ठीक है मिल गया भैया क्या बन जाएगा दो चार एक तीन बन जाएगा दो चार एक तीन बन जाएगा नमस्ते निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है पुलकेशन द्वितीय से कौन सा आपका पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है कौन सा है शिलालेख ठीक है हाथी गुंफा हाथी गुंफा तो किसने जारी कराया था खारवेल ने जारी कराया था जो आपका कलिंग का शासक था खारवेल अच्छा एहोल अभिलेख में बोल दू मासिक तो मासकी तो किसका है अशोक का है नासिक है एहोल क्या हम कह दें आप कहेंगे हाँ जी एहोल एकदम से सही हो जाएगा देखो नासिक अभिलेख कभी पूछे ये कहना गौतमी बलसरी ने क्या बोलोगे सातवा गौतमी बलसरी।, बलसरी ने जारी कराया मास की तो हम जान ही चुके हैं अशोक राजा खारवेल एहोल अच्छा एहोल अभिलेख लिखा किसने है ये कौन बताएगा एहोल के लेखक कौन है जो एहोल अभिलेख लिखा इस एहोल के लेखक कौन है ये आप लोगों को बताना है तो आप क्या बोलेंगे ए होल के लेखक मैं कहूंगा कि भैया मैं नाम दे देता हूं रवि कीर्ति तो क्या ये नाम मैंने सही दिया है कि रवि कीर्ति ने किसको लिखा है ए होल लाल लेख को लिखा है अक्षय सैनी जी आपने सबसे पहले उत्तर दिया था बहुत शानदार ठीक है रवि कीर्ति जी की बात करें अगर हम तो इन्होंने क्या लिखा है इन्होंने पुलकेशन के विजय अभियान लिखे हैं किसके पुलकेसिन ने किसको हराया था पुलकेशन जो सेकंड है इसके इन्होंने आपका एक्सपेडिशंस यानी कि विजय अभियानों को लिखा है और किसको हराया था तो हम कहेंगे कि भैया कि जो हमारा हर्षवर्धन था हमारा क्या हमारा तो पुलकेशन द्वितीय ऐसा थोड़ी उत्तर भारत का है तो हर्षवर्धन हमारा है तो हर्षवर्धन ने जब उत्तर भारत को जीत लिया तो उत्तर भारत को जीतने के बाद में जैसे ही वो दक्षिण में जाना चाह रहा था छः सौ में तो 618 एडी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने हरा दिया था पुल द्वितीय ने हराया था किसने पुलकिशन द्वितीय ने हर्षवर्धन सिर्फ एक ही बार हरा और फिर वो उत्तर भारत में ही शासन करता रहा उसने कहा हम नहीं जाएंगे भैया दक्षिण कोई दिक्कत नहीं है हमको नहीं जाने देते तुम हम नहीं जाएंगे नहीं ना मांगा तो नहीं ना मिलेगा ना पगली आगे आएंगे विक्रम एवं सख संवतों में कितने वर्षों का अंतर है बोलो जी विक्रम एवं सक संवत में कितने वर्षों का अंतर है सत्तावन वर्ष अठ वर्ष एक सौ पैंतीस वर्ष या तीन सौ बीस वर्ष देखो विक्रम संवत हम कब बोलते हैं आपका अठावन ईशा पूर्व का है जिसको हम किसमें गिनते हैं आपका गिनती सत्तावन से जिसकी कर लेते हैं हम सत्तावन बीसी से सक संवत कब का है आपका तो सक संवत है हमारा कब का आपका इसकी काउंटिंग शुरू होती है अठहत्तर एडी से ये शुरू कराया था कनिष्क ने ठीक है ये एक आपका स्थानीय शासक को हरा करके दक्षिण के एक शासक थे विक्रमादित्य उन्होंने मतलब दक्षिण क्या मध्य के कहें तो ज्यादा अच्छा उज्जैन में थे वो बेसिकली तो कितने वर्षों का अंतर आएगा <laughs> दोनों को जोड़ दो अठहत्तर और ये कितने हो गए आपका सात पांच बारह आठ सात पैतीस एक सौ पैंतीस वर्षो का अंतर एक सौ पैंतीस वर्षो का अंतर है कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गुप्त संवत किस वर्ष चला था गुप्त संवत किस वर्ष चला था बोले जी गुप्त संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी तो आप कहेंगे गुप्त संवत को 319 एडी में चलाया गया था किसने चलाया था इसको चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था किसने चंद्रगुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त फर्स्ट ने इसको चलाया था कभी गलती नहीं करनी है आगे आएंगे निम्नलिखित में से कौन से विद्वान है जो कनिष्क के समकालीन थे जो कनिष्क कनिष्क जो कुषाण वंश का था उसके टाइम के थे अश्वघोष है क्या हाँ जी अश्वघोष है नागार्जुन है क्या हाँ जी नागार्जुन भी है वशुमित्र है क्या हाँ जी वशुमित्र भी है आचार्य चाणक्य के कनिष्क के समय थोड़ी हैं वो तो आपका क्या बोलोगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर हैं किसके चंद्रगुप्त मौर्य तो क्या बनेगा एक दो और तीन एकदम से सही होंगे बाकी सही नहीं होंगे तो ये बड़े चर्चित लोग थे जैसे चरक था इन लोगों में एक नाम आता था आपका जैसे मैं अगर आपको बताऊँ जैसे अश्वघोष हो गया एक चरक था क्या बोलोगे चरक था जो वैद था आपका नागार्जुन हो गया एक माथर नाम का राजनीतिक व्यक्ति था वो भी आपका किसके समय पर रहता था माथर नाम का व्यक्ति जो राजनीति से संबंधित था चरक तो एक वैद्य थे एक वैध थे ठीक है नागार्जुन विद्वान है ही कलहण कृत राजतरंगणी में किसका इतिहास वर्णित है क्या बोलेंगे कलहण ने लिखा है आपका किसको राजतरंगणी को तो इस राजतरंगणी में क्या वर्णित है गुजरात बंगाल कश्मीर या फिर पंजाब का इतिहास तो क्या बोलेंगे भैया इसमें कश्मीर का इतिहास है ग्यारह तक का कब तक का ग्यारह सौ इक्यावन ईस्वी तक का है ठीक है राजा जयसिंह कश्मीर के एक शासक थे उनके समय तक का इतिहास है किसमें आपका अच्छा कुछ बच्चे मुझे बता सकते हैं कि राजतरंगणी में कितने अध्याय हैं मैंने आपको ये बात बताई थी और वहाँ कश्मीर के वंशों को भी मैंने प्रैक्टिस सेट में बताया है आपको लोहार वंश उत्पल वंश कारकोट वंश प्रैक्टिस सेट में कई बार बताए गए थे रानी दिद्दा तक का जिक्र मैंने आपसे किया हुआ है इसीलिए नहीं कराए थे तो भूल जाओ तुम उनको <laughs> इसलिए कराए थे कि आप याद रखेंगे भैया श्रीगुप्त होगा नहीं भैया श्रीगुप्त नहीं है चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था श्रीगुप्त के नाम के तो सिक्के मिले हैं गुप्त वंश में इतने होशियार तुम जितने बन जाते हो ना गुरु जी श्रीगुप्त नहीं होगा गुप्त सम्मत इसका मतलब तुम श्रीगुप्त का नाम जानते हो यदी सी बात है तभी तो लिखा होगा और अगर तुम श्री गुप्त तक का नाम जान रहे हो तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि गुप्त संवत ना जानते हो फिर तो जानबूझ के बुद्धू बन रहे हो आगे <laughs> आएंगे क्या बोलेंगे ये आपका कश्मीर का बहुत अच्छा लिखा है आठ 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 अध्यायों में बटा हुआ है बहुत बढ़िया जी निशा राजावत जी एकदम सही उत्तर लिखा है एकदम सही लिखा है गुप्त वंश ने निम्नलिखित में से किस अवधि में शासन किया अब करेंगे भाई की बात तो गुप्त वंश की अगर हम बात करें तो गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया तो 240 या 275 भी कई जगह माना जाता है इसको 240 से 550 तक मुझे बताएं एक बार गुप्त वंश का संस्थापक कौन है हु इज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी जिसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल हम कहते हैं गुप्त वंश का संस्थापक कौन था बताएं जरा तो आप कहेंगे श्रीगुप्त श्रीगुप्त के बाद गद्दी पर कौन बैठा जरा बताना तो श्रीगुप्त के बाद में आया था घटोत्कच भीम का बेटा घटोत्कच नहीं है कभी महाभारत वाला घटोत्कच समझ लो आग उगलने वाला घटोत्कच ये साधारण व्यक्ति है इसके बाद में इन दोनों के बारे में कोई ज्यादा जिक्र नहीं मिलता वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त क्या बोलोगे आपका चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य है जो मौर्य वंश में ये गुप्त है ये गुप्त वंश का है तो ये 319 से लेकर के और 334 या 335 कई बार जिक्र मिलता है यहाँ पर गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पर बैठा तो राजा रानी का सिक्का चलाया इसने या नहीं किसकी याद में चलाया था बताना राजा रानी अपनी महिला दोस्त की याद में अपनी वाइफ की याद में बताओ जरा तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में कौन आया आपका चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में फिर समुद्रगुप्त आया कौन आया समुद्रगुप्त ये चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा है समुद्रगुप्त के दो बेटे रहे आपका एक रामगुप्त रहा एक रामगुप्त रहा और एक रहा आपका कौन चंद्रगुप्त सेकंड रामगुप्त की कहानी याद है रामगुप्त अपनी घरवाली को देने तैयार हो गया था ये अपनी घरवाली को दिए देता था उसको शख शासक को ठीक है बोलेंगे जी रुद्र तृतीय कह रहा उसने बोला मुझे तेरी घरवाली बहुत अच्छी लग रही है कह रहा ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है मतलब ऐसे नहीं उसने बोला उसने बोला या तो अपनी पत्नी दो या राज्य कल हमला होगा उसने बोला ओए राज्य कुछ मत कह जाना पत्नी को ले जाना पत्नी को दे दिया इसने फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको मारा बोला तू ऐसा तो भाई होने लायक ही नहीं है तू मेरे ऐसा कैसा भाई है तू भाभी को किसी और को दिए दे रहा है भाभी से हम शादी करेंगे इसकी हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने उससे शादी कर ली अब तुम ये मत सोचना कि चंद्रगुप्त द्वितीय खराब है कि उसने भाभी से शादी कर ली नहीं उसने भाभी जी से शादी नहीं की दरअसल में शादी उसी की होनी थी ध्रुव स्वामिनी से उन दोनों का प्रेम प्रसंग पहले था लेकिन क्योंकि गद्दी पर ये बैठा दिया तो लड़की वालों के जो पिताजी थे वो तो राजा से ही शादी करते लड़की वालों के पिताजी को मतलब थोड़ी है कि दोनों का प्रेम प्रसंग है उन्होंने बोला अच्छा ये राजा बना नहीं बना नहीं बना राजा ये और लड़की वालों को तो राजा चाहिए लड़का राजा जैसा जो है उसको शादी कर देंगे उनको प्रेम प्रसंग से क्या मतलब तो भैया ये फिर मारा गया ऐसे दूल्हे मारे जाते हैं तुम्हें तो वो सुना ना सबसे पहले कौन सा है डायलॉग यार मैं भूल गया थोड़ा नहीं तो मुझे याद था सबसे वो कौन सा डायलॉग है तुम बताना जरा सन्नी देवल का जो सबसे पहले वो मरे जिसके माथे पर सहरा बंदा हो काजल तुम सिर्फ मेरी वो नहीं यार आगे वाला बात होता काजल की बात छोड़ो काजल की तो बात ही नहीं नहीं है यार. भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है आगे बताएंगे भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को अशोक महान को या फिर समुद्रगुप्त को कहा जाता है या फिर समुद्रगुप्त को तो भारत का नेपोलियन कहते हैं किसको समुद्रगुप्त को क्योंकि दोस्त उसने यूरोप के नेपोलियन की तरह अपने सारे विद्रोहियों को हराया इसने कुल कितने शासकों को हराया था बताएंगे जरा समुद्रगुप्त ने कुल कितने राजाओं को हराया तो कुल राजा हराए इसने कितने थे 21 राजाओं को इसने भारतवर्ष के 21 बड़े राजाओं को इसने हरा दिया जिसमें से नौ राजा तो उत्तर भारत के थे और बारह राजा जो थे वो दक्षिण भारत के थे उत्तर के लिए क्या नीति बता रखी है मैंने समुन्द्र गुप्त की आपको कि उत्तर के लिए जो उसकी नीति थी वो थी परसाबोद्धरण की नीति यानी इनको ये अपने अधीन करके इनसे टैक्स लेता था परिषोद्धरण की नीति लेकिन जो दक्षिण के राजा थे उनको उसने अपने अधीन नहीं किया जीत करके छोड़ दिया और बोला कि आई एम द पावर क्या बोला कि मैं शक्ति हूँ ये तुमको मानना पड़ेगा तो दक्षिण के लिए उसकी जो नीति थी वो थी ग्रहण मोक्षानुग्रह कौन सी ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का उसने पालन किया इसको ही हम परम भागवत कहते हैं क्या बोलोगे इसी को ही हम परम भागवत कहते हैं परम भागवत काच नाम से किस राजा को जाना जाता है काच तो वो भी कौन है वो समुद्रगुप्त ही है काच नाम से ये याद रख लेना कौन 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 बजाता था वीना वादक कौन है? वीना वादक कौन है 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 यही ठीक है और इसी का दरबारी कवि था कौन आपका बताना जरा इसी के दरबारी कवि का नाम था आपका क्या दरबारी कवि का नाम था आपका क्या कहेंगे जी हरीशेण था दरबारी कवि था हरीशेन क्या बोलोगे हरीशेन और उस हरीशेन ने ही क्या लिखा है समुद्रगुप्त की विजयों को लिखा है हाबाद प्रशस्ति लेख बोलते हैं या प्रयाग प्रशस्ति लेख भी उसको हम कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा है ठीक है अब मुझे बताइए कि इसको जो ये कहा आपका क्या कहा उसको भारत का नेपोलियन किसने कहा किसने कहा था भारत का नेपोलियन तो आप कहेंगे जी विंसेंट स्मिथ ने कहा विंसेंट स्मिथ की बुक का नाम बता दीजिए तो मैं जानूं कि आप अपने छात्र हैं विंसेंट स्मिथ की कौन सी किताब है जिसमें उसने ऐसा जिक्र किया है बोलेंगे अभी फटाफट से अगर चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह अर्थिया उठेंगी लासे बिछा दूंगा लासे <laughs> आ, ये ये भाई ने ठीक लिखा है समुद्र <laughs> समुद्र गुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है <laughs> बोलेंगे जी नहीं मैं भूल चुका <laughs> मैं 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 सब कुछ भूल चुका हूं <laughs> समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है बोलेंगे एक बार अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया था वेरी गुड बोलेंगे जी समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले अभिलेख पर किसका समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख किसने लिखा तो आप कहेंगे हरिशेण ने लिखा हरिशैंड ने उसको संस्कृत में लिखा था ये भी बात जान लीजिए ठीक है तो जहांगीर के बारे में जिक्र मिलता है क्या बोलोगे जहांगीर के बारे में जिक्र मिलता है किसके बारे में जहांगीर के बारे में जिक्र मिलता है क्या बोल दिया मैंने ठीक है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है हाँ अब ये मत कहने लगना इसमें किसका लेख मिलता है तो जहांगीर का आप कहोगे जी जहांगीर तो बहुत बाद में शासक आया तो उसका लेख कैसे मिल गया जहांगीर का लेख है ध्यान से देख लेना इस बात को क्या लिखा हुआ था जहांगीर का किसका किसका लेख मिलता है तो जहांगीर का लेख मिलता है मतलब जहांगीर ने उस पर लिखवाया बाद में कभी ये सोच लो जी उस पर जहांगीर कैसे ठीक है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन सा था जिसने चांदी के सिक्के जारी करवाए और गुप्तों ने जो सोने के सिक्के जारी कराए ठीक है सोने के सिक्के शुरुआत में चंद्रगुप्त के समय से भी जारी हो गए जिनको हम दिनार कहते थे लेकिन चांदी के सिक्के किसने जारी कराए चांदी के सिक्के जारी कराए आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने कितने दोस्त बता सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर कब बैठा यह आपको पता होना चाहिए तो मैंने बताया कि चंद्रगुप्त प्रथम कब तक रहा था चंद्रगुप्त जो प्रथम था वो कब तक गद्दी पर रहा दोस्त आपका तो आपने कहा 319 में उसने गद्दी पर बैठते ही कैलेंडर चलाया और 335 या 34 दोनों का उल्लेख मिलता है समुद्रगुप्त गद्दी पर कब तक रहा समुद्रगुप्त मित्र गद्दी पर रहा था आपका 335 से लेकर के 335 से लेकर के 380 तक और समुद्रगुप्त के बाद में कुछ दिनों तक तो आपका रामगुप्त रहा रामगुप्त तो अपने बड़े भाई को मार दिया चंद्रगुप्त सेकंड ने चंद्रगुप्त सेकंड ने और चंद्रगुप्त सेकंड 380 से लेकर के 414 तक रहा फिर इसी के समय तो आया आपका कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा यात्री आया था भ्रमण करने के लिए तो क्या कहेंगे फाहियान फाहियान आया था आपका कब आया था फाहियान आया था तीन में फिर पंद्रह साल चार तक रुक के गया था इसके समय पर ठीक है बहुत बढ़िया जो दोस्त बताए गए हो अच्छा सोने का तो हो गया ठीक है दिनार मुझे बताओ रजत सिक्कों को ये क्या बोलते थे चांदी के सिक्कों को रजत मतलब चांदी सिल्वर इनको ये रुपयक कहते थे रुपयक और तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे इस समय जो कॉपर के कॉइन चलते थे जो तांबे के सिक्के चलते थे उनको ये लोग क्या कहते थे गुप्त वंश के लोग तांबे के सिक्के चलते थे उसको क्या बोलते थे ये आपका बोलेंगे जी कौड़ी बोलते थे कौड़ी कौड़ी बोलते थे ठीक है और गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल क्यों कहते हैं एक बार थम्सअप कीजिए कि आप जानते हैं उसको स्वर्णकाल क्यों कहते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था उस समय के प्रमुख मंदिर कौन से बने आर्यभट्ट या महान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले नौ रत्न प्रमुख व्यक्तियों का जन्म अकस्मात उस समय पर हो गया स्थापत्य भारतीय मंदिरों का बहुत हुआ तो भारतीय मंदिरों का या भारतीय विद्वानों के समय की वजह से उसको भारतीय क्या बोलते हैं गुप्त गुप्त वंश को हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री चंद्रगुप्त के नौ रत्नों में से अकबर ने किसको कॉपी किया चंद्रगुप्त द्वितीय को ही अकबर ने भी फिर नौ रत्न रखे थे चंद्रगुप्त के नौ रत्नों में से निम्न में से किसको फलित ज्योतिष से संबंधित था ज्योतिष से किसका संबंध था वरुचि का बोलो जी शंकु का छपणक का या फिर अमर सिंह का नौ रत्नों में से नौ के नौ बड़े शानदार रत्न थे नौ रत्नों में से जैसे वरुचि की अगर हम बात करें तो इनका संबंध तो ग्रामर से था ये एक वैयाकरण थे यानी ग्रामर से इनका संबंध था व्याकरण की बात ये करते थे शंकु की बात करें तो ये आपका एक वास्तुकार थे वास्तुकार मतलब उनके भवनों को मंदिर कैसे बनेंगे उनका डिजाइन कैसे होंगे छपणक का संबंध था आपका किससे भैया एस्ट्रोलॉजी से और अमर सिंह क्या था ये शब्द कोश पर काम करता था एक कोशकार था चार हो गए चार हो गए पांचवे कौन थे क्या बता सकते हैं महाकवि कालिदास कालिदास जी की दोस्त एक एक रचना बस लिख दो कालिदास जी की एक एक रचना लिख दो याद है ना मेघदूत मेघदूत की कहानी याद है अभिज्ञान सातमोर वर्षीयम ये सारी कहानियां मैंने आपको सुनाई थी अभिज्ञान साकुंतलम उम्मीद करूंगा आपको याद होंगी ठीक है विक्रमोर वर्षीयम आदि रचनाएं और यूरोपीय भाषा में अनुवादित पहला ग्रंथ यही है अभिज्ञान शाकुंतलम ठीक है अभिज्ञान शाकुंतलम ठीक है शकुंतला का ही बेटा कौन था राजा भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत है और इस शकुंतला के पिता कौन थे पता है राजा विश्वामित्र थे कौन विश्वामित्र यानी विश्वामित्र का नाती है भरत ठीक है आगे आएंगे छठे कालिदास और इसके बाद में आपका धनवंतरी कौन थे धनवंतरी चिकित्सक है धनवंतरी कौन है चिकित्सक है क्या बोलोगे ये आपका एक डॉक्टर थे धनवंतरी चिकित्सक बहुत पूछे जाते हैं वराह मीर याद हैं जी वराह मही दिल्ली में कौन सी जगह जानी जाती है आज इनके नाम से ये बता दो बस वराह मीर क्या बोलोगे आपका खगोल से कह देंगे एस्ट्रो एस्ट्रो डिपार्टमेंट से थे खगोल से थे एक आपका बेताल भट्ट एक जादूगर ले रखा था इन्होंने अपने साथ में बेताल भट्ट ये वो नहीं है कि जो कंधे पर बैठ के कहानियाँ सुनता था एक नवा नाम आप बताएंगे कौन है नवा नाम आप बताएंगे कि नौवे व्यक्ति कौन थे तो आप कहेंगे घटकर पर गुरु जी आज कितने प्रश्न है बेटा क्लास के शुरुआत में बता दिए वहां देख लो क्लास की जब शुरुआत की ना तब भी बता दिए थे कितने प्रश्न है राजनीति से घटकर पर ऐसा प्रश्न ना पूछो तुम बच्चे आंसर कर दिया करो ना उन चीजों के ठीक है वेरी गुड बहुत शानदार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान का केंद्र नालंदा के निर्माण की और नालंदा के विनाश की पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी कि क्यों नालंदा का बख्तियार खिलजी ने विनाश किया और क्या सनक उसके ऊपर रही तो क्या कहेंगे <coughs> कुमार गुप्त ने या चंद्रगुप्त ने तो कुमार गुप्त प्रथम कह देंगे क्या कह देंगे कुमार गुप्त प्रथम ने इसको करवाया था पांचवी सदी में ये बना था ठीक है विनाश इसका हुआ था बारहवीं शताब्दी में वो किया था आपका बख्तियार खिलजी ने ठीक है बख्तियार खिलजी ने ओके दस कुमार चरितम अथवा दस राजकुमारों की कथाएं जो गुप्त वंश की एक रचना है किसने लिखी है दस कुमार चरितम भट्टी ने बाण भट्ट की अगर हम बात करें बाण भट्ट तो किसके समय पर है आपका बाण भट्ट ने तो लिखा है राजा हर्षवर्धन के समय हर्ष चरित्र को हर्ष चरित्र को और कादम्बरी को किसको हर्ष चरित्र वो भी आठ भागों में है कादंबरी को लिखा है क्या बोलेंगे कादंबरी को ये किसकी रचनाएं हैं बाणभट्ट तो बाण भट्ट तो है नहीं दस कुमार चरित्र की कौन सी है दंडी की रचना है दंडी की रचना है किसकी दंडी की भाष की ये भी याद रख लेना बच्चे आपका स्वपन वास दत्ता क्या बोलोगे स्वपन वास दत्ता के लेखक कौन है तो महाकवि भाष हैं क्या बोलोगे महाकवि भाष हैं महाकवि भाष है। तो दंडी एकदम सही उत्तर हो जाएगा और दंडी की एक और रचना मैंने आपको बता रखी थी कोई एक दंडी की एक तो दस कुमार चरित्र हाँ एक तो दस कुमार चरित्र और एक काव्य दर्श कौन सी काव्य दर्श रचना किसकी है वो भी दंडी की है ठीक है पायान का भारत आगमन का क्या लक्ष्य है यानी कि क्या मिशन था किस लिए वो आया तो गुप्तकालीन राजाओं की प्रशासनिक व्यवस्था को देखने आया किसके समय आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय अच्छा मुझे बताओ कि फाहयान ने पायान ने जो चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया तो किस वर्ष आया और किस वर्ष गया तो तीन सौ निन्यानवे ए में आया और चार सौ चौदह में वापस गया इसका मतलब कितने वर्षों तक रहा भारत में पंद्रह वर्षों तक रहा और बुक बता दो बुक कौन सी लिखी बुक सारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए तो क्या बोलोगे फाहियान की रचना का नाम है फाक् क्या बोलोगे फाक्यो की कोई कोई सीयू की लिख देगा कोई कोई तो सीयू की कुछ किताब पूछ लो चीनी लेखक का वो सी की लिख देता है देखो कई बच्चों ने लिख दिया ना अच्छा फिर हेन्सॉंग की कौन सी लिखोगे अगर चंद फाइयान की भी आप लिखोगे सी यू की तो फिर उसकी आपका की कौन सी लिखोगे हो तुम बुद्धू नहीं मुर्गे बन जाओ लड़के सारे और अपने एक एक चांटा लगाओ ठीक है लड़कियां एक एक कला उछल के लगाओ जिन्होंने गलत उत्तर बताया है तो ये आया था इसका मकसद था बौद्ध संस्थानों बेसिकली नालंदा में अध्ययन करने आया था और क्योंकि वहां पर बहुत सारा बौद्ध ज्ञान रखा हुआ था उसकी प्रतियों को संग्रह करने भी ये आया था ठीक है भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप और द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं कुल्यावाप और आपका द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं भूमि की माप करता था कुल्यावाप विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के थे या फिर नगर की भूमि का वर्गीकरण था या फिर धार्मिक अनुष्ठान था तो आप क्या बोलेंगे जो जमीन की माप थी उसको बोलते थे कुल्यावाप और द्रोणवाप ठीक है एक कुल्यावाप बराबर जो होता था क्या बोलोगे एक कुल्यावाप बराबर होता था आठ द्रोणावाप क्या बोलोगे आठ द्रोणावाप होता था आठ द्रोणावाप और ये बत्तीस आढ़व्य होता था बत्तीस आढ़व्य बत्तीस आढ़व्य तो कभी यह प्रश्न पूछ ले कि आडव्य शब्द द्रोणावाप शब्द या कुल्यवाप शब्द का संबंध किससे है तो जमीन की माप से है जमीन की माप से और बत्तीस आडव्य उसका संबंध बता एक आडव्य बराबर आपका लगभग आठ इंच के बराबर किसके आठ इंच के बराबर ठीक है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी तो प्रश्न आ गया बोलेंगे जी किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई रामगुप्त क्या बोलोगे कौन था वो आपका अच्छा किसने प्राप्त की तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने देखो कहानी क्या है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है एक आपका ध्रुव स्वामिनी क्या ध्रुव स्वामिनी तो ध्रुव स्वामिनी से मतलब है कि ये ध्रुव देवी थी आपको भी किस किस ने नहीं सुनी है ये कहानी वो थमसअप करो तब सुनाएंगे अभी सबने ही सुन रखी हो फिर क्यों सुनानी नहीं ध्रुव स्वामिनी जो है ये आपका बहुत सुंदर थी और इसकी शादी दोनों का प्रेम किससे था इसका प्रेम था चंद्रगुप्त से किससे चंद्रगुप्त सेकंड से दोनों अपनी अपनी बातें करते थे कि हमारी शादी होगी और कल को हम इस वाले अपने गुप्त वंश राजा का बेटा था समुद्रगुप्त का बेटा जिसने इसके पिता ने पूरे देश को जीत लिया बोल रहा होगा इससे हम ऐसे आगरा के बगीचों में घुमा करेंगे हम लोग ऐसे आपका क्या बोलेंगे उत्तर प्रदेश के बगीचों में घुमे दोनों सपने देखते थे लेकिन क्या बोलेंगे ये कमजोर शासक था रामगुप्त लेकिन फिर भी समुद्रगुप्त ने बड़े बेटे को कि वंशानुगत तरीके से बड़े बेटे को ही राजा बनाया तो ध्रुव स्वामी के पापा ने क्या कर दिया उसकी इसने बोला पापा जी मैं तो इससे शादी करूंगी पापा जी ने बोला अच्छा तो ज्यादा बड़ी नेता इससे शादी करेगी राजा से शादी कर इससे शादी कर वो तो भिकारी है उसके पास क्या रखा उसके पास तो कुछ है ही नहीं उससे शादी करके क्या लोगी तो भैया शादी हो होगी ये बेचारी परेशान रहती थी सोचती थी कि हमारे क्या ख्याल थे और वो मौका आ गया कि एक शक शासक आया रुद्र तृतीय इसने सुन लिया शक्स शासक था रुद्र तृतीय इसने सुन लिया कि इसकी घरवाली बहुत सुंदर है और ये कमज़ोर शासक है तो इसको उसने आपका मैसेज भिजवाया कि तुमको या तो घरवाली देनी होगी या राज्य देना होगा तो उसने तब कहा था इसने रामगुप्त ने कि ठीक है राज्य रहेगा तो ऐसी बहुत सुंदर लड़कियाँ आ जाएंगी उसने बोला ठीक है ले जाना तो रात को वो गई फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के पास में चुपचाप उसने बोली ऐसे ऐसे तुम्हारे भैया तो ऐसे कर रहे हैं उसने बोली इसे हम देखते हैं वो वक्त आ चुका है कि मेरा और तुम्हारा प्यार अब सफल हो के रहेगा तो इसकी फिर तब हत्या की थी उसने ठीक है और फिर ऐसा नहीं था कि इसी की हत्या करके शादी कर ली फिर सको को भी हराया सक शासक रुद्र तृतीय को भी हराया अपने संबंधियों को इकट्ठा करके वाकटकों की मदद लेकर के उसको हराया और इसीलिए उसको बोलते चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी सक धन अरी सको का दुश्मन बन गया वो सको का दुश्मन बन गया निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था और ये कहानी एक ने यही विशाखा दत्त ने लिखी है विशाखा दत्त की पुस्तक का नाम जानते हो देवी चंद्रगुप्तम वो तो पूरी कहानी इसी बात के लिए है कि कैसे कैसे वो कहानी गढ़ी गई गुप्त वंश के बारे में जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत भी वही पुस्तक है देवी चंद्र गुप्तम आप पढ़ेंगे तो मजा आएगा देवी चंद्र गुप्त पढ़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था कीर्ति वर्मन द्वितीय ने यह मैंने आपको भी बताया पुलकिशन द्वितीय ने किस नदी के तट पर भाई सब बताएं किस नदी के तट पर तो आप कहेंगे नर्मदा नदी के तट पर वर्ष कौन सा था 618 था कौन सा 618 था ठीक है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की वेरी गुड पाइयान तो अब नहीं लिखेंगे इत सिंह तो आठवीं शताब्दी में आया देखो हर्षवर्धन का जो शासनकाल है हर्षवर्धन का शासनकाल है 606 छह से 647। आप लोग जानते ही हैं कि हर्षवर्धन की बहन का अपहरण कर लिया गया हर्षवर्धन के जो भाई साहब थे जीजाजी थे उनकी हत्या कर दी गई इसके स्वयं बड़े भाई की हत्या कर दी गई पिताजी मौत हो चुकी थी ये जन्म हुआ था इसके 590 में ये तो कुल बेचारा आपका 16 वर्ष का एक बच्चा सा था गद्दी पर बैठने का बिल्कुल इच्छुक नहीं था ठीक है उसका मन ही नहीं था गद्दी पर बैठने का लेकिन उसको बैठना पड़ा तो छ से छह इसी के समय पर आया हेन स्वांग जिसको हम बोलते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स यानी कि यात्रियों का राजकुमार यानी सारे जितने भी लेखक आए किस देश से आया था ये जरा बताना यात्रियों का राजकुमार इसको क्यों कहते हैं क्योंकि इसने जो लिखा वो सबसे ज्यादा सटीक है इसलिए सारे यात्रियों में राजकुमार इसको बोलते हैं यानी कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स इसको कहा जाता है क्या बोलोगे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स इसको कहा जाता है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स इसको कहा जाता है कभी गलती नहीं करनी है ठीक है इसकी बुक का क्या नाम है और किस वर्ष आया ये भी बताइए उम्मीद करूंगा सारे छात्र बता पाएंगे इसकी किताब सी यू की है उसकी क्यों बताते हो वो तो फाक्यू की लिखता है और क्या बोलोगे ये कब आया आपका तो हर्षवर्धन के समय आया 630 कई बार इसका जिक्र छः भी लिखा हुआ मिलता है लेकिन परीक्षा में ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ष नहीं आते हैं वो डायरेक्टली कुछ वर्ष देगा 630 से लेकर के 645 सौ एडी तक ठीक है ये बात याद रख लेना विद्यालय क्या नालंदा नालंदा में कितने महीने पढ़ा था ये अठारह महीने नालंदा में पढ़ा था ठीक है नालंदा में मणि मेखले के लेखक कौन है मणि मेखले के लेखक कौन है मणि मेखले इसी समय की एक रचना मानी जाती है कोवलन है सथनार है इलंगो अधिगल है या फिर आपका तिरु तिरुकवा तेवर है क्या बोलोगे आपका मणिमेखले ये रचना है सथनार की किसकी सथनार की ठीक है एक तमिल महाकाव्य है तमिल महाकाव्य है और बहुत चर्चित है क्योंकि एक देवी से जुड़ा हुआ है जानते हैं कहानी क्या है कितने लोग नहीं जानते ये बताएं दरअसल में मणि मेखलेख से पहले मैं आपको जिक्र कर दूं एक पुस्तक है आपकी एक तो याद रख लेना एक पुस्तक है आपकी तोलक का पीएम क्या बोलोगे तोलक का पीएम और तोलक का पीएम के जो लेखक हैं ये बहुत पूछे जाते हैं ये जरूर याद करना है दिल्ली पुलिस दो हजार से तीनों प्रश्न पूछे गए थे तब भी हर परीक्षा में पूछे जाते हैं सी में पूछा गया अभी आपका प्रिलिम्स में सीपीओ पूछा गया तोलक का पीएम के लेखक कौन है वो तोलक का पियर है क्या बोलोगे तोलक का पियर है तोलक का पियर है ठीक है ये क्या है ये सबसे पुराना तमिल ग्रंथ है एक तो इसको इसलिए याद रखना है सबसे पुराना तमिल ग्रंथ है तमिल भाषा का सबसे पुराना तमिल ग्रंथ है फिर हम बात करेंगे एक पुस्तक है आपकी कौन सी एक पुस्तक है शिल्पाधिकारम इसके लेखक बताइए कौन है यहाँ से कहानी शुरू होती है शिल्पाधिकारम जो है आपका शिल्पादिकारम इसके लेखक हैं इलिंगो अधिगल जो विकल्प सी में लिखे हुए हैं इलिंगो अधिगल तो इलिंगो अधिगल ने एक कहानी लिखी है एक कहानी लिखी है ओलंगो अधिगल की कहानी क्या है इलिंगो अधिगल कहता है कि क्या नाम था व्यापारी का किस व्यापारी की कहानी है पिछली बार तो सीजीएल में ऐसा पूछा गया था कि मणिमेखले मणि मेखले ऐसा नाम नहीं दिया उन्होंने दिया कि माधवी और उसकी बेटी की कहानी किस पुस्तक में वर्णित है तो ये ध्यान से देखना तो कोवलन जो है ये एक व्यापारी था वाइफ का क्या नाम था इसकी का घरवाली का घरवाली का नाम है कन्नगी क्या बोलोगे कन्नगी और इसकी जो माधवी है ये तो पत्नी हो गई व्यापारी की और माधवी थी इसकी कौन आपका प्रेमिका ठीक है जिससे ये प्रेम करता था तो ये प्रेम करता था इससे तो व्यापार में क्या करता है तो व्यापार करने के लिए जाता है तो प्रेम हो जाता माधवी उसके पास अक्सर जाता और सब कुछ अपना खो बैठता है प्रेम में प्रेम में अपना सब कुछ बर्बाद करके बैठता है तो ये जो कन्नगी है ये जो कन्नगी है ये क्या करती है इसको अपनी पायल देती है तो कारम का मतलब होता है ये तमिल का एक शब्द है इसका अर्थ होता है नुपुर की, नुपुर की कहानी नुपुर की कहानी नुपुर किसको बोलते हैं पायल को तो ये अपनी पायल देती है उसको कि तुम जाओ इसको बेच करके अपने व्यापार में कुछ मदद लो तो जैसे ही वो पायल को बेचने जाता है एक सुनार के पास में तो उस समय घटना ये घटती है कि चोल वंश का शासक था आपका शेख गुटुवन क्या बोलोगे शेख गुटुवन एक शासक था तो उसकी जो रानी है यानी उसकी जो पत्नी है उसकी भी एक पायल खो जाती है और सयोग दोनों पायलें एक जैसी थी तो ये जैसे ही बाजार में उसको बेचने गया तो गुप्तचरों ने उसको पकड़ लिया कि ये तो क्योंकि गुप्तचरों को पता था जिसने चुराई है वो बेचने जाएगा तो उसको पकड़ लिया गया बेचारे उसकी सुनवाई नहीं हुई और उसको इन्होंने मृत्युदंड दे दिया तो इसकी पत्नी बहुत क्रोधित हुई इसकी पत्नी ने जाकर के यहाँ कहते हैं कि चोल वंश की बर्बादी का कारण यही था कि इसने जाकर के वहाँ उनको श्राप दे दिया क्या दे दिया सॉरी क्या बोल दिया यहाँ उसने श्राप दे दिया और यहाँ पर ये यह याद रखेंगे कि जैसे ही इसने श्राप दिया तो ये खुद भी वहाँ जल गई और इसीलिए इसकी दक्षिण में बहुत पूजा होती है और दक्षिण की पार्वती किसको कहते हैं दक्षिण की पार्वती किसको कहते हैं तो आप कहेंगे दक्षिण की पार्वती कन्नगी को कहते हैं फिर ये माधवी कहां गई जी तो माधवी से ही एक बेटी पैदा हुई इसी माधवी की बेटी का नाम है मणिमेखले क्या बोलोगे और सेकंड पार्ट जो लिखा है आपका सेकंड पार्ट जो लिखा गया आपका वो मणिमेखले इसी कोवलन की बेटी के नाम पर है क्या बोलोगे इसी कोवलन की बेटी के नाम पर फिर कहानी है तो आपका प्रश्न पूछा गया था जो मैं कह रहा था सीपी में प्रश्न था कि आपका क्या माधवी और उसकी बेटी म, उसकी बेटी की कहानी किस पुस्तक में है तो किस में है मणि मेखले में बहुत चर्चित ग्रंथ है दोस्त आगे आएंगे ठीक है दूसरा भाग है मतलब ये कह सकते हैं हम इसको प्राचीन भारत में किस चीनी यात्री ने मध्य भारत की यात्रा के अभिलेख नामक एक डायरी लिखी थी क्या मध्य भारत की यात्रा के अभिलेख क्या बोलेंगे मध्य भारत की यात्रा के अभिलेख ऐसी पुस्तक लिखी वो कौन सा चीनी यात्री है ठीक है आगे आएंगे बोलेंगे भी फटाफट से वांग हुएंसी या हुएसांग या इतसिक या ली युवा बतो क्या बोलोगे आपका किसने की थी भैया ये आपका हिंसवांग है कौन है हेन्सवांग है ये बात याद रख लेंगे और अपने साथ पता है भारत के यहां से रिसर्च करके लगभग 650 संस्कृत ग्रंथों को लेके गया था जिसको बाद में इन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ बौद्धिक रूप से हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसने कान्यकुब्ज में सत्या हड़प ली थी कान्यकुब्ज किसको बोलते हैं हम कौन सा सिटी था कान्यकुब्ज कौन सा है कन्नौज कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी मैंने आपको पढ़ाया था राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहार और पालवंश वाला तो ये कन्नौज जब हर्षवर्धन की मौत हो गई तो हर्षवर्धन की मौत के बाद में जो उसके बेटे बने तो बेटे जो थे आपका कौन कौन आपका कल्याणवर्धन और वाग्यवर्धन उन दोनों बेटों की हत्या करवा दी थी अरुणाशम ने किसने अरुणाश्रम ने देखो शशांक तो वो है जिसने बौद्धि वृक्ष को कटवाया था ये विरोधी आदमी था हर्षवर्धन का इनकी बहन के अपहरण करने में भी हाथ था शशांक का ठीक है तो क्या बोलेंगे अरुणाश्म ने हत्या तक क्या बोलोगे अरे अरुणाश्म ने कौन था अरुणाश्म कोई एकदम से नहीं आ गया था ये हर्षवर्धन का मंत्री ही था और हर्षवर्धन ने इसे कहा था कि मेरे बाद में मेरे बच्चों का ख्याल रखना ठीक है यदि मैं ना रहूं और इसने प्रॉमिस भी किया था कि मैं उन बच्चों का ख्याल रखूंगा ठीक है आगे आएंगे निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी बच्चों को हेल्पलाइन नंबर पेस्ट कर दो बेटा जो आप लिखते रहते हो ना यूपी UP, पुलिस यूपीएसआई इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है उस पर फोन कर लिया करो उन सबको हम समझाते हैं क्योंकि इंडिविजुअल हम सबके आंसर नहीं कर सकते हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं कक्षा ले सकते हैं इतना तो समझना होगा आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो उनसे मीटिंग करके हम डेली बताते हैं क्योंकि वो हमको बताते हैं कि बच्चों का इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कॉमन क्वेश्चन ही होते हैं सबके उन सबको उन सबके आंसर पता है क्योंकि वो आंसर हमारे द्वारा डिलीवर उनको किए गए कि बच्चा यदि ये पूछे तो उसको यह बताना है ठीक है आगे, आगे। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी बोले राष्ट्रकूट साम्राज्य की तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन है अमोगवर्ष प्रथम दंती दुर्ग ध्रुव या फिर कृष्ण होगा तो क्या बोलोगे दंती दुर्ग अच्छा मुझे बताओ ये जो आपका राष्ट्रकूट थे ये किसके सामंत थे किसके सामंत थे तो क्या बोलोगे राष्ट्रकूट चालुक्यों के मंत्री थे सामंत का मतलब क्या है मंत्री किसके मंत्री थे चालुक्यों के मंत्री थे किसके मंत्री थे दोस्त चालुक्यों के मंत्री थे चालुक्यों के ठीक है राजधानी अभी मैंने एक मिलान में किया था राजधानी बताएं क्या थी इनकी राजधानी क्या थी इनकी तो राजधानी आप कहेंगे मान्य खेत जिसको हम क्या कहते हैं मालखेड भी कहते हैं मालखेड भी दोस्त हम कहते हैं ठीक है आगे आएंगे संगम युग में संगम का क्या अर्थ है संगमयुग अगर संगम युग का संबंध में आपसे पूछूं किस भाषा से है तो क्या उत्तर आएगा आप लोगों का बोलेंगे फटाफट से तो आप कहेंगे शाही कोट था एक कवियों की एक सभा थी धार्मिक नेताओं की एक सभा थी या फिर नदियों का मिलन था भाई साहब कवियों की एक सभा थी और किस भाषा के कवियों की तमिल कवियों की क्या बोलोगे तमिल कवियों की मुझे बहुत बार ये प्रश्न देखने को मिला है जो संगम युग था आपका तमिल कवियों को इनको संरक्षण जो दिया वो किस वश किस किस वंश ने दिया तो संरक्षण या पूछे कभी भी तमिल कवियों की ये सभा किसने पांड्य वंश के शासकों ने कराई थी पांड्य वंश के शासकों ने कराई थी तो कितनी सभाएं हुई थी ये ये टोटल तीन सभा हुई थी और तीन सभाओं को इनको मुचंगम कहते हैं क्या बोलोगे इन तीन सभाओं को मुचंगम भी कहा जाता है कभी भी पूछे मुचंगम भी कहा जाता है मुचंगन किसको कहते हैं तमिल सभा को कहते हैं ठीक है मुझे बताएं जो पहली सभा हुई वो कहाँ पर हुई दूसरी कहाँ पर तीसरी कहाँ पर पहली हुई मदुरे में तमिलनाडु में दूसरी कपाटपुरम में हुई ठीक है कपाटपुरम ये दूसरी के समय ही जो मैं बता रहा था ना इस सबसे पुराना तमिल तो ये सभाएं इसलिए हो रही थी कि भाई हमको तमिल साहित्य को बचाना है जो तमिल में कहानियां हैं वो लिखनी है तो यहां पर ही तोला कपियम को लिखा गया था और तीसरी फिर से हुई मदुरे में क्या बोलोगे तीसरी फिर या तीसरा संगम हम कहें तो तीसरा भी मदुरे में हुआ ये बहुत पूछी जाती है पहला दूसरा तीसरा कहाँ पर हुआ उत्तरा मेरूर शिलालेख में किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है चोल वंश से चालुक्य सातवाहन या फिर पल्लव वंश थे किस वंश से जानकारी मिलती है यानी किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है तो क्या बोलेंगे चोल वंश के बारे में राजधानी मिलती है और चोल वंश के शासक जो है किस शासक ने उत्तरा मेरूर शिलालेख को जारी कराया था तो शासक का नाम था आपका परांतक प्रथम कौन सा परांतक प्रथम क्या बोलोगे परांतक प्रथम शासक था परांतक प्रथम निम्नलिखित में से कौन सी कृति कृष्ण देवराय ने लिखी थी कृष्ण देवराय की कौन सी साहित्यिक कृति है एक बार बताएंगे जो कृष्ण देवराय थे किस वंश से संबंधित थे उत्तर के राजा थे दक्षिण के आप क्या जानते हैं जरा इनके बारे में तो हम कहेंगे साहित्यिक कृति कृष्ण देवराय ने लिखी अमुक्त माल्यद कथा सरित गाथा कविराज मार्ग या उषा परिनियम क्या बोलोगे अमुक्त माल्यद है जी अमुक्त माल्यद किस सबसे ज्यादा ये पूछा था किस भाषा में लिखी तेलुगु भाषा में किस भाषा में तेलुगु भाषा में दोस्त इसको लिखा था तेलुगु भाषा में यही आपके कृष्ण देवराय हैं जिनको हम आंध्र भोज के नाम से जानते हैं आंध्र भोज के नाम से जानते हैं किस वंश से संबंधित थे क्या बता सकते हैं तेलुगु भाषा में इन्होंने लिखा और इन्हीं के दरबार में रहते थे आठ दिग्गज और आठ से जैसे अकबर के सारे दिग्गजों में सबसे प्रिय सबसे ज्यादा चर्चित कौन है बीरबल आपका अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त द्वितीय के सारे दिग्गजों में से सबसे ज्यादा चर्चित कौन है तो महाकवि कालिदास ऐसे ही इनके आठ दिग्गजों में से कौन सबसे ज्यादा चर्चित थे बताएंगे एक बार बहुत बढ़िया विजयनगर के सुलभ वंश से इनका संबंध था बहुत शानदार लिखा है आप लोगों ने आठ दिग्गजों में से सबसे चर्चित कौन थे जरा बताएं तो सबसे ज्यादा प्रश्न इनसे बनता है कि तेनाली राम किसके दरबार में रहते थे कभी गलती नहीं करनी कि तेनाली राम किसके दरबार में रहते थे बताएंगे जी नवी शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना या चोल राज्य की नींव डाली गई थी बताएंगे एक बार नवी शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव डाली गई कृष्ण प्रथम के द्वारा राजराज चोल विजयालय या फिर परांतक के द्वारा तो चोल वंश के संस्थापक कौन है जानते हैं ना विजयालय हैं कौन है विजयालय हैं ये बात याद रख लेनी है ठीक है विजयालय राजधानी आप लोगों को पता ही होनी चाहिए कि तंजौर है तंजौर है। तंजौर का जो वराधीश्वर मंदिर था निम्नलिखित में से किस चोल शासन काल में हुआ किस चोल सम्राट के यानी वराधीश्वर मंदिर वराधीश्वर मंदिर जो भगवान शिव के लिए है भगवान शिव के लिए है इसको किसने बनवाया था क्या बोलोगे राजराज प्रथम के काल में ना जाने कितनी बार ये प्रश्न कराया था मैंने आपको भगवान शिव के लिए है और द्रविड़ द्रविड़ शैली में बना हुआ है और राज प्रथम को ही हम जानते हैं किस बात के लिए कि राजराज प्रथम ही है जिसने जल सेना चोल वंश में नेवी रखना या जल सेना रखना किसने प्रारंभ किया था क्या बोलोगे किसने प्रारंभ किया था तो हम कहेंगे ये प्रारंभ किया था राजराज प्रथम ने राजराज प्रथम ने गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी जिसको ऐसी उपाधि भी मिली गंगकोड चोल की बताएंगे एक बार गंग चोलपुरम की स्थापना किसने की थी प्रथम ने की राजा धिराज ने की राजेंद्र प्रथम ने की या फिर विजयादित्य ने की तो क्या बोलेंगे किसके द्वारा भैया राजेंद्र प्रथम के द्वारा क्या बोलोगे राजेंद्र प्रथम के द्वारा और याद रख लेना इसको नई राजधानी भी इन्होंने बनाया था इसको नई राजधानी भी नई राजधानी भी बनाया गंगेट पुलम नगर था ये नई राजधानी ठीक है और साथ में याद रख लेना एक चोल चोल गंगम क्या बोलोगे चोल गंगम नामक नामक एक कृत्रिम जल का निर्माण भी कराया कृत्रिम जल पानी बनवाया एक कृत्रिम जल का निर्माण करवाया किसने आपका राजेंद्र प्रथम के द्वारा ही राजेंद्र प्रथम के द्वारा ठीक है और यही कौन था आपका क्या बोलेंगे गंगा कोंड चोलपुरम यानी चोलों का ऐसा शासक जो कहां पहुंच गया आपका उत्तर भारत में गंगा क्षेत्र को विजय कर लेता है उत्तर भारत में तो आपसे कभी मैं पूछूं दक्षिण का कौन सा शासक है क्योंकि ज्यादातर उत्तर के भारत के शासक ही दक्षिण जाते हुए मिलते हैं लेकिन दक्षिण का कौन सा शासक है क्या बोलेंगे जी हम कहेंगे भैया राजेंद्र प्रथम है महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है बोलेंगे शिल्पादिकारम जो है आपका जिसको मैंने बताया इलंगो अधिगल ने एक कहानी लिखी है लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट आपसे चेंज करके प्रश्न ये पूछ ले क्या पूछ ले प्रश्न पूछ ले इलंगो अधिगल राम की कहानी तो राम की कहानी या कथानक में एक जैन तत्व आया है यह श्रीलंका के बौद्धों की कहानी है यह शक्ति उपासना की पूजा पद्धति के बारे में तो मैंने आपको बताया हुआ है बौद्ध और जैन धर्म का ये अंतर क्या कहेंगे भैया कथानक में जैन तत्व है शिल्पाधिकारम जो है शिल्पाधिकारम क्योंकि ये पहला भाग है तो ये जैन तत्व है और आपका जो दूसरा लिखा गया है ना मणि मेखले तो याद रख लेना मणि मेखले वो बौद्ध रचना है एक उसमें बौद्ध तत्व उत्तर लिखना होगा कभी गलती ना करे बौद्ध तत्व होगा ठीक है किसकी प्रशासन प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता की विकास थी क्या बोलेंगे जो गांवों की स्वायत्ता को यानी कि किसको विलोजो को खुद को स्वायत्ता यानी कि उनका खुद का उनके पास अधिकार हो अपना संचालक हो ये किसकी व्यवस्था थी किस राजाओं ने यह व्यवस्था दी तो ये व्यवस्था दी है चोल शासकों ने और ये भी आपका इसी का तो वर्णन है उत्तरा मेरूर अभिलेख में जो परांतक प्रथम ने लिखवाया आगे निम्नलिखित में से कौन सी है जो अश्वघोष की रचना नहीं है जिसको अश्वघोष ने नहीं लिखा है सारी पुत्र प्रकरण बुद्ध चरित्र बुद्ध चरित्र तो अश्वघोष की है सौदरानंद भी एक इनका वज्र सूची भी है वज्र सूची भी है आपका वज्र सूची भी है मंजूश्री मंजूश्री मूल कलकम नहीं है सारी पुत्र है इनकी मंजूश्री मूल कम पर नहीं है ये किसकी है ये मंजूश्री की ही लेखक मंजूश्री ही आ, मतलब मंजूश्री ही इसकी लेखक है और मंजूश्री ने ये बौद्ध रचना ही लिखी है क्या बोलोगे बौद्ध रचना ही लिखी है ठीक है अच्छा मैं आपसे पूछूं जैसे महाभाष्य को किसने लिखा है इन्हीं के समकालीन पुस्तकों में से आती है आपका महाभाष्य महाभाष्य के रचनाकार कौन है सारे दोस्त बताएं महाभाष्य और आप मुझे बताओ करारतार जुनियम के लेखक कौन है क्या बोलोगे करारतार जुनियम के लेखक कौन है करारतार जुनियम के लेखक कौन है दो रचनाएं बता दीजिए और एक आपका अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है बोलेंगे एक आपका कामसूत्र के रचनाकार कौन है चार पुस्तकों के रचनाकार आपको बताने उस समय की रचना तो क्या कहेंगे आप महाभाष्य किसने लिखा है आपका तो हमारा आंसर आएगा महाभाष्य हमारा पतंजलि ने जिन्होंने हमको योग सूत्र दिया करार्जुनियम किसकी रचना है भारवी की रचना है किसकी भारवी की रचना है अष्टाध्यायी की रचना है पाणिनी क्या बोलोगे पाणिनी काम सूत्र क्या बोलोगे काम सूत्र वादशायन की रचना है क्या बोलोगे काम सूत्र वादशायन की रचना है किसकी वादशायन की रचना है ठीक है काम सूत्र क्या बोलोगे वादशायन की रचना है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ वो किस वर्ष हुआ गुरुजी लाइव हो आप नहीं दोस्त मैंने अपने एक भाई को भेजा हुआ है बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है कई बार क्लासेस वो ले लेता है तभी तो मैं इतनी सारी क्लासेस ले लेता हूँ पूरे दिन में सुबह तो से शाम तक क्योंकि हम दो एक जैसे भाई हैं दूसरे को भेज देता हूँ मैं कई बार कि तुम तो मेरी जगह आज क्लास ले लो बच्चों को पता नहीं चलता हम दोनों ने एक साथ एक जैसी पढ़ाई की हुई है दोनों सब <laughs> बोलेंगे जी पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ तो छह में एक में या सात में मुझे बताएं सात में अगर आक्रमण हुआ तो सफल हुआ कि असफल हुआ ये सारे दोस्त बताएंगे तो क्या बोलेंगे अबेदुल्लाह और बुदेल ने जो किया वो असफल रहा सफल कौन हुआ सात में इसका नाम बताइए सात में सफल कौन हुआ था काशिम सफल हुआ था कौन कासिम सफल हुआ था जिसने राजा दाहिर को हराया था किसको राजा दाहिर को लेकिन राजा दाहिर ने इससे पहले जो दो आए अब्दुल क्या बोलोगे आपका अबेदुल्ला और बुदेल दोनों को हराया अच्छा मुझे बताओ राजा दाहिर किस क्षेत्र पर शासन करते थे सिंध क्षेत्र पर शासन करते थे किस क्षेत्र पर सिंध क्षेत्र पर शासन करते थे ठीक है अच्छा राजा दाहिर के बारे में अगर मैं पूछूं जो काशिम आया भारत में काशिम आया भारत में इसको मैं क्या कह सकता हूँ इस समय इराक का शासक कौन था जिसने इसको भेजा था इराक का शासक कौन था जिसने इसको भेजा था तो क्या बोलोगे अल हिजाज था कौन था वो अल हिजाज था क्या बोलेंगे अल हिजाज था इसी के आदेश पर ये आया ठीक है इसी के आदेश पर ये आया अल हिजाज के आदेश पर नेक्स्ट महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था महमूद गजनवी का दरकारी इतिहास हसन निज़ामी था या उतबी था या फिरदौसी था या चंद्रबर्दाई था तो क्या बोलोगे उतबी है उतबी क्योंकि उतबी ने एक रचना लिखी है दोस्त आपका उतबी ने एक रचना लिखी है क्या आपका क्या, आपका? क्या बोलेंगे यामिनी वंश के ऊपर किसके ऊपर यामिनी वंश के ऊपर एक रचना लिखी है जिसका नाम है कुतुबुल यामिनी यामिनी वंश के ऊपर क्या बोलोगे यामिनी वंश के ऊपर उसने एक रचना लिखी है और गजनवी का संबंध किससे है वो यामिनी वंश से ही है गजनवी किस वंश का था यामिनी वंश का ही था ठीक है फिरदौसी ने क्या लिखा है शाहनामा फिरदौसी भी किसके समय पर आया था गजनवी के समय आया लेकिन इसका दरबारी इतिहासकार नहीं था चंद्र बरदाई ने क्या लिखी है इन्होंने लिखी है पृथ्वीराज राशो क्या बोलोगे पृथ्वीराज राशो को लिखा है अच्छा मुझे बताएं एक बार कि सहनामा कहाँ का महाकाव्य है सहनामा को कहाँ का महाकाव्य बोलते हैं तो क्या बोलोगे इसको ईरान का महाकाव्य बोलते हैं क्यों बोलते हैं ईरान का महाकाव्य ये बात जानते हैं तो ईरान का महाकाव्य क्यों कहते हैं जी इसलिए कहते हैं कि भैया इसने गजनवी ने बोला फिरदौसी की मेरी तारीफ लिखो लेकिन उसने जो दिए पैसे देने की बात हुई थी वो पैसे नहीं दिए तो इसने सच सच लिख दिया कितना ख़राब आदमी है ये इसने बोला बहुत नालायक आदमी है ये तो गजनवी तो उसके बारे में सब पढ़ना चाहते हैं राजा के बारे में कोई कुछ नेगेटिव पॉइंट बोले तो वो बहुत मतलब लोग जनता आपका एक्साइटेड हो जाती है जिसको लोग जानते हैं उसके बारे में लोग ज़्यादा सुनना चाहते हैं अच्छा ठीक है इसके बारे में कुछ बताइए एक लड़के ने मुझे बताया मेरा दोस्त है आकर के उसने कहा कि भैया एक लड़का है हमारे गांव का और वो ये कह रहा है कि तुम उसके साथ पढ़े हो कह रहा कि हम तो दिन रात ही रहे मैंने कहा हो सकता कोई हो तो उसने कुछ नाम वाम बताया तो मैच नहीं हुआ मैंने कहा जाकर तुम उससे मेरी बात करवाना तो नाम मुझे पता नहीं है कौन है क्या है कैसे है तो लोग ऐसे भी कहानियाँ बना देते कई बार कि मुझे पता है लेकिन इसको सब कुछ पता था सही फिरदोसी को फिरदोसी को जब सच में सब कुछ पता था तो इसने लिख दिया सच सब कुछ ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें आगे आएंगे गजनवी के बारे में सब कुछ जानते हो ना बताने की जरूरत तो नहीं सोमनाथ पर कौन से नंबर का आक्रमण था ये बता दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा सोमनाथ पर भैया सोलवा आक्रमण था एक में था सबसे इंपॉर्टेंट है एक एक में आया शुरुआत में राजा जयपाल से उसे लड़ा था एक में उसका अंतिम युद्ध था गजनवी की मौत एक में हुई आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए किस मुस्लिम शासक के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है मोहम्मद गोरी अलाउद्दीन खिलजी अकबर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं क्या बोलोगे मोहम्मद गोरी मोहम्मद गोरी ने कितने युद्ध लड़े मुख्यतः बता दीजिए फटाफट कल के प्रैक्टिस सेट में बता रहा था क्या बोलोगे ग्यारह सो पचहत्तर सार्प मसीन चाहिए तुम मेरी आंसर देने वाली ऐसे ही नहीं पढ़ाई तुम कि ऐसे सोचते रहो दीवारों को देखो सट्टाक से आंसर आने चाहिए ग्यारह सौ चौरानवे ग्यारह सौ पचहत्तर कहाँ लड़ा गोरी मुल्तान पर बताओ इन पांच में से कितने युद्ध जीता था गोरी ग्यारह सौ अठहत्तर पाटन क्या बोलोगे पाटन में जिसको हम बोलते हैं कयाद्रा का युद्ध क्या पूछे कयाद्रा का युद्ध कब हुआ कयाद्रा का युद्ध हुआ तो यहाँ पर कौन थी आपका क्या बोलोगे कयाद्रा का युद्ध जब हुआ तो कौन थी यहाँ पर नायिका देवी थी जिन्होंने आपका तलवार चलाई युद्ध लड़ा सीधे किससे मोहम्मद गोरी से और मोहम्मद गोरी को क्या कर दिया इन्होंने नपुंसक बना दिया था जब तलवारबाजी चल रही थी तो तलवार लग गई गलत कहीं मोहम्मद गोरी के गलत जगह कहीं तलवार लग गई तो मोहम्मद गोरी बेचारा भाग गया तेरह साल बाद आया उसने सोचा ठीक है जान बची सो लाखों पाए तो ये नायिका देवी थीं क्योंकि यहाँ पर जो इनका बच्चा था वो अभी अल्पवयस्क था कौन मूलराज द्वितीय मूल तो यहाँ पर उसको हार का सामना करना पड़ा यहाँ पर हारा था यहाँ पर जीता था मुल्तान तभी तो एंटर करके आया अंदर फिर यहाँ पर हार गया तो वापस इधर नहीं आया अब भी कहाँ गया है पृथ्वीराज चौहान जी से लड़ने गया दिल्ली की तरफ अजमेर की तरफ पृथ्वीराज चौहान जी पृथ्वीराज चौहान जी जिनको हम पृथ्वीराज चौहान थर्ड के नाम से जानते हैं ये जिनको अन्य नाम क्या है इनका क्या बता रखा है आपको राय पिथौरा थोरा तो इनसे लड़ने जाता है तो यहाँ क्या होता है यहां भी हार जाता है लेकिन दूसरे में फिर से इनसे लड़ता है तो क्या होता है मोहम्मद गोरी जीत जाता है यहाँ मोहम्मद गोरी हार गया था यहाँ मोहम्मद गोरी जीत गया था ग्यारह सौ चौरानवे पृथ्वीराज चौहान जी की मौसी के लड़के किससे आपका चंदावर का युद्ध लड़ता है चंदावर का युद्ध लड़ता है क्या नाम है उसका जयचंद से matéri? क्या बोलोगे जयचंद जयचंद जानते हो ना जयचंद की ही बेटी थी संयोगिता जिनसे प्रेम विवाह किया था किसने पृथ्वीराज चौहान जी ने पृथ्वीराज चौहान जी ने ठीक है बहुत बढ़िया कोई दिक्कत बोलो अभिषेक नहीं 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 मत ब्लॉक मत करो प्लीज मत लिखो ऐसा रिक्वेस्टिंग टू यू रिक्वेस्टिंग टू यू दोस्त मैं मैंने रिजल्ट्स आते हुए देखे बच्चों के और शायद कोई अगर दावा भी करे ना अपने फोन नंबर का मैं कहूँगा मेरा नंबर शायद सरकारी नंबर और उनकी तो बात नहीं करता मैं किसी टोल फ्री नंबर बैंक की किसी पर्सनल का नंबर सबसे ज़्यादा होगा ऑर्गेनाइजेशन का नंबर की इंडिविजुअल का नंबर इस प्रदेश में शायद उन चुंदा लोगों में से मैं एक हूँगा जिसका नंबर सबसे ज़्यादा लोगों के पास होगा मैंने लोगों से बातें की हैं भाई जब लोग असफल होते हैं ना तो मैंने मतलब उस उसी स्टेज पर लोगों से बात की है मैंने वीडियो कॉल बच्चों को रोते हुए देखा है क्योंकि मैं सफल हूँ मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं उसे एक फेज से आया हूँ मैं वो सब कुछ महसूस करके आया हूँ तो मैं जानता हूँ कि जो समय हमारा आज हमको मिल रहा है अगर हमने उस पर हंड्रेड परसेंट नहीं लगाया तो कल बच्चे इतना दुख पैदा होगा और दुनिया में आप अपना दुख एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे और नहीं कर पाओगे ना कोई समझ पाएगा आप बोल भी दोगे ना सुना भी दोगे सामने वाला महसूस नहीं कर पाएगा उस दुख की स्थिति में आप कभी ना पहुंचना प्लीज इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे जो कुछ भी आप लिख रहे हैं मत लिखो पढ़ाई करो सब कुछ आपके हित की चीजें हो जाएंगी गैर बोलते ना आवश्यक अनावश्यक चीजों की तरफ आपका जो झुकाव है वो कभी होना नहीं चाहिए आप अपनी जीवन कैसे जिएंगे ये आपका पर्सनल चुनाव है लेकिन उसको आ, मतलब लाइव आके मत थोपो आपको खराब इंसान बनना बनो ही खराब इंडिविजुअल आपकी अपनी चॉइस है मैं कुछ नहीं कर सकता ना मैं रोक सकता हूँ ना मेरा अधिकार है आप अपना जीवन जैसे चाहें वैसे जिए लेकिन यहां प्लीज क्योंकि तुम पढ़ने आए हो तो पढ़ने वाले बच्चे तो पढ़ो भटकना नहीं है ना यहां आएंगे नेक्स्ट है सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ था फवाजिल का अर्थ क्या था सल्तनत काल में अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान था वेतन के बदले में निर्धारित माल गुजारी थी इकतदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी या कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी वसूली थी क्या थी गैर कानूनी वसूली थी तो ये बताना है क्या होगा अब सल्तनत काल की अगर हम बात करें तो सल्तनत काल क्या था ये बताएं पहले तो तो सल्तनत काल में कितने वंश होते हैं ये सारे दोस्त मुझे बता देंगे तो आप क्या बोलेंगे भैया क्या थी ये अगर हम बोलें आपसे ये क्या थी आपका क्या नाम दे सकते हैं फजाजिल बड़ा नया सा प्रश्न है बताएं एक बार बहुत सही बहुत शानदार पांच वंश नहीं ये बताओ पहले तो पांच वंश तो ठीक है क्या बोलोगे इकते द्वारा एकता प्रेरणा कब शुरू हुई आपका ये शुरू की इलतुत मिस ने इसके द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली जो जाहरासी होती थी सल्तनत काल में कितने वंश हुए गुलाम खिलजी तुगलक सैयद कब से कब तक गुलाम रहे 1206 से 1290 बोलो मेरे साथ खिलजी कब से रहे 1290 से लेकर के ये खालिस्थान तुम पूरा करोगे और फिर तुगलक ये खालिस्थान तुमको पूरा करना होगा फिर मैं कह दूंगा 1414 तक फिर मैं बोलूंगा 1414 से कब तक रहे ये खालिस्तान तुमको पूरा करना है और जब ये जो पूरा करोगे वो यहां आएगा फिर मैं कहता हूं पंद्रह तक पूरा करें 1206 से 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी रहे तुगलक रहे 1320 से लेकर के 1414 सौ 14 चौदह सैयद रहे 1414 14 से लेकर 1451 सौ इक्यावन आपका 1451 से 1526 15, फाउंडर बोले गुलाम वंश का कौन था एबक है कौन है ऐबक है खिलजी वंश का कौन था आपका जलालुद्दीन खिलजी है जे के भाई तुगलक वंश का कौन था आपका गयासुद्दीन तुगलक है जी है सैयद वंश का कौन था खिज्र खां था कौन था खिज्र खां था और लोधी वंश का कौन था बहलोल लोधी बहलोल लोधी तो मुझे बताए दिल्ली की गद्दी पर ये दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली है। तो दिल्ली की सल्तनत पर सबसे ज्यादा सा दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया था जरा बताएं क्या बोलोगे गुलामों ने कितने वर्ष तक किया जी क्या बोलोगे इसको तो दस और छह उधर कट गए आपका चौरासी वर्ष शासन किया चौरासी वर्ष सबसे कम किसका है तीस वर्ष का खिलजियों का सबसे कम लेकिन रिफॉर्म्स सबसे ज्यादा इस समय पर अगर अकबर के बाद में बात करें तो एक अरादीन खिलजी ही लाया था गयासुद्दीन तुगलक ये कितने वर्षों तक रहा आपका मतलब तुगलक वंश कितने वर्षों तक रहा गयासुद्दीन तो बेचारा पांच साल रहा था कुल क्या बोलोगे आपका भैया ये रहा आपका चौरानवे वर्षों तक तो सबसे ज्यादा तक कौन रहा आपका अगर इसकी बात करें आपका क्या बोलोगे ये कितने रहा था इकतीस और जो सैंतीस वर्षो तक रहा सैंतीस ही हो जाएंगे ना हाँ ठीक है छत्तीस और एक सैंतीस और इसकी बात करें पचास बीस छिहत्तर और आपका पचहत्तर वर्षों तक रहा था एक घटा दो तो सबसे कम और सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए सबसे कम और सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए अंतिम शासक आपको पता होने चाहिए प्रथम शासक आपको पता होने चाहिए ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी आगे गया दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था फिरोज शाह तुगलक क्या ये अंतिम शासक था आप कहेंगे नहीं जी देखो तुगलकों में अगर हम बात करें तुगलकों में हम बात करें तो सबसे पहले आया गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर रहा तेरह से तेरह लकड़ी के एक महल में दबकर इसकी मौत हो गई याद है इसने किस सूफी संत से कहा था कि जब तक मैं दिल्ली आऊं तो तुम तो मुझे दिल्ली मत दिखना उसने क्या बोला था हनूज दिल्ली दूरस्थ दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था बोले फटाफट से किस सूफी संत का ये कथन है गयासुद्दीन तुगलक को तो गयासुद्दीन तुगलक तो बेचारा फिर पहुंच ही नहीं पाया जूना खान ने उसको मरवा दिया एम मोहम्मद बिन तुगलक इसका शासनकाल एस एस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है तेरह से इक्यावन बिचवारा असफल ही रहा बिचवा और इसके बाद में है आपका फरोज शाह तुगलक फरोज शाह तुगलक है तेरह सो इक्यावन से तेरह सो अठासी एफ एस टी इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स ना समझ लेना भैया क्या बोलोगे ये गयासुद्दीन गयासुद्दीन तुगलक है तो फरोज शाह तुगलक क्या अंतिम शासक था अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बोलेंगे अंतिम शासक कौन सा था इनका तो अंतिम शासक है आपका नासिरुद्दीन महमूद क्या बोलोगे नसरुद्दीन महमूद जो आपका तेरह सौ पिचानवे से लेकर के चौदह सौ चौदह तक था देखो क्यों है इम्पोर्टेंट नसरुद्दीन महमूद क्योंकि इसी के समय तैमूर का आक्रमण भारत पर हुआ तो बहुत बार पूछता है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया फटाफट से बताएंगे सारे दोस्त तैमूर लंग ने आक्रमण कब किया था तो क्या बोलोगे भैया जी थर्टीन में किया तो किस वंश के समय किया तुगलक वंश के समय और तुगलक वंश का भी कौन सा शासक था नसरुद्दीन था नसरुद्दीन था यह बात याद रख लेनी है ठीक है नसरुद्दीन था भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया जी के गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी तो कौन सा वंश आया सैयद वंश आया संस्थापक कौन है खिजर खां है क्या बोलोगे संस्थापक कौन है खिजर खां है और अंतिम शासक कौन है अभी बताया था खिजर खां तो अंतिम शासक पूछे तो अलाउद्दीन अहमद शाह है कौन है अलाउद्दीन अहमद शाह है क्या बोलोगे अलाउद्दीन अलाउद्दीन अहमद शाह है अलाउद्दीन अहमद शाह मुझे बताओ गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था भाई 1206 से 1290 तो अंतिम शासक तो रहा होगा गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था क्या बोलोगे गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था तो क्या बोलेंगे आपका क्या बोल देंगे क्या, बोलेंगे? क्या था कौन था क्या था इसी तरह पूछे आपसे लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था लोधी वंश का तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन कह देंगे लोधी वंश का भैया बहलोल लोधी सबसे पहला था और दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा शासनकाल किसका है कौन था आपका जो चौदह सौ इक्यावन से चौदह सौ नवासी तक गद्दी पर बैठा रहा अड़तीस वर्षों तक बहलोल लोदी है तो लोदी वंश का बहलोल लोदी लेकिन बाद में पंद्रह सौ छब्बीस पानीपत के युद्ध में कौन मारा गया इब्राहिम लोदी मारा गया बाबर के हाथों तो यही था अंतिम शासक लोदी वंश का इब्राहिम लोदी बहुत गजब उत्तर दिए बच्चों ने वेरी गुड बहुत बढ़िया

तो आप बोलोगे कि भैया नहीं लिखा हुआ है मैंने कहा अगर तुम बाइस करके आए हो पहले तो यह मत कहना जी मैं बाईस करके आया तो दूसरा तेईस करके आया अगर जो मैंने तुमको पढ़ाया वो तुम्हारा सब कुछ तैयार है सब कुछ तैयार है जो मैंने तुम्हें दिल्ली पुलिस के लिए डेडिकेटेड जो कुछ भी तुमको गाइड किया कि ऐसे पढ़ना है ये चीजें पढ़नी है ये यहां से पढ़नी है और दोस्त अगर आपके बाईस आ रहे हैं तो मैं ये कहता हूं कि ये समझ लो हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा तेईस लिखा तुमसे प्रॉमिस है मेरा फिर तुम्हें चिंता ही नहीं करनी लेकिन अगर कोई और तेईस लेके आ रहा हो तुम जबरन ये कहो कि जी, जी वो तेईस लेके आया मुझसे ज्यादा लेके आया इसका मतलब है कि आपकी मेहनत में कहीं कमी रही है ये भी तुमको एक्सेप्ट करना होगा फिर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी बोलो भाई फटाफट से एक कह रहा गुरु जी मैं करूंगा तेईस तो <laughs> बात तेईस की नहीं है बात है कि सबसे जो डेडिकेटेड बच्चा ऐसा हो सकता है वो 42 करके आए ऐसा भी तो हो सकता है दोस्त परीक्षा में प्रश्न इतने टफ आपसे पूछे जाए आप पंद्रह क्वेश्चन ना कर पाओ टॉपर स्कोर पंद्रह नहीं हो सकता क्या जीएस में हो सकता मैथ में उसके पूरे हो जाए रीजनिंग में पूरे हो जाए जीएस में बना ले हो सकता मैरिट दिल्ली पुलिस की कल फिफ्टी जाए क्या कर लोगे आप ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि मैरिट अस्सी जाएगी तो बौद्धिक बच्चों की तरह सोचना है बुद्धू बच्चों की तरह नहीं भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी दिल्ली पुलिस देखा पिछला 2020, बहुत सारे लोग गए बच्चे तैयारी करके बोले मैं जीके में पैंतालीस करके आऊंगा 2017 से आइडिया लगा रहे थे दिल्ली पुलिस के पेपर से ऐसे नहीं होता कि एक मुहावरा होता है बोल भी नहीं सकता मैं क्लास में पंद्रह पंद्रह नवंबर पकड़ने भारी हो गए बच्चों को वो तो परीक्षा पर डिपेंड करता है ठीक है भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी चांद बीबी नहीं जी तो अहमदाबाद की रजिया सुल्तान रजिया कहां फंस गई थी बताएं जरा रजिया सुल्तान किसकी बेटी है जी इलतुतमिस की बेटी है किसकी बेटी है अलतुतमिस की बेटी थी 1236 से 1240 इस्लामी इस्लामिक इतिहास की पहली महिला है गद्दी पर बैठी थी मैंने आपको बता ही दिया इसके बारे में एस एस तिवानी है रजिया सुल्तान की या तो ये समझ लो रजिया सुल्तान का कोई चाचा वाचा का लड़का बैठा हुआ जो रजिया सुल्तान प्रश्न देता ही है पिछली बार ऐसा हुआ एम में रोज़ पेपर आया पहली शिफ्ट दूसरी शिफ्ट तीसरी शिफ्ट और तीनों में रजिया चलो ठीक है अगले दिन पेपर आया फिर रजिया उससे अगले दिन फिर रजिया मतलब रजिया रजिया को छोड़ ही नहीं रहा हर शिफ्ट में रजिया है तो रजिया रजिया के खिलाफ पहला विद्रोह किसने किया यहाँ से प्रश्न आता है मैंने एक क्वेश्चन बताया था तुमको कि रजिया को किस किले में कैद करके रखा था ये बता दो एस एस सी में पूछा गया अच्छा क्वेश्चन था कि रजिया को कैद करके तो पहला विद्रोह हुआ था भटिंडा में चालीस तुर्क अमीरों में से एक था कौन था आपका अलतूनिया अलतूनिया ने इसको ये गई अलतनिया इसके खिलाफ क्या था दरअसल में चालीस सरदार थे चालीस तुर्क सरदार थे ना जो आपका जिनको हम बोलते थे तुर्क चहलगानी बताओ तुर्क चहलगानी किसने बनाया था तो ये रजिया के बाप ने बनाया था इनको शक्ति दे दी थी फिर क्या बोलोगे रजिया का बाप कौन अल्तुतमिस तो इल्तुतमिस ने जब ये बनाया आपका तो ये चालीस सरदार शक्ति पा करके मजबूत हो गए सेना में लोग अपने पास रक्षक रखने लग गए लोगों को इन्फ्लुएंस करने लग गए तो फिर बाद में रजिया के लिए मुश्किल बने ये चालीस सरदार इनमें से ही एक पहला विद्रोह किया अलतूनिया ने भटिंडा में पंजाब में था ये पंजाब में इसने बोला कि हम किसी लड़की को गद्दी पर नहीं बैठने देंगे हम किसी लड़की को गद्दी पर नहीं बैठने देंगे गद्दी छोड़नी होगी रजिया तुझको तो रजिया ने बोली अच्छा तुझे आकर वहीं बनाती हूँ हीरो तो रजिया पहुंच गई अपनी सेना ले कर वहाँ लेकिन रजिया वहाँ ऐसा समझो कि पीटी गई पीटी गई से मतलब है कि रजिया आपका हार गई और तो इसने बंदी बना लिया तो बंदी बना लिया तो उस समय देखो कितने सरदार थे यहाँ पर उनतालीस सरदार दिल्ली में थे और ये इतने पागल हैं सारा बवंडर इन्होंने करवाया ये उनतालीस सरदार यहाँ इंजॉय करने लग गए दिल्ली में कह रहे हैं कि रजिया तो पकड़ ली है बल्ले 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 अब दिल्ली हमारी है और यहाँ मतलब डांस गाना कर रहे हैं महफिल जमा रखी है नाचने के लिए स्त्रियां बुला रखी हैं और अपने मज़े कर रहे हैं ये यहाँ पर चालिस ये कह रहा था भाई साहब कैद मैंने करी जश्न वो वहाँ मना रहे हैं मुझको पूछ तक नहीं रहे मुझको बुला तो नहीं रहे क्रेडिट तो मुझको जाना चाहिए सारा वो पार्टी किस बात की कर रहे हैं तो ऐसे में इस स्थिति का ये जब बंधी हुई थी बंधी हुई थी ना रजिया इसने तब कह दिया उससे रजिया कह रही थी तुम पागल हो क्या मैं तो विद्रोह की बात तो मैंने सुनी थी बस कि विद्रोह मैं तो देखने आई थी कि दिल्ली की सल्तनत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला वह वीर आदमी कौन है और अलतुनिया सच कहूँ तो मैं तुमको देखते ही तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूँ अल्तुनिया ने बोला अच्छा पागल बना रही है मेरा है मुझे पागल समझ रही है क्या उसने बोला नहीं नहीं मैं सच मैं अपने मतलब दिल की गहराइयों से कह रही हूँ कि मैं तुम्हें हम दिल दे चुके सनम उसने बोला कि मैं ऐसा क्यों मानूं? उसने बोला चल ऐसा मत मान ठीक है दिल की बात मत मान लेकिन इतना लॉजिक तो लगा सकता बुद्धू तू यहाँ पर एक सरदार है सिर्फ मैं दिल्ली की सुल्तान अभी भी हूँ अभी मरी तो नहीं हूँ तो तू मेरे साथ चलना शादी करके दिल्ली की गद्दी पर असली राजा कौन बनेगा राजा तो तू ही बनेगा ना अगर मुझसे शादी कर लेगा फिर उसने बोला चल ठीक है दिल विल की बात नहीं करते ये दिल्ली की बात ठीक है दिल की बात पे विश्वास नहीं है लेकिन दिल्ली की बात पे ज़रूर विश्वास करेंगे तो वो उसके साथ शादी तैयार हो गया बाद में गया शादी करके उधर फिर इनको वापस भागना पड़ा क्योंकि इतने उनतालीस सरदारों ने सब कुछ अपने टेक ओवर कर लिया इनको भगा भगा के मारा दोनों को तो अलतूनिया सोच रहा था इससे अच्छा इसको मार ही लेता तो ही ठीक था जिंदी छोड़ के गलती कर दी तो यहाँ पे पूछते हैं कि इसको किस के, किस कैद में किस किले में रखा था किस किले में रखा था तो क्या बोलेंगे किला ए मुबारक में कैद करके रखा था किला ए मुबारक एसोसिय प्रश्न पूछ चुका है किला ए मुबारक में और यह भी पूछा गया है कि एलतुतमिस के समय एक इतिहासकार था कौन वो इतिहासकार था जिसकी किताब बहुत पूछी जाती है जिस इतिहासकार ने यह कहा था कि रजिया का स्टेटमेंट दिया था कि रजिया अगर स्त्री ना होती रजिया अगर महिला ना होती तो उसका नाम भी भारत के बड़े शासकों में लिया जाता उसके विनाश का कारण सिर्फ यह बना क्योंकि वो एक महिला रही एक महिला होने की वजह से उसका विनाश हो गया ये किसका किसका कथन है मैं देखना चाहूंगा बहुत बढ़िया बहुत सारे दोस्तों ने लिखा रजिया महिला वाला कथन दिया है मिनहाज उस राज ने और मिनहाज उस राज की ये रचना एसएससी कैसे पूछता है कौन सी पुस्तक है मिनहाज उस राज की बता सकते हैं क्या मिनाहाज उस राज की बुक का नाम मैं ये कहूँ कि सबसे ज्यादा पूछी गई पुस्तकों में से एक पुस्तक है एस द्वारा उत्तर लिखेंगे भैया बहुत बढ़िया तबकात ए नासिरी गजब अरे भाई मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दे दूँ ये बताओ तुम दिवाली का तबकात ए नासिरी तबकात ए नासिरी कुछ भी तुमसे पूछो तुम छोड़ते नहीं हो तबकात ए नासिरी निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबलों के समूह चहलगानी के विनाश के लिए जाना जाता है तुर्क चहलगानी बनाए इलतुतमिस ने चालीस सरदार ताकत पा गए ताकत पा गए तो अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे अपने अधिकारों की इस लड़ाई में अस्तबल के प्रमुख से घोड़ों की लीद घोड़ों गोबर उठाने से शासक बना बारह में बलबन इतना बड़ा नहीं था बलबन छोटा सा था बलबन जो शासक बना तो उस बलबन ने बोला 40 सरदारों को तुम्हें मैंने कहानी सुनाई याद है बलबन ने क्या हाल किया इनका इनकी खाल उतरवाई बलबन ने बलबन ने 500 500 पांच सौ सजा दी बलबन ने इन 40 सरदारों ने अपने कबीले में दंड दे दिया तो उसकी विधवा पत्नी जो पत्नी, पत्नी तक से पिटवाया और पिटवाया तो इनकी खाल उतरवाई मतलब अपने खिलाफ होने वाले हर विद्रोह को उसने दबा दिया बलवन बलवन को और किसके लिए जानते हैं सिजदा मेरे सामने झुको पाबूस मेरे पैर चूमो और गैर इस्लामिक प्रथाएं दिल्ली सल्तनत में कौन लेके आया बलवन नवरोज जैसे उत्सव किसने शुरू किए बलबन ये सब याद रखने ला है ठीक है याद होगा ना ये भाई थम सब तो कर दिया करो गुरुजी याद है ऐसे बोला करो उंगलियों पे है जी उंगलियों पे जब तक ये नहीं बालोगे ना लोहो रक्त नीति अपनाई ऐसे लिखा करो जैसे इस बच्चे ने लिखा है लोहोरक्ति नीति किसके खिलाफ अपनाई थी, अपना थी? लोहोरक्त नीति मेवातियों के खिलाफ अपनाई थी जो दिल्ली आने वाले नागरिकों को लूटते थे उन सब के खिलाफ हरियाणा वाले इस क्षेत्र में मेवात क्षेत्र में अपनाई थी किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के पचास प्रतिशत तक कर दिया पचास प्रतिशत कर दिया बलबन ने क्या था क्या नहीं जी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बोलोगे अलाउद्दीन खिलजी से लिख दो एक एक बात ये खिलजी वंश का है खिलजी वंश कुल बेचारा तीस वर्ष रहा सारा उसमें से बीस वर्ष ये शासक रहा बारह सौ छियानवे से लेकर के तेरह सौ सो सोलह क्या क्या शुरू किया था जी अलाउद्दीन खिलजी ने जरा बताए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या शुरू किया था इसी को अली गुरसाप्स के नाम से जानते हैं हम इसी को बोलते हैं जनता का चरवाहा इसी को बोलते हैं हम युग का सिकंदर ठीक है और इसी को और डायलॉग आएगा वो एक डायलॉग सुनाएंगे क्या <laughs> अभी पहले ये बताओ इसके बारे में क्या क्या है तो क्या बोलोगे बाजार नियंत्रण नीति किसने चलाई मैंने बताया ना 20 वर्ष तक इसने महंगाई नहीं बढ़ने दी बाजारों को इसने नियंत्रित करके रखा सबके लिए सजाई थी कोई काला बाजारी करेगा कुछ करेगा ठीक है बाजार नियंत्रण हो गया एक मूल्यों को इसने बढ़ने नहीं दिया मूल्य नियंत्रण मैंने कहा था ना इसके समय पर जो दास लोग थे वो भी चार चार पत्नियां रह के आराम से रह पा रहे थे इतनी कम महंगाई दर इसने कर दी थी उस समय पर घोड़े क्यों दागे थे इसने बताना कहीं उसको तांगे में ना चलाएं और सेना उसकी कमजोर हो जाए घोड़े दागने की प्रथा इसने शुरू की सैनिकों का हुलिया डबल वेतन ले लेते थे तो सैनिकों का हुलिया किसने लिखवाया युद्ध के समय गायब भी हो जाते थे सैनिकों का हुलिया लिखवाया इसने और क्या क्या शुरू किया जरा दिखाएंगे बहुत बढ़िया एक बच्चे ने लिखा है इलतुतमिस ने जो एकता चलाई थी उस एकता को इसने क्या कर दिया खत्म कर दिया और एकता की जगह इसने क्या शुरू किया था नगद वेतन इसने कहा था मेरे सैनिक मेरी जिम्मेदारी है एकता में किसी के परिवार में दस लोग हैं किसी के में बीस किसी के में तीस एक एकता एकता से तो काम चलेगा नहीं उसने बोला जितने लोग हैं उसी के हिसाब से वेतन दूंगा नगद वेतन ठीक है सिकंदर एसानी इसको कहते हैं प्रशांत तिवारी जी ने कहा तो क्या अब ऐसा वक्त आ गया है कि सिकंदर एसानी एक महिला के लिए जंग करेंगे हाँ बहुत फैला ली सरहदे अब बाहें फैलाने का वक्त है कौन सी मूवी का डायलॉग है बताओ जंग होगी अब जंग और जंग देखने लायक होगी भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था बोलेंगे भाई। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था तो खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया तुगलक वंश में 1320 से 1325 मैंने बताया गयासुद्दीन तुगलक शासन करता है और फिर आता है आपका कौन मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या जानते हो भाई भाई ये चीज़ें इतने विस्तार से पढ़ाई हुई है ना आपको क्रम से पता होनी चाहिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या कहेंगे बताएं जरा तो मोहम्मद बिन तुगलक के सारे प्रयास असफल रहे राजधानी कहाँ लेके गया था दिल्ली से देवगिरी क्या बोलोगे दिल्ली से देवगिरी महाराष्ट्र राजधानी लेके गया उसका नाम भी दौलताबाद करा तो ये सफल हुआ था इसका अभियान या नहीं हुआ था बोलो जी इसने टोकन सांकेतिक मुद्रा मैंने आपको बताया था टोकन करेंसी क्या होती है आज के समय पर जो मुद्रा चल रही है टोकन करेंसी है वो बेचारा समय से पहले सोच रहा था लोग तो बुद्ध हुए हैं अगर तुम लोगों से समय से पहले की कुछ बात कर दोगे ना तो तुम्हें मारेंगे ईसा मसीह ने लोगों को समझाया ईसाई धर्म के बारे में तो भाई साहब खूटी पर टांग दिया कील कील गाड़ दी गई ये लो तो समय से पहले तुम अगर लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ काम कर रहे हो तो लोग लड़ेंगे तुमसे तुमको पीटेंगे तुम्हारी बात मानेंगे नहीं क्योंकि उनकी बुद्धि में जो है ना चीज़ें पहले से गलत चीजें भरी हुई होती हैं वो कुछ मानेंगे नहीं तुमको तुम कुछ भी सही थाट प्रोसेस बताओगे किसी को वो कहेगा नहीं 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 ऐसा नहीं है क्योंकि उसके दिमाग में कोई गलत चीज पहले से भर दी गई है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यही था इसका करांच अभियान सफल या असफल बोलो कराचिल अभियान सफल या असफल बोलो करांचल इसका अगर मैं बहुत करूँ खुराशान अभियान जो भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इसने किया सफल या असफल आप कहेंगे सफल टोकन मनी किसानों के लिए इसने जो बेचारे ने तकावी ऋण दिया दीवान अमीर कोही ये सब काम क्या रहे थे इसके दीवान अमीर कोही ने शुरुआत में तो सही काम किया लेकिन अंततः क्या हो गया फिर असफल हो गया क्या हो गया फिर असफल हो गया इसी के समय कौन आया था जरा बताना कौन सा लेखक आया था इसके समय आपको सब पता होना चाहिए मोरक्को से मूर देश से आया आपका दिल्ली पुलिस 2020 वे भी पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था उस वर्ष के सीपीओ में दो दो क्वेश्चन दोनों में सेम रिपीट है 2020 आप कभी देखेंगे तो अभिनव तूता किस देश से आया था मूर देश मोरक्को नहीं था ऑप्शन में मूर लिखा हुआ था मोरक्को से तेरह में उसी को इसने दिल्ली का काजी बनाया सन तेरह में किस देश में भेज दिया था उत्तर बताओ फटाफट से इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने तेरह में बयालीस में अपना दूत किस देश में भेजा चाइना का जब तुम्हारे लिए दिवाली गिफ्ट पक्का है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही रूप से सुमेलित है दीवान ए बंदरगान दीवान ए मुस्तखराज दीवान ए कोही या फिर दीवान ए अर्ज कौन सा ठीक है बताएंगे एक बार दीवान ए बंदगान ये किसके लिए था दासों के लिए था क्या बोलोगे दासों के लिए था फरोज तुगलक का है फरोज शाह तुगलक का क्या बोलेंगे याद है ना ये दीवान ए बंदगान यानी कि उसने क्या किया था लोगों को दासों को सबसे ज्यादा दास किसके समय मैंने आपको बताया फरोज शाह तुगलक के समय तो उनको मैनेजमेंट के लिए भी तो चाहिए तो दीवान ए बंदगान जैसे विभाग ने काम किया अभिनब तूता आया था जी तेह चाइना भेजा गया था बहुत बढ़िया 1355 में पूरी की गई इब्न अबता की रेहला क्या है जिसने इसको लिखना शुरू किया तेरह सो क्या बोलोगे कब आया था ये तेरह सो तेतीस में तेरह सो तेतीस से लिखता रहा आपका वर्ष इसने इसको लिखा है तेरह सो पचपन में किताबुल रेहला क्या है मोरक्को के साथ भारत के व्यापार का वर्णन है एक धार्मिक ग्रंथ है या एबक ने गयासुद्दीन तुगलक के दिल्ली सल्तनत का शासन है बहुत बढ़िया क्या बोलोगे लिखा किसके समय इसने जी एस टी गयासुद्दीन तुगलक यानी कि ये किसके समय पर है मोहम्मद बिन तुगलक के समय तो मोहम्मद बिन तुगलक से पहले का जो क्रम है तो इसको रेहला या किताबुल रेहला हम कहते हैं क्या बोलते हैं इसी को हम किताब उल रेहला कहते हैं तो कभी भी पूछे दिल्ली सल्तनत के बारे में अध्ययन के लिए किताबुल रेहला किस शासक तक का वर्णन करती है क्या बोलोगे किस शासक का तक का वर्णन करती है इसी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि मोहम्मद बिन तुगलक होली के उत्सव में भाग लेता था होली के उत्सव में जाता था क्या जाता था होली के उत्सव में ये इसी किताब में वर्णन है होली के उत्सव में ये जाता था ठीक है इसको याद रख लेना और इसी ने लिखा है कि जो बर्नी है बर्नी जो लेखक है उसने जुलाहा किसको कहा है बर्नी जुलाहा कहता था आपका किसको मोहम्मद बिन तुगलक को ठीक है मोहम्मद बिन तुगलक को जुला माली भी कह देता था अलबरूनी किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी किताबुल हिंद अलबरूनी अरबी भाषा फारसी उर्दू या फिर तुर्की या फिर तुर्की में लिखी गई तो क्या बोलोगे अरबी भाषा में लिखी है अलबरूनी ने ठीक है कब लिखी गई थी एक में लिखी गई एक में लिखी गई अन्य नाम कौन कौन से इस रचना के बताना ये भारत के बारे में जानने के लिए भारत के इतिहास के लिए क्या बोलोगे तारीख उल हिंद लेकिन पूर्णतः तो विश्वास नहीं किया जा सकता जो इसने लिखा वो सत्य ही है तारीख उल हिंद और तहकीक ए हिंद क्या बोलोगे तहकीक ए हिंद क्योंकि ये विदेशी आक्रमणकारियों के साथ में आया और राजा के प्रभाव में रहता ही था लेखक ऐसा थोड़ी है राजा की कमियां लिख देगा राजा की कमियां लिख देगा ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सुमेलित है बस एक मिला हुआ है पांड्य वंश की राजधानी क्या मदुरा है बोलो जी वंश की राजधानी द्वार सुंदरम एकदम ठीक है काकतिया की मैंने बताया था वारंगल है यादव वंश की देवगिरी थी यादव वंश की क्या थी देवगिरी थी काकतीयों की वारंगल थी पांड्य की क्या मदुरे है जी राजधानी आप कहेंगे नहीं पांड्य वंश की राजधानी क्या है आपका कोर थी पांडियों की जो राजधानी है वो थी कोरकई और बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बदल के क्या कर ली थी बाद में मदुरे कर ली थी मदुरा कुछ नहीं है मदुरा ठीक है मदुरे होगा मदुरे मदुरा नहीं अब ऐसे थोड़ी ऐसे बोल द्वार समुद्री द्वार समुद्री नहीं हो सकता आगे आएंगे अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था एक अब्दुल रज्जाक है किस देश से आया अब्दुल रज्जाक क्रिकेटर नहीं है क्रिकेट वो पाकिस्तान का देवराय प्रथम के राज्यकाल में आया या फिर देवराय सेकंड के तो बोलेंगे देवराय सेकंड के टाइम पर आया देवराय सेकंड के टाइम पर आया अब्दुल रज्जाक भारत आने वाला एक विदेशी यात्री है चौदह में आया और विजयनगर ये बहुत सारे लोग आए आपका कहां से आया था ये फारस से आया था फारस से जैसे एक विदेशी यात्री है निकोलो कोंटी बताओ किसके समय पर आया था मोस्ट इंपोर्टेंट है निकोलो कोंटी किसके समय पर आया एक पूछा जाता है दूसरा बारबोसा निकोलो कोंटी कहाँ का था इटली का बारबोसा पुर्तगाल का ये किसके समय पर आया एक नूनीज पूछा जाता है. ये भी पुर्तगाल का था ये किसके समय पर आया तो ये दोनों तो पुर्तगीज़ हैं यानी कि ये दोनों तो पुर्तगाली हैं ये इटालियन था यानी कि ये इटली का है तो ये आया 1420 में कब 1420 में किसके समय देवराय प्रथम के समय देवराय फर्स्ट के समय बाराबोसा बोसा पुर्तगाल से आया 1510 से 16 के बीच में ये कृष्ण देवराय के समय पर आया किसके समय कृष्ण देवराय के समय आया और ये भी कृष्ण देवराय के समय आया था नूनीज भी नूनीज भी ठीक है बहुत बढ़िया बहुत शानदार सबकी वाह वाह सबकी ओनली वाह वाह अरे मेरे भाई निकोलो कोंटी कौन था अगला ही प्रश्न आ गया बोलो जी निकोलो कोंटी कौन था निकोलो कोंटी कौन था ये बताना है आपको सुनो मेरी अब तुम सुनना जो भटके हुए हैं भटके हुए सारों को सुनाने के लिए बोल रहा हूँ और आज के बाद मत भटकना बोले जी नहीं हम तो भटकेंगे ही हमारा तो काम है भटकने का मेरी आंखों में आंसू नहीं है आज और सुनना ये गंभीर है मुस्कुराते हुए सुनाऊंगा क्योंकि मेरी वो आदत है मेरी आंखों में आंसू नहीं है आज एक दिन लेकिन एक दिन मैं भी रोऊंगा मेरी आंखों में आंसू नहीं है आज लेकिन एक दिन मैं भी रोऊंगा आज मैं माँ बाप की परवाह ना करते हुए आज मैं माँ बाप की परवाह ना करते हुए किसी से फोन पर बातें करते हुए सो जाता हूँ एक दिन ऐसा आएगा मैं भी चैन से ना सोऊंगा तो समझ लेना कि वेर, मतलब तुम्हारा समय जाता कहाँ है अगर जो बहुत महत्वपूर्ण समय है जो जहां इन्वेस्ट होना चाहिए था क्योंकि टाइम सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो कहीं और इन्वेस्ट कर दिया तो फिर आपका सहारा इस जीवन में कोई नहीं होगा आप सिर्फ मांगने के मोहताज रह जाएंगे आप अपनी जरूरतों को दूसरे के द्वारा पूरी करना चाहेंगे ऐसी ही अवस्था में फिर हम सोचते हैं कि कल हम खुद तो कुछ नहीं कर पाए तो शायद हमारे बच्चे करके दिखाएंगे फिर हम उस अपनी जरूरत को अपने बच्चों में कि इनको पढ़ाएं अच्छा इनको लिखाएं अच्छा अब ये हमारी जरूरतें पूरी करेंगे अब शायद ये हमको अच्छी लाइफ स्टाइल दे पाएंगे फिर हम ऐसे ही उसको आगे 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 और आगे धकेलते जाते हैं क्योंकि अगर पहले ही कोई संघर्ष करके उस चीज को दूर कर दे तो आगे शायद चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी ठीक है तो ऐसा दिन नहीं आना चाहिए तो रोगे या हंसोगे एक दिन ये तो बता दो तो भैया हंसेंगे हम मेहनत करते हैं निकोलो कौन था? एक प्रसिद्ध चित्रकार था इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की एक पुर्तगाली यात्री या एक ईरानी यात्री तो क्या कहेंगे ये इटली का एक यात्री था ठीक है विजयनगर आया था विजयनगर में अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ प्रदान करता है अमर नायक क्या है जो विजयनगर है आपका अब मुझे बताओ विजयनगर की स्थापना कब हुई कॉमन चीजें जानते हो ना विजयनगर की स्थापना कब हुई थी ये बताओ तो आप कहेंगे विजयनगर की स्थापना भैया तेरह में हुई किसके समय हुई मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई विजयनगर में चार वंश हुए सस्ता स स टे आ ये बताया था ना या था संगम वंश फिर सुलुभ वंश फिर आपका तुलुभ वंश फिर अराबीडू वंश उनके क्रम भी बताए थे आपको सबके तेरह वेरी गुड तो विजयनगर जो साम्राज्य है क्या बोले हैं इसमें कि इसके अमर नायकों का जो वर्ग था ये सेना के कमांडर थे विजयनगर के क्या बोलोगे सेना के कमांडर थे विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा संस्थापक भी बताइए कौन है हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच जो धार्मिक प्रयोजन के लिए जो मंच होते थे उसको क्या कहा जाता था तो क्या बोलते थे महानवमी डिब्बा बोलते थे क्या बोलते थे महानवमी डिब्बा जिसका निर्माण किसने करवाया था राजा कृष्ण देवराय ने बनवाया था कभी पूछे महानवमी डिब्बा किसने बनवाया राजा कृष्ण देवराय ने बनवाया था राजा कृष्ण देवराय ने कहा पर स्थित है हम्पी में और हम्पी किस राज्य में है दोस्त ठीक है हम्पी किस राज्य में तो राजा कृष्णदेव राय जब आपका दक्षिण की तरफ जाते हुए आपका उदयगिरी की पहाड़ियों वाले क्षेत्र को जीत लेते हैं तब उन्होंने निर्मित करवाया हम्पी कहां पर है कर्नाटक में कहां पर है दोस्त कर्नाटक प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामम और नानदेसी क्या थे मणिग्रामम और नानदेसी याद रखेंगे मणिग्रामम और नानदेसी ये कौन थे क्या बोलोगे व्यापारी हैं जी नान बेचते थे देसी घी बेचते थे गांव गांव जाके बेचते थे व्यापारी क्या बोलोगे ये वैसी बोल रहा हूं मैं कभी इसको याद कर लो कभी पूछो देसी का क्या काम था ठीक है निम्न में से भक्ति संतों का सही कालानुक्रम अनुक्रम चुनिए भक्ति संत देश में भक्ति परंपरा चली आप जानते ऐसे कृष्ण भक्त हुए सूरदास है ना राम भक्त हुए आपका तुलसीदास तो ऐसे एक भक्ति परंपरा भी चली तो क्या बोलेंगे उस भक्ति परंपरा में क्या पूछा है कालानुक्रम तो कबीर फिर गुरु नानक हुए तो सीधी सी बात है नहीं 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 नानक नहीं गुरु नानक नहीं क्योंकि वो गुरु गोविंद सिंह ने कबीर लिखे हुए कबीर गुरु नानक चैतन्य और मीराबाई और चैतन्य और मीराबाई क्या ठीक है एकदम से तो ठीक हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसी परंपरा पर बाद में मीराबाई चली क्या बोलेंगे मीराबाई एकदम से तो ठीक है निम्नलिखित में से किसे भारत का शादी कहा गया है भारत का शादी कहा गया है बताएंगे जी भारत का शादी कहा गया है अमीर हसन को अमीर खुसरो अमीर खुसरो को क्या कहते हैं तोता ए हिंद अमीर खुसरो ने कितने राजाओं का शासनकाल देखा था आठ राजाओं का तोता ए हिंद इसको बोलते हैं सात का देखा था आठ का ये बताओ जरा आप कहेंगे आठ का इनके जो गुरु थे निजामुद्दीन उलिया उन्होंने सात का देखा था वो किसी शासक के दरबार में नहीं गए अलाउद्दीन खिलजी ने बोला मैं आऊंगा तुम्हारे यहाँ ही तो नहीं आ रहे वो बुलाता था, था उनको उसने बोला मेरे राजा वाजा से कोई मतलब नहीं है उसने बोला तुम नहीं आओगे मैं आ जाऊंगा उन्होंने बोला मेरे घर में दो गेट है तुम एक से आओगे मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा जोर दबाव थोड़ी है क्योंकि वो सूफी संत थे तो क्या बोलेंगे किसको बोलते अमीर हसन को भारत का शादी अमीर हसन ठीक है और अमीर हसन की अगर हम बात करें कि ये कौन मतलब ऐसे बुजो अमीर हसन एक गज़ल गायक थे इतना शब्द हम याद कर सकते हैं गजल गायक थे ठीक है गज़ल गायक थे और मैं ये बोल सकता हूँ कि निजामुद्दीन ओलिया जो थे निजामुद्दीन ओलिया के शिष्य थे और अमीर खुसरो भी किन के शिष्य थे निजामुद्दीन ओलिया के ही शिष्य थे ठीक है शिष्य थे अमीर खुसरो याद रखेंगे तोता तोताए हिंद बोले या पैरट ऑफ इंडिया बोले और वो तो ठीक है एक बार क्या कमाल किया है एसएससी ने एच एस एल में उनको मैना ए हिंदुस्तान भी बोल दिया है मैना ए हिंदुस्तान तो भैया तब भी यही उत्तर है तोता और मैना है। मैना कोई कोई प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे कहां रहते थे ये बताओ जरा फटाफट से प्रसिद्ध संत सलीम चिस्ती कहां पर रहते थे दिल्ली में अजमेर में फतेहपुर सीकरी में या फिर लाहौर में या फिर लाहौर में बताओ जी तो क्या बोलेंगे संत सलीम चिश्ती कहां पर रहते थे जी आपका से क्या बोलेंगे जी अजमेर में यहीं पर क्या है अजमेर शरीफ है क्या है यहां पर अजमेर शरीफ है कभी गलती नहीं करनी है क्या बोलोगे अजमेर शरीफ है निजामुद्दीन ओलिया कहां रहते थे दिल्ली में रहते थे उनकी भी गरगह आपको पता होना चाहिए शेख सलीम चिश्ती कहां रहते थे वो आपका आगरा में रहते थे आगरा में ठीक है आगे आएंगे अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था इतनी देर में तीन एक घंटे में आंख दुखने लग जाती है डिजिटल बोर्ड पर <laughs> आगे आएंगे थोड़ी तारीफ वारीफ कर दिया करो तुम्हारा क्या जाता है मैं तुम्हारी कितनी तारीफ करता हूँ तुम्हें कितने अच्छे बच्चे बताता हूँ <laughs> बताओ अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था दीवान था मीर बख्शी था मीर शमन था या फिर आपका बक्सी था मीर बक्सी कहेंगे कौन था मीर बख्सी अकबर का अब दोस्त कॉमन चीजें जब मैं कुछ बता रहा हूं तो अकबर के बारे में बात करते हैं तो मुझे बताओ मुगल वंश के बारे में कॉमन चीजें जानते हो ना कि दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ कब दिल्ली सल्तनत रही 1206 से लेकर के तेरह सॉरी तेहरह सौ करो पंद्रह तक तो कुल कितने वर्षों तक रही थी ये 320 वर्षों तक अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था इब्राहिम लोदी ने इब्राहिम लोदी को हराया बारी बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में अब मुझे बताओ पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था पानीपत का, का सेकेंड युद्ध कब हुआ था और पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ था तो आप कहेंगे पहला युद्ध 1526 में हुआ इब्राहिम लोदी और आपका बाबर के बीच में जीता कौन था बाबर जीता पानीपत का युद्ध दूसरे युद्ध कब हुआ 1556 में हुआ आपका किस किसके बीच में अकबर और अंतिम हिंदू सम्राट हेमू के बीच में हुआ जीता कौन था आपका अकबर जीता था तीसरा हुआ था मराठों में मराठों का नेतृत्व तो मैंने बताया था मराठे हारे भी क्यों कहानी मैंने तुम्हें बताई छोटे बच्चों को युद्ध लड़ने भेज दिया सदाशिवराव भाव और विश्वास राव नेतृत्व कर रहे थे मराठे और अब्दाली के बीच में कौन जीता था इसको अफगानी जीते थे अब्दाली कौन है ये अफगानी है अफगानिस्तान से आया था ये जीत गए थे तो मुगलों में संस्थापक कौन है बाबर मुझे बताए बाबर का काल कितना है बाबर के बाद हुमायूं का काल कितना है तो क्या बोलेंगे बाबर 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा के पंद्रह तक रहा ठीक है हुमायूं आपका 1530 से 1540 तक बढ़िया चला शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया ये भारत से भाग गया 15 साल बाद आया 1555 से फिर इसने शासन किया छप्पन अगले साल सीढ़ियों से गिर के मौत हो गई हुमायूं के बाद में अकबर का शासनकाल कब से कब तक है ये मैं जानना चाह रहा था तो आप कहेंगे पंद्रह से भैया सोलह तक है सोलह से सोलह तक कौन था कई बार अट्ठाईस मिलता है जो एक गलत डेट है कई पुस्तकों में लिखी हुई है जहांगीर क्या बोलोगे जहांगीर और इसके बाद में शाहजहां शाहजहां से हमको वो 27 प्रूव होता है क्योंकि उसके ऊपर चार किसने लिखा है चंद्रमान ब्राह्मण ने लिखा है शाहजहां के ऊपर चार चमन चार चमन पुस्तक किसकी है बोलना चार चमन के लेखक कौन है चंद्रमान ब्राह्मण ने लिखा है और आपका फिर औरंगजेब ये छह के शासनकाल हमको पता होने चाहिए औरंगजेब कब से कब तक था सोलह से सत्रह सो इन छह में सबसे लंबा शासनकाल किसका है सबसे लंबा शासनकाल किसका है तो आप कहेंगे सबसे लंबा शासनकाल जी किसका अकबर का है खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था कौन था किस राजपूत राजा को हराया क्या बोलेंगे जी बोलेंगे जी क्या बोलेंगे राणा सांगा को तो इसने युद्ध लड़े 1526 तो आप जान ही गए ये तो पानीपत है बाबर आया पानी पिया 1527 में उसने खानवा लड़ा क्या खानवा का युद्ध लड़ा ठीक है और 1528 में क्या लड़ा बताएंगे यहाँ पर उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा ठीक है और पंद्रह में क्या बोलोगे उसने घाघरा का युद्ध लड़ा घाघरा का युद्ध घाघरा युद। के युद्ध में अफगान उसके खिलाफ थे जो लोधी थे लोदी हारे थे क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे अपना चंदेरी में कौन था मेदनी राय था क्योंकि मेदिनी राय ने राणा सांगा जी का साथ दिया था और खानवा में कौन थे राणा सांगा थे राणा सांगा थे बताना इन चारों युद्ध में से बाबर कितने युद्ध जीता था यहाँ पर इब्राहिम लोदी था तो चारों युद्ध कौन बोलोगे चारों युद्ध बाबर जीता था तो खानवा के युद्ध में क्या हुआ था उसने राणा सांगा यहीं पर उसने क्या किया था आपका यहीं पर उसने जिहाद का नारा दिया क्या बोलोगे यहीं पर उसने जिहाद का नारा दिया जिहाद का नारा खुद को गाजी कहता है गाजी विधर्मी का कत्ल करने वाला क्या बोलोगे विधर्मी का कत्ल करने वाला खुद को कहता है आगे आएंगे हुमायूं को किस लड़ाई में भाई गर्म पानी के लिए बोल देना हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था ठीक है हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था हुमायूं मैंने बोला दस साल शासन करता है लेकिन यहां पर दोस्त आपका क्या बोलेंगे ठीक है दो दो युद्ध हुए पंद्रह उनतालीस और पंद्रह चालीस मुझे ऐसा आभास हुआ कि मैंने कुछ गलत लिख दिया था अभी मुझे लग रहा था सौ लिख दिया मैंने ठीक लिख रखा है चौसा का युद्ध हुआ और आपका कन्नौज यूपी में ये दोनों युद्ध किस, किस के बीच हुए हैं दोस्त बताना ये दोनों युद्ध हुए शेरशाह शाह इसको हम फरीद खां बोलते हैं शेरशाह शाह वर्सेज हुमायू और कौन जीता दोनों युद्धों को दोनों को शेरशाह जीता तो शेरशाह ने दिल्ली पर सूरी वंश की स्थापना कर दी अच्छा वंश दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया था यह बताओ वंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि 1540 से 1555 तक दिल्ली पर शासन किया किसने वंश ने लेकिन यहां पर अगर पूछ ले शेरशाह सूरी ने कितना शासन किया क्योंकि ये 1540 में गद्दी पर बैठा लेकिन 1545 तक ही बैठा कालिंजर में आप जानते हैं कि ये तोप चला रहा था उक्का तोप फिर इसकी मौत हो गई तो तोप चलाते हुए तो सूरी वंश पंद्रह वर्षों तक रहा और इसी सूरी वंश का अंतिम था जो अकबर से संघर्ष करता पंद्रह में आदिल शाह का सेनापति हेमचंद्र विक्रमादित्य तो क्या बोलेंगे किस लड़ाई में जाने के बाद भागना पड़ा था कन्नौज के बाद में भागना पड़ गया था ये तो इसने लड़ी ही नहीं है बाकी तो मात्र एक बुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे दरअसल में ये आपका मालवा की तरफ मालवा की तरफ इसने जब अपना सेना भेजा तो क्योंकि वहां पर मालदेव शासक थे और ये मालदेव वर्सेज शेरशाह के बीच की लड़ाई थी मालदेव और शेरशाह के बीच की लड़ाई थी यहां पर मालदेव के दो व्यक्ति थे आपके जयंता और कुंभा इतना शानदार जयंता और कुंभा ने इतना शानदार संघर्ष किया कि उनकी बहादुरी देख करके अपनी सेना का हाल देख करके तब यह स्टेटमेंट दिया किसका स्टेटमेंट है शेर शाह सूरी का शेर शाह सूरी का ही ये स्टेटमेंट है कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को इस भारत से खदेड़ दूंगा क्योंकि शेर शाह खुद को मानता था कि मैं भारतीय क्योंकि उसका जन्म यही हुआ वह कहता था कि मैं तो भारतीय मुसलमान हूं और ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं मुगल बाहर से आए हुए लोग हैं तो वो स्वयं को भारतीय समझता था क्योंकि उसके जो वंशज हैं बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी लोहो एव रक्त नीति तो बलबन ने तीन हजार अफगानों को बुलाया था अफगानिस्तान से मारकाट करने के लिए बोला ये जितने भी चोर लुटेरे इन सबको काटना है अगर लूट करते हैं तो उनका वंशज है ये तो इसीलिए इसने जो ये वंश बनाया इसीलिए शेर सूरी वंश को हम कौन सा अफगान वंश कहते हैं इसीलिए सूरी वंश को हम अफगानों द्वारा स्थापित वंश बोलते हैं इसको बोलते हैं हम सेकेंड अफगान वंश तो मैं आपसे फिर प्रश्न पूछूंगा प्रथम अफगान वंश कौन सा है प्रथम अफगान वंश कैसा है मैंने पूरी रूट आपको बताई थी सारी की सारी रूट आपको बताई थी क्या हो गया पिछले में हुमायूं किस लड़ाई की पराजय के बाद भागना पड़ा था जी पिछला गलत बताया है क्या हो गया 107 में क्या हो गया देख लेता हूं मैं 107 में क्या हो गया भाई संत सल... अरे, अरे 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 यार मैं ये बोल भी रहा हूं आपसे सलीम चिश्ती कहां रहते थे सलीम चिश्ती तो फतेहपुर सीकरी में रहते थे कहां पर फतेहपुर सीकरी में रहते थे ये गलत लिख दिया मैंने अजमेर में अगर हम बात करें आपका अजमेर शरीफ मैंने बोला अजमेर में कौन रहते थे आपका वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे भाई साहब मोइनुद्दीन चिश्ती मोइनुद्दीन क्या बोलोगे मोइनुद्दीन चिश्ती थे बिल्कुल गलत लिखा था मैंने रियली really सॉरी अजमेर की बात करूं जैसे दौलताबाद में एक दरगाह ये लिख सकते हैं आप दौलताबाद में एक दरगाह है दौलताबाद में एक दरगाह है जिसके आपके क्या बोलोगे शेख शेख बुरहानुद्दीन है शेख बुरहानुद्दीन है ठीक है निज़ामुद्दीन ओलिया कहाँ पर रहते थे नई दिल्ली में नई दिल्ली में कौन रहते थे निज़ामुद्दीन ओलिया क्या बोलोगे निज़ामुद्दीन ओलिया की दरगाह कहाँ पर है अभी मैंने आपसे बोला भी था कि फतेहपुर सीकरी क्योंकि सलीम जो है ना सलीम नाम किसका है जहांगीर का तो वो इन्हीं के आशीर्वाद से पैदा हुआ जब इनका मुगलों का हेडकुआटर कहाँ पर था आपका आगरा में था ठीक है गलत हो गया था ये। बहुत बढ़िया भी वेरी गुड आगे आएंगे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे बोलेंगे, से बोलेंगे। से well हकीम खान हकीम खान हकीम खान क्या बोलोगे हकीम खान क्या बोलोगे आपका क्या बोलेंगे जी हल्दी घाटी में कौन है ये महाराणा प्रताप की तरफ से और मुगलों की तरफ से कौन थे और वर्ष भी बताना कौन है मुगलों की तरफ से मानसिंह है मानसिंह है ठीक है अच्छा मुझे बताना किस वर्ष लड़ा गया था पंद्रह में क्या बोलोगे फिफ्टीन में, 1576 में फिफ्टीन कालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी अकबर की जो सैन्य व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी बताएंगे एक बार हाँ, मालवाड लिखा है मैंने वो मालवा नहीं वो मालवाड़ है मालवाड़ जोधपुर है और जोधपुर भी राजस्थान तभी तो आएगा और नहीं तो हम प्योपर उसको मालवाड़ मालवा मैंने बोला है अगर उसको हम बोले आपका कहां पर कि फिर बाजरे की बात कहां से आएगी अगर हम मध्य प्रदेश से रिलेट करेंगे वो राजस्थान की ही बात है ठीक है सैन्य व्यवस्था मनसबदारी प्रणाली पर क्या बोलेंगे मनसबदारी पर आधारित थी किस पर मनसबदारी पर मनसबदारी प्रणाली किस पर आधारित थी दशमलव प्रणाली पर क्या बोलोगे दशमलव प्रणाली पर मैंने बताया था कितने घोड़े रखने आवश्यक थे इसमें क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे कहां से लिया गया था इसको उधार मंगोल देश से तो एक क्या रखता था अतिरिक्त घोड़ा रखता था एक, एक, एक एक्स्ट्रा घोड़ा रखता था याद है कहां से उधार लिया हमने इसको मंगोल देश से उधार लिया मंगोल देश से हमने इसको उधार लिया और क्या बोलेंगे इसको कौन है इसका प्रणेता किसने इसको लागू किया टोडरमन ने मैंने एक दिन आपसे कहा था कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एक दिन कि टोडरमल अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर था ये तो हम सब जानते हैं कौन है ये <coughs> वित्त मंत्री है <coughs> वित्त मंत्री है किसका वित्त मंत्री था ये अकबर का वित्त मंत्री है इतनी बात में किसी को दिक्कत लेकिन ये किसके दरबार में था पहले देखो मैंने प्रश्न भी नहीं पूछा फिर भी बहुत सारे बच्चों ने लिखा शेर शाह सूरी बहुत शानदार दोस्त वेरी गुड इसी तरह के छात्रों की आवश्यकता है आगे आई दहसाला प्रणा भी लिखी हुई है उसमें दस सालों का जो हम लोग करते हैं ठीक है ना दस सालों का तो वही आइन ए दहसाला किसने दी थी टोडरमल ने टोडरमल ने दी थी आइन ए दहसाला दहसाला प्रथा बोलते हैं उसको मनसबदारी को नहीं बोल रहा हूं मैं दहसाला प्रथा को बोल रहा हूँ आइन ए दहसाला ठीक है सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था निजामुद्दीन ओलिया अकबर जैन या शेख जैनुद्दीन शेख नसरुद्दीन चरा जैनुद्दीन को बोलते हैं कश्मीर का अकबर क्योंकि जो अकबर ने जिस तरह से तीर्थ यात्राओं से कर हटाए तो उस तरह की चीजें इसने आपका कहां पर की थी कश्मीर में तो इसको कश्मीर का अकबर बोलते हैं कश्मीर का अकबर ठीक है क्या बोलेंगे सुलह कुल का सिद्धांत किसका है अकबर का है अकबर का है और इसने क्या स्थापना की थी इसके लिए इबादत इबादत खाने की स्थापना की जहाँ पर धार्मिक चर्चाएं होती थी 1575 में और क्योंकि ये सब कुछ सब लोगों से जान कर के एक अपना धर्म चलाना चाह रहा था क्या धर्म कह रहा था कि सब लोग इसी में मर्ज हो जाएंगे सिर्फ एक धर्म होगा सबका दीन ए इलाही पंद्रह में पंद्रह में लेकिन कितने बोलेंगे कितने लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया उनमें से सिर्फ हिंदू राजा कौन थे तो अकेला बीरबल था जिसने एक्सेप्ट किया अकेले बीरबल ने और किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई मोहम्मद हुसैन को मुकम्मल खान समद को अब्दुल्समद को या पीर सैयद महमद को अहमद को तो क्या बोलेंगे मोहम्मद हुसैन को जरी कलम जरी कलम की उपाधि समद को बोला था सीरी कलम क्या बोलोगे चित्रकार था चित्रकार थे दोनों ही सीरी कलम की उपाधि किसको समद को दी गई बीरबल को क्या उपाधि दी थी अकबर ने जरा बताएं बीरबल को उपाधि दी थी कवि प्रिय क्या बीरबल को कौन सी उपाधि दी थी कवि प्रिय की उपाधि दी थी एक नरहरी थे कवि नरहरी को नरहरी को कौन सी उपाधि दी थी नरहरी को महापात्र की उपाधि दी महापात्र की ठीक है महापात्र की जगत गुरु की उपाधि किसको दी थी जगत गुरु की उपाधि किसको दी थी तो ये दी थी एक जैन साधु थे हरि विजय सूरी क्या बोलोगे जैन साधु थे हरि विजय सूरी क्या नाम था हरि विजय सूरी एक मैंने आपको बताया था अकबर किसकी चप्पलें अपने सिर पर उठाता था अकबर किसकी चप्पलें अपने सिर पर उठाता था क्या बोलेंगे बताए जी एक बार अकबर किसकी चप्पलें अपने सिर पर उठाता था तो क्या बोलेंगे अब्दुल नबी अब्दुल नबी ठीक है मित्र मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्राष्ठा कर पर पहुंची मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची हुमायूं छोटा सा आंसर जहांगीर जहांगीर से रिलेटेड जानते हो ना सब कुछ इसकी पत्नी का नाम बताओ अच्छा चलो पत्नी छोड़ो ये बता दो इसकी शादी किस वर्ष हुई थी तब मानूंगा मैं हिस्ट्री तुमने अच्छे से पढ़ रखी है भैया गद्दी पे बैठ गया सोलह सौ सो पांच में इसकी शादी किस साल हुई थी देखना चाहूंगा मैं किसी ने नहीं लिखा सोलह सो ग्यारह शादी पूछ रहा हूं मैं <laughs> निशा कोई कुछ लिख रहा है निशा एकदम ठीक है जिन्होंने भी लिखा है वेरी गुड वेरी गुड भाई नूर जहां को इसकी वाइफ ना बना देना नूरजहां ही इसकी वाइफ है नूर जहाँ को ही इसने निशा कहा एक मुमताज महल लिख रहा है मुगल प्रशासन में मुहतशिब था मुहतशिब कौन था बताएंगे एक बार सेना का अधिकारी था विदेश विभाग का मुख्य था लोक आचरण का अधिकारी था या फिर पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी था तो क्या बोलोगे लोक आचरण अधिकारी था मुतशिब बना रखा था जो सार्वजनिक व्यवस्था को यानी कि सब लोगों की व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखता था ठीक है मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता था चुंगी कर था एक टेनिटोल टैक्स था या विद्वानों को दी जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट विद्वानों को दी जाने वाली एक राजस्व भूमि थी जिसका नाम था आपका सयूर गल क्या बोलोगे शयूर गल ये प्रश्न आपके हाल ही में एसएससी ने पूछे हैं अपने अलग अलग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है सयूर गल क्या बोलेंगे जी शयूर गल भी इसी को कहते हैं हम और ऐसा था ये भूमि ये रखते थे इसको वंशानुगत यानी जैसे किसी को मिल गई ना तो उसके अगली पीढ़ी को अपने आप मिलती थी ऑटोमेटिक निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब मुगल शाही परिवार की एक महिला ने लिखी है अकबर नामा बाबर नामा हुमायूं नामा या बादशाह नामा बोलेंगे जी अकबर नामा क्या महिला ने लिखी है आप कहेंगे अकबर नामा तो भैया अबुल फजल ने लिखी है किसने ये तो लिखी है अबुल फजल ने जो अकबर के नौ रत्नों में से एक है अबुल फजल ने लिखी है और बाबर नामा किसने लिखी है ये आपका बाबर ने मुझे बताओ कि बाबर ने इसको किस भाषा में लिखा था चगताई तुर्क में किस में चगताई तुर्क में भाषा में लिखा अच्छा मैं आपसे पूछूं हुमायूं नामा किसने लिखी है क्या बोलेंगे गुल बदन बेगम ने लिखी है गुल बदन बेगम ने और आजकल एसएससी मुगलों से बहुत ज्यादा प्रश्न ना पूछ के सिर्फ उनके लेखक और उनकी किताबों से ऐसे ही दिल्ली सल्तनत के लेखक और उनकी किताबों से प्रश्न पूछ रहा है आजकल तो ये इनके किताब और लेखक आपको पता होने चाहिए बादशाह नामा के लेखक कौन है आपका अब्दुल हमीद लाहौरी है कौन है अब्दुल हमीद लाहौरी है अब्दुल हमीद लाहौरी ऐसी जहांगीर के ऊपर लिखी गई तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी क्या बोलोगे तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी तुजुक ए जहांगीरी इनकी भाषा भी पूछ लेता है तुजुक ए जहांगीरी बहुत अच्छे से कराई है आपको जहांगीर ने लिखी है किसने जहांगीर ने फतुहात ए आलमगिरी किसने लिखी है आलमगीर किसको बोलते थे उतुआत ए आलमगिरी किसने लिखी है तो आलमगीर किसको बोलते थे आप कहेंगे आलमगीर बोलते थे जी औरंगजेब को तो इसके लिए किताब लिखी है किसने ईश्वरदास नागर ने ईश्वरदास नागर ने लिखी है मजम उल बहरीन किसने लिखी है दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया था ये भी मजम उल बहरीन किसने लिखी है ये लिखी है आपका दारा शिकोह ने और दारा शिकोह ने जो मैंने आपको बताया था कि उसने हिंदू ग्रंथों में उसका मन लग गया तो उसने उपनिषदों को फारसी में बदलना शुरू किया तो उसने कुल मिलाकर के बावन उपनिषद फारसी में बदल दिए तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने वो बावन उपनिषद फारसी में किस नाम से लिखे थे बावन उपनिषदों का भाई बावन उपनिषदों का अनुवाद ये आपको पता ही होना चाहिए कौन किसका बेटा है तो बावन उपनिषदों का शिकोह किसका बेटा था शाहजहां का और दारासिकोह को ही वह गद्दी पर बैठाना चाहता था लेकिन औरंगजेब ने क्या बोल दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा गर्दन कटवाई थी दारा सिकोह की दारा सिको किस नाम से किया था अनुवाद सीर ए अकबर बहुत पूछा जाता है। सीर ए अकबर एक अनुवादित ग्रंथ है बावन उप हिंदी उपनिषदों का संस्कृत के उपनिषदों का तो वो किसने आपका लिखा था ठीक है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर नामा का दूसरा नाम आइन ए अकबरी है आइन ए अकबरी में हिंदुस्तान की जातियों ऋतुओं फसलों और कुदरती सौंदर्य का प्रतीक है क्या बोलेंगे जी ठीक बात है क्या तो आप कहेंगे कि अबुल फजल द्वारा लिखित अकबर नामा का दूसरा नाम ए अकबरी है गलत बात है अकबरनामा का तीसरा जो भाग है वो आइन अकबरी है क्या बताता हूं मैं आपको हमेशा कि इसी का तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है पुस्तक अकबरनामा को आईने अकबरी मत बोल देना कभी भी तो क्या बोलेंगे केवल एक और दो अच्छा जी अकबरनामा इसमें पूछा था पहला दूसरा और तीसरा जो पहला भाग है अकबरनामा का वो बताता है अकबर के पूर्वज जैसे दिल्ली पुलिस आपका एडब्ल्यू में पूछा गया था अकबर के पूर्वज प्रश्न क्या पूछा गया था आपका प्रसन्न था कि अकबरनामा के दूसरे भाग में क्या वर्णित है क्या बताया गया है तो अकबर के जो पूर्वज बाबर है हुमायूं है उन सब के बारे में जानकारी मिल रही है और साथ में उसका क्या जब अकबर बच्चा है आरंभिक जीवन है आरंभिक जीवन को दर्शाया जा रहा है ठीक है अब आरंभिक जीवन का मतलब वो बच्चे से युवराज बनने तक की कहानी दूसरे भाग में क्या होता है अकबर का शासनकाल है अकबर का घटना क्रम है घटना क्रम लिखा गया है घटना क्रम ठीक है और तीसरे भाग में मैंने आपको बता ही दिया हिंदुस्तान के बारे में ये सब लिखा गया है उसमें आईने अकबर ये थर्ड पार्ट है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है अकबर नामा का अंग्रेजी जो अनुवाद है वो किसने किया है तो एच ब्लैक मॉम ने किया है क्या बोलोगे एच ब्लॉक ने किया ब्लॉक याद रख लीजिए एच ब्लॉक ने किया है ठीक है ब्लॉक ने किया है ये पता होना चाहिए आप ब्लॉकमेन ने इसका अनुवाद किया है आगे okay. औरंगजेब के शासन काल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए काल में कौन सी घटना पहले हुई देवराय की लड़ाई तो अंतिम निर्णायक लड़ाई है इसको अंत में ले लो सोलह सबसे पहले तो धर्म में ही युद्ध हुआ सोलह में ठीक है अच्छा सामूगढ़ भी दे रखा है सोलह में हुआ ये भी क्या बोलोगे सोलह में हुआ तो ये पहले हो गया था अप्रैल में पहले धर्मठ का हुआ और फिर सामूगढ़ हुआ आपका मई में हुआ लगभग और उससे पहले इन्होंने सूजा को हराया था फरवरी में फरवरी सोलह सो में पहले तो इन्होंने सूजा को जो आपका शासन लिए बैठा था अंतिम निर्णायक लड़ाई सोलह सो में हुई है तो क्या बन जाएगा देखेंगे जरा जा जी तो आप कहेंगे भैया इसका बन जाएगा आपका दो दो चार तीन एक दो चार तीन एक ऑप्शन डी एकदम से सही हो जाएगा दो चार तीन एक हो जाएगा ये तीनों के तीनों संघर्ष किसके बीच में हुए बोलेंगे जरा फटाफट से किस किस के बीच में हुए ये हुए औरंगजेब क्योंकि औरंगजेब दक्षिण में था और दक्षिण में था तो उसको फिर उत्तर में आना था उसने अपने भाइयों को मिलाया पहले तो चालाकी से अच्छा अच्छा सूजा को राजा बनाते हैं बोला कि भाई औरंगजेब ने कह दिया कि एक काम कर ही गद्दी पे बैठ जा नहीं तो पिताजी दारा सिकोह को बैठा देंगे तो इसने अपने पहले अपने भाइयों को किया और दारा सिकोह जिसकी कोई खास रुचि नहीं थी शासन क्रम में वो बेचारा मारा गया इसको कैद कर लिया था इसने अपने पिता को कैद कर लिया कैद कर लिया तो छह साल कैद में ही रखा ठीक है आगे किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन व आशीर्वाद से की थी बोलेंगे किससे की थी सिर्फ उत्तर दें दोस्त सिर्फ उत्तर और आगे नहीं और, और कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए कक्षा कितने बजे तक होगी प्रश्न कितने होंगे ये सब मैं आपको बता चुका हूं शुरुआत में ही बोलेंगे भाई सिर्फ उत्तर अच्छे बच्चों से उम्मीद करूंगा अपनी इंटेंसिटी को अपनी ताकत को एक बार फिर सांस लेकर भरेंगे और फिर ऊर्जावान होंगे आपके अंदर ये नेगेटिविटी वाले क्वेश्चन आने ही नहीं चाहिए कमजोर हो क्या तुम तो? हम सब ने यार ऐसे बचपन में कहते माँ का दूध पिया है ये कहते थे बचपन में हाँ हमने अपनी मां का दूध पिया इतने कमजोर कैसे हो सकते हो किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की किसने की थी जी गुरु अर्जुन देव ने इसीलिए इसकी क्या करवाई गई जहांगीर ने हत्या करवा दी थी अच्छा नौवे गुरु गुरु को तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी शीजगंज गुरुद्वारे पर औरंगजेब ने इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण गुरु अर्जुन देव कौन से नंबर के गुरु थे पांचवे नंबर के गुरु थे कौन से पांचवे नंबर के गुरु थे ठीक है आगे मत दिखाया करो इन बच्चों के कमेंट क्यों तुम हाईलाइट करते हो जो बच्चा आंसर दे उसका कमेंट हाईलाइट किया करो बस ठीक है दे सिर्फ उसका रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था रणजीत सिंह मैंने बोला रणजीत सिंह जब ये पंजाब में आपका शासन चल रहा था तो बारह मिशल बनी थी क्या बनी थी बारह मिशल बन गई थी आपका और बारह मिशल में से कौन सी मिशल थी इनकी क्या बोलोगे जिसको चुकर सकिया या सुकर चकिया दोनों कहते हैं ठीक है ठीके? सुकर चकिया ये कभी गलत नहीं होना चाहिए अंग्रेजों की संधियां आपको पता होनी चाहिए जैसे मैं अगर बात करूँ आपसे कि अंतिम शासक कौन थे आपका रणजीत सिंह थे मैं आपसे पूछूं अमृतसर की संधि की तारीख बता दो क्या है अमृतसर संधि का वर्ष कितने दोस्त बता सकते हैं तो आप कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई अमृतसर की संधि दूसरा प्रथम आंगल सिख युद्ध की तारीख पूछू मैं आपसे प्रथम आंगल अंग्रेजों और सिखों के बीच में जो युद्ध हुआ वो हुआ आपका याद है 1846 में जिसमें बाद में फिर आपका भैरोवाल की संधि हुई किसकी बहरोवाल की संधि जिसको हम कहते हैं बहुत बढ़िया बहुत सारे बच्चों ने लिखा खुशबू कुमारी जी राहुल चौहान जी दिल्ली पुलिस व्लॉग्स ज्योति एकदम ठीक उत्तर है वेरी गुड अष्ट प्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी बताएंगे जी क्या बोलेंगे अष्ट प्रधान नाम की मंत्री परिषद थी मुगल गुप्त प्रशासन में नहीं भैया जानते हैं कितने मंत्री थे पोस्ट जानते हो सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन था ये बता दो तो मैं जानू उन आठ पदों में सबसे प्रमुख कौन था सबसे प्रमुख कौन था पेशवा क्या बोलोगे सबसे प्रमुख आदमी भैया उनमें पेशवा था ठीक है पेशवा प्रथम आंगल मराठा युद्ध में कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था आंगल मराठा युद्ध अंगल मराठा युद्ध मतलब अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध हुए कितने युद्ध हुए थे अंगल मराठा युद्ध कुल सूरत की संधि के द्वारा बसीन सलवाई की संधि या पुरंदर के द्वारा भैया सलवाई की संधि के द्वारा सूरत की संधि हुई सत्रह में युद्ध से पहले और सलवाई की संधि हुई आपका सत्रह में क्या बोलोगे बसीन की संधि 1802 में हुई पुरंदर की संधि आपका सोलह में हुई थी ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय पर हुई थी के, सलबाई की संधि और पहले आंगल मराठा युद्ध को कौन जीते थे मराठा जीते थे और मराठाओं ने एक प्रॉमिस लिया था कि अंग्रेजों से कि अगले 20 वर्षों तक आपको युद्ध नहीं लड़ेंगे इधर उन्होंने कहा भी था हाँ जी छतपति शिवाजी महाराज जी का राज्यभिषेक हुआ था जन्म भी बताना जन्म जानते हो ना इनके जन्म के लेकर के दो घटनाएं हैं कौन कौन से दो वर्ष मान्य है सोलह और सोलह एक ही को विकल्प में देगा कि उसको भी पता है कि फिर तो सब बच्चों को नंबर मिलेगा। तो राज्य अभिषेक कब हुआ था सोलह में कहां पर राजधानी कौन सी बनाई थी इन्होंने? राजधानी राजधानी रायगढ़ में याद होगा ना मित्र क्या बताया था कि भैया इनका तिलक किसने कराया था बोलो निश्चलपुरी गोस्वामी ने तांत्रिक विधि से गंगाधर भट्ट ने वैदिक विधि से पचास हजार हिन्दू वहाँ इकट्ठे हुए उन्होंने उनको उन्हों ये बोला कि अब ये हिंदुस्तान को तुम ही बचा सकते हो मुगलों से और आज से हिंदुओं का छत्र तुम्हारे सर पर है इसीलिए उनको क्या कहा गया इसी दिन दो उपाधियां मिली इसी दिन कि हिंदुओं का छत्र तुम धारण करो तो तुम आज से हैंदव हुए और आज से ही तुम छत्रपति भी हुए छत्रपति भी हुए ठीक है कभी गलती नहीं करनी हाँ जी दो बार हुआ था बिल्कुल प्रत्युष कुमार जी वेरी गुड दिखाओ भी बच्चे का वेरी गुड कुमार सुशील बहुत सारा प्यार मेरे भाई ऑलवेज हमेशा मरते दम तक मराठा काल में मामत क्या बोलोगे मराठा काल में मामलतदार क्या था सर देशमुखी देखो दो टैक्स थे आजकल देखो पिछला एमटीएस अगर आपने किसी ने दिया या सी एच दिया तीन या चार बार क्वेश्चन आया है कि मराठाओं में एक दसवा हिस्सा कौन सा कर था एक तो सरदेश मुखी से और एक चौथाई कर कौन सा था जरा बताना जो ये एक चौथाई लेते थे वन फोर्थ यानी पच्चीस परसेंट लेते थे उस टैक्स का क्या नाम था तो चौथ कर था चौथ मतलब चौथाई दो ही तो टैक्स थे इनके राज्य की सुरक्षा के लिए एक आय का और एक टोटल उत्पादन का सरदेश मुखी तो क्या बोलोगे मराठा काल में कौन सरदेश मुखी जो टैक्स इकट्ठा करते थे उन लोगों को बोलते थे ग्राम की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले अधिकारी पटेल के सहायक और कुलकर्णी के लेखे की देखभाल करने वाले अन्य अकाउंटेंट थे या ग्रामों में कर का निर्धारण पटेल की परामर्श से करने वाले अधिकारी थे हाँ जी कि क्या टैक्स बनेगा ऐसा नहीं कि कहीं टैक्स जबरदस्ती तो थोपा नहीं जा रहा है सब लोग दे भी पाएंगे उतना नहीं क्योंकि ये मदद के रूप में कर था ये जबरन लिया गया कर नहीं था मदद के रूप में कि मराठा शासन को मजबूती मिले तो इसके लिए देखते थे कि भाई कर लेने लायक कोई है नहीं उसके लिए अकाउंट्स के लोग थे वही जाकर के देखते थे ये टैक्स नहीं दे पाएगा ठीक है इसका टैक्स मत लो ठीक है बहुत बढ़िया अंकित मौर्य धौलपुर वेरी गुड भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहा लगाया फ्रांसिसियो ने सूरत में पुलिकट कोचिन या फिर कासिम बाजार तो फ्रांसिसियो ने लगाया था अपना कहां पर सूरत में ठीक है और कंपनी कब बनी थी फ्रांसीसियों की कंपनी याद रख लेना फ्रांसिसियो सोलह सौ में बनी सोलह में किसने बनाई थी कोलबर्ट ने बनाई थी किसने कोलबर्ट द्वारा इसको बनाया गया था कोलबर्ट द्वारा ऐसे ही दोस्त आपसे प्रश्न बनेगा अगर पूछे कंपनी कारखाना हो गया फिर सोलह के बाद में इन्होंने सोलह में भी कारखाना स्थापित किया था यहां सुनना जरा ध्यान से मैं आपसे पूछूं इधर तो मैं नाम लिख दूं कंपनी का मुझे बताओ पुर्तगाली कंपनी या मैं बोलूं पुर्तगाली कंपनी कब बनी थी या कब स्थापित हुई चौदह सौ अट्ठानवे मैं आपसे बोलूं ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी तो आप कहेंगे सन सोलह में मैं बोलूं डच कंपनी कब बनी थी डच कंपनी कब बनी थी तो आपका आंसर आना चाहिए सोलह सौ दो फ्रांसीसी कंपनी में आपसे बोलूँ क्या बोलोगे फ्रांसीसी कंपनी में आपसे बोलूँ तो आप क्या बोलेंगे सोलह चौसठ और दोस्त भारत में विदेशियों के आने का क्रम आपको पता है ना जरा बताएं एक बार बोलेंगे क्रम आने का तो ये तो कंपनियां हो गई स्थापित होने की कारखाना जैसे पुर्तगालियों ने 1503 में खोला था अपना कोचिन में आ, ये परमानेंट है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले मसूलीप्टनम में लेकिन फिर सोलह सो में खोला मसूलीपट्टनम में सोलह सौ में फिर सूरत में सोलह में सूरत में इन्होंने डचों ने भी सोलह सो में में खोला था मछलीपट्टनम भी जिसको हम कहते हैं मसूलीप्टनम में और इन्होंने फ्रांसीसियों ने सोलह अड़सठ में सूरत में सूरत में खोला था सूरत से नहीं हम तो चलो भाई आगे आएंगे नेक्स्ट निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसिसियों के भाग्य का निर्णय बोलेंगे पुत्र अडा डेड फसा एकदम ठीक है अलका सुथार <laughs> पहले पुर्तगाली आए फिर आपका कौन आए पुर्तगाली पुत्र अडा अंग्रेज, फिर जी डैनिस आ गए, हैं <laughs> आ गया, गया क्या बोलेंगे निम्न में से कि युद्ध से भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध का इससे कोई लेना देना नहीं चलता रहा तब भी बक्सर की लड़ाई ये भारतीय और भारतीय शासकों और अंग्रेजों के बीच थी प्लासी की लड़ाई ये भी सराज बंगाल की और अंग्रेजों की वाणीवास की लड़ाई किस वर्ष हुआ था वाणीवास का युद्ध क्या बोलोगे भैया 1760 में हुआ 1760 में अंग्रेजी अंग्रेजी जो लोग थे वो इसमें स्थापित हो गए कायर इसमें कौन था आपका आयरकूट था अंग्रेजों की तरफ से पूछा जाता है कि वाणीवास की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था मुझे बताएंगे फ्रांसिसियों की तरफ से कौन था फ्रांसिसियों की तरफ से कौन था काउंट डी लाली कौन था काउंट डी लाली था काउंट डी लाली ठीक है प्लासी की लड़ाई अंग्रेजी शासन की शुरुआत मानी जाती है भारत में इसमें कौन कौन थे खिलाफत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत मानी जाती है और अंग्रेजी शासन की यह शुरुआत मानी जाती है तो इसमें कौन था एक तरफ तो क्लाइव था क्लाइव था और एक तरफ कौन था सराजुद्दोला मैं आपसे पूछूं कितनी तारीख को प्लासी का युद्ध हुआ तो आप कहेंगे 23 जून सत्रह को हुआ जीता कौन था इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी तभी तो शुरुआत कह रहा हूं तभी तो मैंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत बक्सर की लड़ाई कब हुई सत्रह में और इसमें भी कौन था अंग्रेजी शासन अंग्रेजी शासन का नेतृत्व कौन कर रहा था इसमें ये आप लोग बताएंगे कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से लीडरशिप कौन कर रहा था और वर्सेज में कौन था आपका काशिम था मीर काशिम अवध का नवाब था सुजाउद और साथ में शाह आलम द्वितीय मुगल शासक भी था सारे हारे और याद है ना इलाहाबाद की संधियों में कैसे बिचारों को फंसाया गया फिर क्या कहेंगे जी बहुत बढ़िया हैक्टर मुनरो एकदम सही उत्तर आया आप लोगों का क्या बोलेंगे बक्सर की लड़ाई में कौन था हेक्टर मुनरो हेक्टर मुनरो बहुत गजब अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है जो बनाया था उन्होंने फोर्ट सेंट डेविड फोर्ट सेंट एंड्रू फोर्ट विलियम या फोर्ट विक्टोरिया क्या बोलोगे फोर्ट विलियम तो बहुत चर्चित कारखाना था उस समय का जिसका पहला अध्यक्ष चार्ल्स आयर बहुत फेमस है पहला अध्यक्ष कौन था फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष क्या बोलोगे चार्ल्स आयर चार्ल्स आयर इसी को देख रेख दी गई किस नदी के किनारे फोर्ट विलियम बनाया गया हुगली नदी के किनारे कितने बच्चे बताएंगे किस वर्ष में बनाया गया ठीक है किस राजा ने फोर्ट विलियम को बनाया राजा था विलियम थर्ड पहले तो इसको बनाया इन लोगों ने कि आई परीक्षा की जो लोग आई परीक्षा देश के पास कर लेंगे उनको यहाँ पढ़ाया जाएगा ट्रेनिंग दी जाएगी सन 1800 बहुत खूब बहुत शानदार 1800 किसके टाइम पर यह भी पूछा जाता फोर्ट विलियम कौन भारत में उस टाइम पर आपका गवर्नर था तो कौन था वालेजली था याद रख लेना ना सत्रह सौ अट्ठानवे सहायक संधि वेलेजली सत्रह सौ अट्ठानवे से अठारह सौ तक वालेजली ही है गलती नहीं करनी है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जो भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था अभी बताया दोस्त आपको क्या कोचीन पुर्तगालियों का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है कोचीन है बोलेंगे एक बार कोचीन गोवा कालीकट या कन्नौर क्या बोलेंगे सॉरी कोचीन नहीं गोवा पुर्तगालियों का मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछा फैक्ट्री नहीं पूछ रहा हेडक्वार्टर पूछ रहा है गोवा में होगा हेडक्वार्टर तो अल्बुकर्क ने बनाया इसको तो अलबुर्क ने क्या बोलोगे अलबुर्क ने बनाया 1510 में इसको जीत करके 1510 में जीता था अलबुर्क ने इसको ठीक है क्योंकि पहला फ्रांसिस सॉरी पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था फ्रांसिस डी अल्मेडा जो देश में लेकर के आया था शांत जल नीति कार्टेज व्यवस्था उस सबको आके अलबुर्क ने क्या कर दिया था पलट दिया था 1509 में आया था अलबुर्क शांत जल नीति खत्म कर दी थी उसने याद है बहुत बढ़िया दोस्त कोई और प्रश्न की उम्मीद ना करें मुझसे मैं नहीं बताऊंगा आप खुद को कॉपी पेस्ट करके सिर्फ परेशान हो रहे हैं हमारी कॉलिंग टीम के पास कॉल करके इसका सॉल्यूशन पूछे वो सब सॉल्यूशन बताएंगे सब पता है वो मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है कॉलिंग टीम हमारी जो टीम है क्योंकि उनका एक्सपर्टीज वही फील्ड है मेरा एक्सपर्टीज पढ़ाने का है तो उनसे पूछ लिया करो आप कोई भी वो सॉल्यूशन करेंगे आपका अगर जेनुअन डाउट होगा आपको बेवजह कुछ भी उनसे पूछेंगे तो वो भी नहीं करेंगे <laughs> भारत में सोलह सौ तेरह ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी बोलो बच्चे ऐसे कमाल करते मैंने एक दिन एक बच्चा कमेंट में कर रहा था मैंने कहा था कॉलिंग टीम के पास फोन करके तुम ये बोल दिया करो जी मुझे नवीन सर से अर्जेंट बात करनी है और अपनी परेशानी उनको बता दिया करो उनको जेनुअन लगेगी तो वो मुझे मेरे पास नंबर भेज देंगे ठीक है वो टैग कर देते हैं ग्रुप बना हुआ जी बच्चा आपसे बात करना चाह रहा था इस बारे में तो ऐसे बोल दिया मैंने क्लास में तो शाम को रिकॉर्ड आया कि इस तरह से प्रयास किया है उनतीस बच्चों ने बात करने का दो बच्चों ने तो आप सोचो मैं 2900 सो बच्चों में से अब किसको चुनूं कि मैं किससे बात करूं रैंडमली कर लूं कि यार इससे कर लेता हूं तो क्या पता और उस रैंडमली करने में कि आपकी ज़्यादा जरूरत नहीं किसी की ज़्यादा जरूरत थी तो उस जरूरत वाले को भी आप छुड़वा देते हैं टैली भी नहीं की जा सकता कि किसको छोड़ दे और उनतीस के लिए उनतीस मिनट चाहिए मैं खाना पीना तो छोड़ो पढ़ाना तो ये छोड़ो अगर मैं वो परमानेंट भी बात करूँ ना पूरे दिन बैठ के चौबीस घंटे तो सिर्फ बात भी नहीं कर पाऊंगा तो उनसे आप सॉल्यूशन पूछा करो ये कोई बात नहीं होती जी मेरी नवीन सर से बात करा दो फिर मैंने उनसे बोल दिया ऐसे नहीं बात करानी किसी से क्या बोले बताओ आप यही तो सॉल्यूशन है <laughs> तो थोड़ा आप लोग सोचा करो कि कोई चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से चलती होगी कुछ चीज़ें आपको खुद सॉल्व करनी होंगी अपने एंड पे कि मुझे ये चीज़ मुझे सॉल्व कर लेनी है पेपर देने जाऊँ या ना जाऊँ इसका चुनाव मुझे खुद करना है बोले जी मेरा इधर उसका पेपर है देख लो कौन सी चीज़ छोड़ सकते हो ये चुनाव तो आप करना होगा मेरे कहने से छोड़ोगे क्या <laughs> अभी मैं कमेंट में बोल दूँ ना कि कोई बच्चा बोले मैं बोलूँ अपना नंबर लिख दो भाई मैं कॉल करूंगा कम से कम दो लिख देंगे बे <laughs> आओ वापस भारत में सन सोलह ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी बोले कहा स्थापित की थी भैया क्या बोलोगे स्थाई थी कि अस्थाई थी ये बोलो ये कैसी फैक्ट्री थी ये एक थी थी? स्थाई फैक्ट्री थी भैया कैसी स्थाई फैक्ट्री थी सोलह सौ ग्यारह मसूली पट्टनम अस्थायी थी निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया देखो मैंने आपसे हमेशा किया है प्रारंभ बोले तो पिलासी और पूछे ब्रिटिश शासन को स्थापित किया तब स्थापित में आएगा बक्सर क्योंकि तब तो वो संघर्ष कर रहे थे फिर उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी कि भारत को जीत लेते हैं सारे को तो बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ कब हुआ आपका बोले बक्सर की लड़ाई से हुआ पिलासी के युद्ध से हुआ तो क्या बोलेंगे शुरुआत हम बोलेंगे तेईस जून सत्रह सत्तावन पिलासी पिलासी कौन से राज्य में स्थित है ये बताइए तो राजुदोला की इसमें हार हुई थी वेरी गुड बहुत अच्छा आंसर शेखर जी यशपाल बहुत बढ़िया दीप गुजर बहुत ठीक उत्तर दिया है भाई सिपाही विद्रोह के समय अठारह सत्तावन क्वेश्चन यू बनाने तो मैं यू उंगलियों पर सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था सिपाही विद्रोह कब हुआ अठारह में तो अठारह से लेकर के बासठ तक कौन है कैनिंग है कौन बोलोगे कैनिंग है ब्रिटिश पीएम कौन था जरा बताना ब्रिटेन का प्रधानी कौन था क्या बोलोगे पारमेस्टन था पारमेस्टन था इसी युद्ध की वजह से क्या आया था अठारह का अधिनियम आया था और अठारह का अधिनियम से शासन किसके लिए ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से एक का शासक हटा दिया गया डलहौजी की हड़प नीति हड़प नीति के और क्या क्या नाम मैंने आपको बताए थे कि उसी को हम डॉक्टर ऑफ लैप्स बोलते हैं उसी को हम व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं तो उसने हड़पा झांसी अठारह सो में पूरी तरह से हड़प लिया लेकिन सबसे पहले किसको हड़पा था सतारा को लेकिन 1856 में किसको हड़प लिया अवध को अवध को 1856 में ठीक है सबसे पहले 1848 में आपका किसको सतारा को तो जो डलहौजी है उसका कार्यकाल क्या है डलहौजी का कार्यकाल है 1848 से छप्पन और इस दौरान क्या क्या काम हुए डलहौजी के दौरान पे चाहे रेलवे हो चाहे डाकतार व्यवस्था हो चाहे आपका यहाँ पर विधवा विवाह को ड्राफ्ट किया गया ईश्वर ईश्वरचंद विद्यासागर जी के प्रयास से सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं ठीक है गोद निषेध नीति भी कहते हैं बहुत ठीक लिखा है एक बच्चे ने आउट्रम ने रिपोर्ट दी थी जी अवध को बहुत अच्छा आपने भी लिखा है इन बच्चों के नाम दिखाया करो ये बच्चे इनका प्रोत्साहन बनता है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की बद्ध सिविल सेवा कन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया जो बाद में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई सिविल सेवा के जनक कौन है सिविल सेवा के जनक तो सिविल सेवा के जनक कौन है दोस्त बताएंगे आपका कारण क्या बोलोगे कारण वाल से सत्रह और कौन सा इन्होंने क्या बोलोगे कौन सा इन्होंने हमारे देश में ऐसा एक और शुरू किया बंदोबस्त क्या नाम है उसका स्थाई बंदोबस्त कि जो वसूल किया जाएगा उसमें से दस परसेंट जमींदार का होगा नब्बे परसेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा अभी हम सोच रहे किसान के पास क्या बचा टैक्स का वसूले गई टैक्स का नब्बे परसेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वसूली का दस परसेंट टैक्स का वो आपका जमींदार के पास ठीक है आगे okay. भारत छोड़ो आंदोलन के समय वाइस राय कौन था क्या बोलोगे लिलित को अकलमंद दिल्ली पुलिस 2020 में भी पूछा गया ये 1936 से 43 था क्या कहता है सेकंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ तो कह रहा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो ये भारतीय है ना ये हमारे साथ है इसे गांधी जी ने कहा तेरे मुंह पे ऐसा चाटा मारूंगा मैं किससे पूछ के बोली था? नहीं मतलब ऐसा नहीं बोला होगा समझ लो गांधी जी ने बोला तू देश का नेता भाई अपने आप अपने पास से ही कह रहा है कि हम हमारे साथ है इंडियंस हम तो नहीं है तेरे साथ तो ये था ललित को इसने बोली मैं अच्छा फंस गया यार गलती कह दी दी क्या मैंने तो तो इसीलिए इसने चुपचाप खबर भिजवाई कि जी इनको मनाओ जाके हैं इसीलिए भारत में 1942 में कौन सा मिशन आया था बोले क्या बोलोगे आप क्रिप्स मिशन तो क्रिप्स मिशन किस लिए इंडिया आया सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय भाग ले लें ब्रिटेन की तरफ से बोले बाबूजी आप हमारी साइड ले लो हम तुमको आजाद कर देंगे बोले तुमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा ही कहा था उसमें मैं गांधी जी मैंने आके लोगों से कह दिया था कि लड़ो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के साथ ये हमको स्वराज्य देंगे और हमारे लोग लड़े थे तुमने मुझको केसर हिंद नहीं दिया था तब अंग्रेजों ने बोला हाँ हमने तुमको केसर हिंद दिया था क्यों दिया था केसर हिंद उन्होंने बोले जी मुझको भर्ती करने वाला सार्जेंट आपको पुकारा गया भर्ती करने वाला सार्जेंट आपने लोगों को युद्ध में शामिल होने के लिए कहा तो फिर फिर से कह दू क्या युद्ध में शामिल होने के लिए लोगों को उन्होंने बोला जी कह तो ठीक रहे हो क्या भाग जाओ यहां से ठीक नहीं कह रहा मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ चलो जी कोई बात नहीं तो लिलित को भारत छोड़ो आंदोलन के समय था मुझे बताओ भारत छोड़ो आंदोलन जैसे इरविन है 1921 से 26 है ठीक है चैम्सफोर्ड का याद रख लो एक कार्यकाल इससे रिलेटेड घटनाएं बहुत पूछी जाता है एसएससी सी चैम्सफोर्ड उन्नीस से 1921 था अब जैसे मैं पूछूं आपसे कोई भी घटना पूछूं इनके काल इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे मैं तुमसे बोलूं दोस्त कि असहयोग आंदोलन जब हुआ तो गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल तो था नहीं सॉरी वायसराय अठारह के बाद से सब वायसराय हो गए तो वायसराय बताएं कौन था तो चैम्स था जलिया जब हुआ तो कौन है चैम्सफोर्ड है इसीलिए गलती नहीं करनी है दोस्त ठीक है आगे आगे। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है कारण हो स्थाई तो ये तो सही है कारण स्थाई बंदोबस्त के लिए जाने जाएंगे क्या बोलोगे कारण स्थाई बंदोबस्त वैलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के लिए डलहौजी सहायक संधि डलहौजी नहीं वैलेजली होगा इंटेलिजेंट इनेक्शन के लिए डलहोजी और कैनिंग नहीं जी जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो डफरिन है क्या बोलोगे डफरिन है कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी एयो ह्यूम द्वारा की गई क्या इतिहास था कांग्रेस बनने का एलन ह्यूम ने पहले इंडियन नेशनल यूनियन को बनाया था एटीन में फिर वही अगले साल इंडियन नेशनल कांग्रेस बना और एयो ह्यूम जो थे कांग्रेस को बनाने वाले ये पेशा क्या था इनका पहले क्या करते थे ये बताओ जरा तो ये सिविल सेवक थे एक क्या बोलेंगे एक सिविल सेवक थे कोई दिक्कत सॉरी 1921 से 26 लिख दिया मैंने इकतीस से छत्तीस होगा ये गलत लिखा क्योंकि गांधी भी समझाता उन्नीस से मैंने यहां उन्नीस गलत बोल दिया ठीक है ना इसको ठीक कर लेंगे हाँ एकदम ठीक है गांधी सम, गांधी उस समय पर आपके उस गांधी बोलो सॉरी इरविन जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो वो उस समय पर है ठीक है ना 31 होगा वो 21 नहीं गलत लिखा है मैंने निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है डलहौजी ने अवध को मिलाया था डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय है बैंटिक 1833 में आपका था जब अठारह का अधिनियम आया लिटन जब प्रथम आंगल अफगान युद्ध आया ये गलत है प्रथम आंगल अफगान युद्ध हुआ है प्रथम आंगल अफगान युद्ध अठारह से बयालीस हुआ प्रथम आंगल अफगान युद्ध आंगल अफगान वॉर जो हुआ वो अठारह से बयालीस हुआ है दोस्त और ये किसके समय पर हुआ है आपका इस समय था ऑकलैंड कौन था ऑकलैंड ऑकलैंड ने ही जिसके नाम क्या रखा था जीटी रोड जीटी रोड का पुराना नाम क्या था ये तुम बताओ एक ऐसी सेकंड भी पूछ सकता है आपसे सेकंड हुआ है 1870 से सत्तर नहीं सॉरी अठारह से अस्सी हुआ था इस समय पर कौन था आपका क्या इस समय पर लिटिन था नहीं जी क्या बोलोगे क्या इस समय पर लिटिन था बोलेंगे मैं बोलूं नहीं जी तो मेरी बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे कि ये इस समय तो लिटिन नहीं था लिटिन का कार्यकाल क्या है लिटिन का कार्यकाल है अठारह से अस्सी जिस समय पर इसने बहुत सारी रोक लगाई तो सेकंड में ये था तो कभी भी आपसे पूछे रोक कैसे जैसे कि एक रोक बताओ भारतीय शस्त्रों पर रोक लगा दी इसने तो इसीलिए पूछा जाता है भारतीय शस्त्र अधिनियम किसके समय पर आया इसी के समय पर आया था और क्या क्या रोक लगाई थी इसने वर्णाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेके आया था अठारह में यही लेके आया था इसके किए हुए गंदे को साफ किसने किया ये नाम बता दो बस सड़क आजम एस एस सही उत्तर दिया आपने विनय शुक्ला जी सही उत्तर दिया है इसके किए है खराब को किसने सही किया रिपन ने 1880 से चौरासी क्या बोलोगे? 1880 से चौरासी तो रिपन से भी प्रश्न बनते हैं कि उसने 1882 में शस्त्र अधिनियम को खत्म किया वर्णाकुल प्रेस एक्ट को मित्र खत्म किया उसने और अठारह का कौन सा बिल बता रखा था मैंने आपको इलबर्ट बिल कि अंग्रेजों का मुकदमा भारतीय न्यायाधीश भी सुन पाएंगे इस बार परीक्षा में आना तय है सूची एक को सूची दो से मिलाइए डलहौजी को किसके लिए जानते हैं व्यपगत सिद्धांत डॉक्टर ऑफ लैप्स के लिए सती प्रथा का विरोध किसने किया किसके टाइम पर बोलो जी बैंटिक के टाइम पर राजा राम मोहन राय के प्रयासों से करजन ने बंगाल का विभाजन किया बंगाल विभाजन की डेट बता दो कब लागू हुआ घोषणा तो 20 जुलाई 1905 लेकिन लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 क्या ड्रॉबैक्स हुए उसके कौन उस समय पर कौन कौन पोस्ट पे था किसने सलाह दी थी फ्रेजर एंड्री फ्रेजर पुलिस आयोग के अध्यक्ष आदि सबका स्वदेशी आंदोलन इसी के बाद में शुरू हुआ सात अगस्त उन्नीस सौ कलकत्ता टाउन हॉल से तो क्या कहेंगे भाई साहब बताइए जरा डी ए बी सी ऑप्शन ए क्या बन जाएगा एकदम से ठीक हो जाएगा एकदम से सही निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है घटनाओं का अनुक्रम बताएं रोलट एक्ट 1919 में आया काला कानून था इसी की वजह से क्या हुआ सैफुद्दीन किचलू डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई भीड़ उनकी गिरफ्तारी के विरोध में गई जलिया हुआ तेरह अप्रैल उन्नीस को उपाधियां मिली जो पहले थी वो उपाधियां वापस हुई जांच के लिए हंटर कमीशन गठित हुआ उसमें आठ लोग थे आठ जो लोग जो गठित हुए हंटर कमीशन में उसमें भारतीय कितने थे ये तुमको बताना है गांधी समझौता मार्लियमेंटो सुधार उन्नीस सौ नौ एल्बर्ट बिल ये आगे अभी मैं पूछ रहा था अठारह सो तिरासी तो क्या बोलेंगे सही अनुक्रम क्या होगा तो घटा लीजिए चार हो जाएगा चार तीन एक दो हो जाएगा चार तीन एक दो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुक्रम का मतलब है कि घटने से बढ़ते क्रम की तरफ लगाइए निम्नलिखित आयोगों और समितियों में से किस एक की, की जांच के लिए की गई बहुत बढ़िया अरविंद कुमार जी ने कहा तीन भारतीय सदस्य थे तो क्या बोलोगे वो हल्टर समिति थी कितने सदस्य थे अभी मैंने बताया आठ सदस्य पांच अंग्रेज थे इसमें से और तीन थे इंडियन तो पूछा जाता तीन भारतीय कौन कौन से थे चिम्मन लाल सीतलवाड़ थे या पूछ लेगा तीनों के नाम दे देगा कह देगा कौन एक भारतीय नहीं था इंटर कमीशन में चिम्मन लाल सीतलवाड़ा साहबजादा सुल्तान क्या बोलोगे साहबजादा सुल्तान तीसरा नाम भी आप बताएंगे तीसरा नाम क्या आप बताएंगे जगत नारायण राव क्या बोलोगे जगत नारायण राव और जो कांग्रेस ने समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस ने भी तो जांच के लिए समिति बनाई पंडित मदन मोहन मालवीय क्या बोलोगे पंडित मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किसने अठारह ईस्वी के विद्रोह के विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी कि अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप होना चाहिए क्या कहेंगे जी कौन व्यक्ति है तो कौन है क्या बोलोगे सर सैयद अहमद खान जिनको मुस्लिम एजुकेशन के लिए भी जाना जाता है इन्होंने बनाया मोहम्मन एंग्लो एंग्लो या जिसको बोलते मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाया था ओरिएंटल मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल अठारह अलीगढ़ में अलीगढ़ आंदोलन के लिए भी इनको जाना जाता है आपसे कभी पूछा अलीगढ़ आंदोलन का संबंध किससे आप कहना शिक्षा से किसने चलाया अहमद खान ने और 1875 के इसी को बाद में क्या बनाया गया 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ में ए एम यू अहमद खान ने ये एक बुक लिखी एस एस सी की फेवरेट बुक है क्या द कोजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट द कोजेज भारतीय विद्रोह के कारण द कोजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट कोजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट कब लिखी थी 1873 में अपने स्कूल की स्थापना से दो वर्ष पहले 1873 बहुत बढ़िया सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए नाना साहेब नवाब हामिद अली खान मौलवी अहमदुल्ला या फिर मनी दीवान क्या पूछा गया है सुमेलित करना नाना साहब कहां से थे कानपुर से ठीक है जी मौलवी अहमदुल्लाह कहाँ से थे और नवाब हामिद अली खान कहाँ से थे ये बड़ा प्रश्न हो गया तो क्या बोलेंगे भैया नहीं कुछ और क्या प्रश्न में सूची एक को सूची दो के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए क्रांतिकारियों के नाम और स्थान के नाम दे रखे हैं एकदम से ठीक है ये तो क्या बोलेंगे भैया नाना साहेब कानपुर से अच्छा हामिद अली खान नवाब दिल्ली से हो गए मौलवा अहमदुल्लाह कहां से थे भैया ये तो लखनऊ से हो गए और आपका मनी दीवान असम से हो गए ठीक है असम से हो गए तो क्या बन जाएगा दो एक तीन चार दो एक तीन चार ऑप्शन डी सही हो जाएगा ऑप्शन एकदम सही हो जाए बख्त खां और कहां थे बताना जरा बख्त खां जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में थे बाद में बहादुर शाह जफर के पास में आ गए दिल्ली से दिल्ली से हैं ठीक है बाबा कदम सिंह गुजर कहां से थे जरा बताएंगे बाबा कदम सिंह गुर्जर बाबा कदम सिंह गुर्जर कहां से थे कदम सिंह गुर्जर बाबा सहमल जाट कहां से थे बाबा सहमल जाट कहां से थे तो क्या बोलेंगे बाबा कदम सिंह गुजर कहां से थे मेरठ से थे और बाबा सहमल जाट ये कहां से थे आपका जो बड़ौत वाला क्षेत्र है बागपत हम लिख सकते हैं बड़ौत लिख सकते हैं बड़ौत ही बागपत बड़ौत ज्यादा अच्छा है भी इसमें आप लिख सकते हैं अच्छा बिहार आरा से कौन थे बिहार आरा से कौन थे क्या बोलोगे कुंवर जगदीश कुमार कुंवर जगदीश कुमार कुंवर जगदीश कुमार थे ठीक है कुंवर जगदीश कुमार सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए मोपला विद्रोह पावना विद्रोह एका आंदोलन और बिरसा मुंडा विद्रोह अच्छा आगे दे रखिए सूची किस राज्य में हुए हैं किस राज्य में बोले जी मोपला विद्रोह केरल का ही है मैंने आपको बताया 1921 का लगभग पचास हजार हिंदू कत्ल इसमें हुआ टारगेटेड करके अली मुसलियार ने वहां के उस समय के इसको कृषक बाद में सरकारों ने इसको कृषक बोल दिया गया कि एक किसान विद्रोह था लेकिन एनी बेसेंट और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इसके बारे में बहुत लिखा है आ, एनी बेसेंट ने तो ये तक तो लिखा कि मैंने देखा कि एक महिला जिसकी आठ महीने के लगभग का गर्भ का बच्चा रहा होगा उसके गर्भ जब उसके पेट को काट दिया गया तो उसके गर्भ से निकलते हुए बच्चे तक को भी काट दिया गया ऐसी मार्मिक स्थिति वहां पर रही ठीक है और लगभग एक छिपा हुआ अध्याय है बहुत सारे छात्र वर्ग उसके बारे में नहीं जानता है क्या बोलेंगे मोपला विद्रोह 1921 का केरल का है विद्रोह पाबना विद्रोह पाबना की बात करें भैया का है विद्रोह बंगाल का है। एका आपका कहां का एका का है है आपका अवध और बिरसा मुंडा ये बिहार का यानी झारखंड वाले क्षेत्र का तब क्योंकि झारखंड था नहीं झारखंड तो आपका बाद में बना ना सीजे छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड ये तो सन 2000 में बने पहले तो क्या था बिहार ही था तो क्या बोलेंगे इसको हम और क्या कह सकते हैं आपका पावना विद्रोह की अगर हम बात करें पावना कब का 1870 का है मोपला 1921 हो गया एका की अगर बात करें का का क्षेत्र में हुआ था बिरसा मुंडा की बात करें अठारह का बहुत पूछा जाता है आदिवासियों में बहुत पॉपुलरिटी आदिवासी नेता थे बिरसा मुंडा बहुत सम्मान है इनका निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा वुड का एजुकेशन डिस्पैच कब आया जिसको भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं अठारह सो चौवन में आया मैकाले का मिनट मैकाले ने जो अपना अंग्रेजी शिक्षा को थोपा भारत पर तो मैकाले के पत्र का नाम भी पूछा जाता है क्या नाम है मिनट नाम है कब का है एटीन थर्टी फाइव का है द सार्जेंट सार्जेंट जो एक्ट आया था रिपोर्ट ये उन्नीस सौ चवालीस की है आजादी से एक दिन एक वर्ष पहले की इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन अठारह सो बयासी का है तो क्रम बताएं भैया क्या हो जाएगा सबसे पहले कौन आ जाएगा दो फिर क्या आएगा दोस्त आपका एक चार और तीन दो एक चार तीन ऑप्शन ए एक एकदम से सही हो जाएगा ऑप्शन ए एक एकदम से सही हो जाएगा किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कई बार जिक्र किया मैंने आपसे आज आप सब लोगों को उत्तर देखना चाहूंगा विश्वविद्यालय का नाम भी कितने बच्चे बता सकते हैं पांच लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया आइंस्टीन अपना फोटो कराने आए इनके साथ में इतने प्रभावित हुए आइंस्टीन ने कहा कि मैं भारतीय धरती पर धोंदो केशव कर्वी जी के साथ में एक फोटो लेना चाहता हूं एक परिचर्चा चाहता हूं पांच लड़कियों शुरू किया आज एस एन डी टी मुंबई के विद्यालय में सत्तर हजार लड़कियां शुरू होती हैं सही चीज तुमको कभी शुरू करनी हो और दुनिया में लाख लोग तुमसे ये कह दे कि तुम गलत कर रहे हो लेकिन यू नो तवेज राइट तुम जानते हो ये सही चीज है उसी से दुष्ट परिवर्तन आता है कभी मत घबराना तुम किसी सही चीज को करने में अगर तुम जानते हो कि ये चीज सही है तो वो करनी है तो करनी है किसी सामाजिक दबाव या किसी अन्य दबाव की वजह से आप ना करें तो फिर बदलाव नहीं होते तो धुंधे के शव करवे क्या बोलोगे विधवा व्यवस्था के लिए काम किया लोगों का क्या काम है लोगों के ऊपर थोपी गई मानसिकता है बोले विधवा को गंजे हो जाना है विधवा के बाल काट लेने हैं इन्होंने शादी की विधवा से बोले मैं नहीं कटवाता अपनी पत्नी के बाल बताओ लोगों ने बोला ध्न्दो के सब करवे का बहिष्कार बोला बोला कर दो बहिष्कार क्या करोगे बहिष्कार करके यहाँ जा नहीं जाएंगे कहीं और जाकर रह लेंगे कहीं और नहीं जाएंगे सामर्थ्य होना चाहिए कहीं और जाकर रह लेंगे तो क्या बोलेंगे डी के करवे और इनको दोस्त भारत रत्न मैंने कई बार बताया कौन से जन्मदिन पर जरा बताना इनके सौवे जन्मदिन पर इतने महान कार्य के लिए क्या बोलेंगे उन्नीस में क्योंकि अठारह में तो इनका जन्म हुआ था बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है ग्रेट पर्सनैलिटी कौन सा विश्वविद्यालय था एस एन डी टी श्री नाथी बाई ठाकर सी आगे आएंगे बहुत बढ़िया आशीष कनौजिया जी बहुत ठीक उत्तर आपने दिया था आगे आएंगे गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में प्रकाशित किया गया बंबई आज मुंबई से अहमदाबाद से पुणे से या फिर आपका नासिक से बताओ जी बोलो जी कहां से शुरू किया गया पुणे 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 ठीक है हरिजन पत्रिका जानते ना कब शुरू की गई 1932 के फैसले के बाद अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है नहीं यहां पर करने की जरूरत ही नहीं है उसको आगे आएगा प्रश्न मैंने रखा था आपके लिए निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था स्वराज्य के लिए किसने प्रयास किया एनी बेसेंट एव माइकल मधुसूदन दत्त या आर पाम दत्त कौन है आपका एनी बेसेंट एनी बेसेंट जी के बारे में जानते हैं कौन सा लीग चलाया इन्होंने एक तो मुझे बताओ, थियोसोफिकल सोसाइटी से एक अब जुड़ी अठारह में, में जुड़ी 1907 तो में अध्यक्ष बन गई थी थियोफिकल सोसाइटी की ठीक है एक तो इससे संबंध है इनका एक भारत में इन्होंने कौन सा स्कूल बनाया था ये बताओ स्कूल क्या कॉलेज था सेंट्रल हिंदू कॉलेज किस वर्ष बना था सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में और यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज फिर क्या बन गया था बी एच यू मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ठीक है और एक किससे जुड़ी हुई थी ये होम रूल आंदोलन से होम रूल आंदोलन इन्होंने चलाया था आपका सितंबर 1916 में और तिलक साहब ने चला दिया था अप्रैल 1916 में फिर बाद में दोनों मर्ज हो गए थे एक साथ कोई दिक्कत आगे आएंगे राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित दो हो गया था इसमें हमने एक कर दिया था दो एक चार तीन अरे ठीक तो है यार कुछ भी लिखते हो बोलो जी राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी बोलेंगे जी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था ब्रह्म समाज अठारह ये पहली संस्था है वाह वाह में लगे हुए हो पहले उत्तर का ठीक नहीं दे रहे हो कोई डी दे रहा है कोई सी दे रहा है आत्मीय सभा आठ में तो क्या बोलोगे पहली सभा उनके द्वारा स्थापित की गई है आत्मीय सभा ठीक है तत्बोधिनी सभा ये देवेंद्र नाथ ठाकुर जी की है देवेंद्र नाथ ठाकुर जी की है अब सीधे खत्म करके सुनाएंगे एक ठीक है खत्म करके 170 पर प्रार्थना समाज बताओ एक बार 10 मिनट और लगेंगे क्लास में बस प्रार्थना समाज बताओ कब का 1867 का आप बस बताते रहो वर्ष बता दो कौन है एमजी रानाडे हैं आत्माराम पांडुरंग हैं आरजी भंडारकर हैं साथ देंगे साथ देंगे भैया उत्तर देने में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई बताना जरा 1897 किसने की यह बता दो स्वामी विवेकानंद ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई कहां पर हुई ये सब इम्पोर्टेंट है सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र का था क्या बोलोगे 1873 ज्योतिबा फूले सोचो ज्योतिबा फूले जी के बारे में क्या जानते हो यही बेहतरीन तरीका है क्या बोलोगे मराठी में लिखी थी कौन सी पुस्तक जरा बताना गुलामगिरी भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ नारी आंदोलन ठीक है दस क्वेश्चन दस मिनट बात सुनते हैं दस मिनट में और कर लेंगे नारी आंदोलन किसकी वजह से पद्मावती राणा पद्माबाई राणा डे एनी बेसेंट सरोजनी नायडू या फिर आपका ज्योतिबा फूले तो नारी आंदोलन के लिए किसको बोलोगे ज्योतिबा फूले को जानोगे 1848 में जो अठारह में फिर बैथून स्कूल के नाम से जाना गया किसने शुरुआत की इन्होंने ही शुरुआत की बैथून स्कूल के नाम से सरोजनी नायडू किस वर्ष में कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी ये 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष है ये 1925 में प्रथम भारतीय अध्यक्ष सौ 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज्य सभा रख लिया गांधी जी इतने करवाए मैंने तुम्हें हर <laughs> क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेठ वर्षीय प्रैक्टिस सेट कई महीने तक बताए गांधी जी बोलो जी स्वराज्य सभा रख लिया ऑल इंडिया रूल लीग हिंदू महासभा साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तो क्या बोलेंगे कौन था ऑल इंडिया रूल लीग बताना कौन दो लोग थे जिन्होंने रूल लीग चलाया था ये बता दो बस अभी तो मैंने एक नाम लिया ही था अप्रैल 1916 में होम रूल लीग किसने चलाया था पुणे से क्या बोलोगे तिलक जी ने चलाया था बाल गंगाधर तिलक जी ने और एक चलाया एनी बेसेंट ने सूची एक को सूची दो के साथ मिलाइए सुरेंद्रनाथ बनर्जी मोहनदास करमचंद गांधी और सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस बताएं जी सुरेंद्रनाथ बनर्जी किसके लिए जाने जाएंगे ए नेशन इज मेकिंग ए नेशन इज मेकिंग मोहनदास करमचंद गांधी जी की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा हिंद स्वराज और हिंदू स्वराज को एसएससी क्या देगा इंडियन स्ट्रगल याद रख लेना लेकिन यहां सॉरी इंडियन स्ट्रगल बोल रहे सॉरी इंडियन होम रूल इंडियन स्ट्रगल वहां दिख रहा है सुभाष चंद्र बोस जी की द इंडियन स्ट्रगल और लाला राजपत राय जी की ऑटोबायोग्राफिक राइटिंग्स ठीक है तो क्या बन जाएगा मित्र तो बताएंगे चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन ठीक है ऑप्शन सी एकदम से सही है आए जी निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा गजब से उत्तर दे दो अगस्त प्रताप गबका जी 1940 का भारतीय जो इंडियन नेशनल आर्मी थी आजाद हिंद फौज इस पर मुकदमा 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सब जानते हो ना अच्छा ये बताना बूढ़ी गांधी कौन है जब समझूंगा कि उत्तर बता सकते हो कुछ भी आ, भारत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अंग्रेजों को अंग्रेजों को भारत छोड़ना पीछे पड़ा उसके पीछे रॉयल इंडियन नेवल विद्रोह बहुत बड़ा है एक तीन दो चार एक तीन दो चार एक तीन दो चार ऑप्शन एकदम से ठीक है एकदम से ठीक है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं कौन सा जोड़ा सही है मातंगनी हजारा शुभम यादव जी बहुत गजब उत्तर जिन बच्चों ने लिखा मातंगनी हजारा बहुत शानदार है क्योंकि बासठ वर्ष की अवस्था में आपका ऐसोग सॉरी भारत छोड़ा आंदोलन से जुड़ गई थी अरुणा आसफली वाले सब गलत है पिटो के बेटा तुम जब मैंने कहा था ना पढ़ लो अब से दस महीने आठ महीने पहले परिश्रम बैच डेढ़ साल पहले से प्रैक्टिस सेट कर शुरू करे छह महीने पहले तब इतना बोलाना भाई इतना प्रयास किया जीवन के बारे में समझाने का क्यों मेहनत करनी है पढ़ना है नहीं अब भी जाग जाओ अब भी समय है अभी भी सेलेक्ट होने की कारगर स्थिति में हो ये नहीं ये नहीं तो कोई और सही सेलेक्ट तो होना ही होगा पूछे कुछ तो करेंगे कुछ सर गांधी जी की बकरी का क्या नाम था वो जो तुम्हारा नाम है वही गांधी जी की बकरी का नाम था और गांधी जी की बकरी तुम्हारे जैसी ही लगती थी देखने में भी जब मैं गया था गांधी जी से मिलने तब मैंने देखी थी वहां बकरी बोलती भी ऐसे ही थी बिल्कुल जैसे तुम बोल रही हो तुम बोल रही हो या बोल रहे हो ये पता नहीं मुझे <laughs> जो कोई भी हो और अगर बोल रहे हो तो ये समझो गांधी जी की बकरी ऐसे बोलती थी जैसे कोई बोलता था <laughs> निम्नलिखित युग्मों में से देखो जब कभी कठिन प्रश्न आए ना तो उस पर कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करनी है। कि आयोग ने ये क्यों पूछ लिया आयोग ने वो क्यों पूछ लिया सही है वो सबके लिए अननोन है उससे सिलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता सौ प्रश्न आपकी परीक्षा में आए, जिनमें से करने लायक प्रश्न सत्तर थे तीस प्रश्न इतने कठिन थे कोई इनको नहीं कर पाएगा तो अभी आधार रह जाता है कि प्रश्न अब सत्तर में से अब आपकी जो मार्किंग है वो सत्तर में से है लेकिन इसमें से सच में करने लायक नब्बे थे और आप सत्तर कर पाए तो आपकी गलती है योग की गलती नहीं है समझ रहे ये सिर्फ आपको जैसे आप लिखें गांधी जी ने धोती पहनना शुरू कब किया तो यह सिर्फ यह दर्शाता है कि आप विकसित नहीं हुए समय के साथ में सिर्फ इतना भर मात्र है और कुछ नहीं है जो बच्चा शांति से सुन रहा होगा मैसेज को हाँ यह तो सही बात है कोई अर्थ नहीं होता कठिन प्रश्न का वो मार्किंग से बाहर हो जाता वो बौद्धिक बच्चा है वो जीवन कुछ कर जाए गजब लेकिन तुम अगर गांधी जी की लंगोटी के चक्कर में ज्यादा रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे <laughs> एक बच्चे ने कह दिया गांधी जी की लंगोटी कह रहे हमारे नवीन सर ने कराया गांधी जी की लंगोटी का प्रश्न नवीन सर ने कराया गांधी जी की लंगोटी का प्रश्न कोई आठ महीने पहले तेजस सीरीज में पूछ रहा वो पैट में बच्चा क्यों देखेगा भैया तेजस सीरीज को तुम्हारे नवीन सर की क्लास पैट बच्चे किसी ने बोल दिया था या तो नवीन सर ये कहते कि तेजस देख के जाओ तो अच्छा है जो तो नवीन सर ने ये बोल देते कि पैट के लिए तेज से देख के जाओ और आ जाता तब तो माने भी बात ऐसा थोड़ी होता है ये कठिन प्रश्न होते हैं हमको छोड़ के ही चलने होते हैं हर परीक्षा में ऐसा नहीं है कि यहाँ गांधी जी का पूछ लिया हर अभी दिल्ली पुलिस देने जाओगे पता चलेगा कितने नए क्वेश्चन हर परीक्षा में आएगा नया क्वेश्चन उसको एक्सेप्ट करना होगा है ना बात यह है कि जो करने लायक था वो करा या नहीं करा सौ में से आयोग इतने प्रश्न रख सकता है कि साठ परसेंट की कोई कर ही ना पाए रख सकता है या नहीं हाँ या ना बिल्कुल रख सकता है भैया बहुत कठिन लेवल के क्वेश्चन जीएस के पचास क्वेश्चन को स्टेटमेंट बना के रख दे और कठिन प्रश्न रख दे पचास तो वहां जीरो हो जाएंगे दस कंप्यूटर के रख दे स्टेटमेंट बना के तो मेरिट सौ में से नहीं है मेरिट फिर चालीस से बनेगी ये सोच लेना तो उसके लिए चिंता नहीं करनी है समझ रहे हो इतनी सी बात है तो इतने बौद्धिक तो हो जाओ उसका शोर नहीं मचाना है कि यह कठिन आए सबके लिए आता है कठिन आसान आएगा सबके लिए आएगा <laughs> क्यों परेशान होते हो चंपारण से राजेंद्र प्रसाद जी जुड़े रहे या नहीं क्योंकि चंपारण बिहार की भूमि चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ यह बताओ ईयर क्या है चंपारण का अहमदाबाद मिल मजदूर ये कब का है 1917 अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 खेड़ा 1918 अहमदाबाद से मोरारजी देसाई कोई मतलब नहीं अनुसुईया बेन का मतलब था ये जुड़े रहे खेड़ा से बल्लभ भाई पटेल भी यहां कर गांधी जी से मिले एक और तीन ठीक हो जाएगा एक और तीन एक और तीन ठीक हो जाएगा ठीक है आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था उदयगिरी रायपुर पोचमपल्ली ये पहला गांव है जो दान दिया गया था क्या बोलोगे ये पहला गांव है 18 अप्रैल 1951 से शुरू हुआ भूदान आंदोलन भावे कहते हैं कि देश में जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है प्लीज ऐसे लोगों को जमीन दीजिए जिनके पास विचारों के पास जीवन नहीं है यार तुम इंसान हो दे दो तो लोगों ने सच में दान दिया जमीन का हर किसी को ऐसे लालच नहीं होता जैसे हम कहते हैं ना पूरी दुनिया में सब खराब लोग हैं दुनिया में बहुत बेहतरीन बेहतरीन लोग हैं आपको दिखते नहीं है आप खराब के पीछे भागते हो क्या बोलेंगे आपका 18 अप्रैल उन्नीस नेक्स्ट जी. गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था और स्टेटिक से से विनोबा भावे जी को ही मिला है गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था ए एन सिन्हा ब्रजकिशोर प्रसाद जेबी कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे ए एन सिन्हा ब्रजकिशोर प्रसाद थे तो ठीक है जेबी करपलानी होगी जेबी करपलानी कौन है ये पेशे से शिक्षक थे 1946 से सैतालीस तक ये आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये एक आपका अध्यक्ष भी थे ठीक है और ये कब मिले थे गांधी जी से 1917 के चंपारण किरण जानते हो ना गांधी जी के आंदोलन का 1917 चंपारण तीन कठिया प्रणाली को खत्म करने के लिए नील की खेती को खत्म करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था 1918 फिर अहमदाबाद मिल मजदूर मिल मजदूर मांग रहे थे आपका बोनस 50 परसेंट कंपनी दे रही थी उनको कितना बोलो कंपनी उनको कितना प्रतिशत दे रही थी आपका मतलब उन्होंने वादा किया था पचास तो वो पचास मांगने लगे लेकिन उन्होंने बीस देने की बात की गांधी जी ने पैंतीस परसेंट पर सेटलमेंट कराया अनुसुईया बेन ने उनको बुलाया 1918 में खेड़ा हुआ किसानों के लिए 1920 असहयोग आंदोलन हुआ कभी गलती नहीं करनी है ठीक है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था क्रिप्स मिशन कब आया 1942 आप समझ आप गए क्यों आया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में अभी मैंने बोला लिखकों की घोषणा के अनुसार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका भारतीयों के सहायता प्राप्त करने के लिए तो चर्चिल ने भेजा चैम्बरलेन ने स्टेनली बाल्डविन ने या फिर रेमजे मैकडोनल्ड ने तो रेमजे मैकडोनल्ड तो है ही नहीं है तो उन्नीस है विंस्टन चर्चिल ने रेमजे मैकडोनल्ड याद है आप लोगों को गोलमेज सम्मेलन के समय कौन है गोलमेज सम्मेलन किसके समय पर हुए तीनों बताएंगे गोलमेज सम्मेलन कितने गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 1931, सौ उन्नीस तीनों में कौन कौन गए आर एम जयकर तेज प्रताप सप्रू बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तीनों में गए कांग्रेस सिर्फ किसने में गई कांग्रेस सिर्फ दूसरे में गई इसमें गई थे कांग्रेस की तरफ से गांधी जी क्योंकि इरविन ने भेजा था इरविन ने इरविन ने क्यों भेजा था क्योंकि वो वेब मिलर की फोटोग्राफी मैंने बताया था आपको वेब मिलर ने क्या किया था वेब मिलर याद है ना दांडी के समय कौन है आपका वेब मिलर फोटोग्राफी करता है गांधी जी ने तो स्टेटमेंट दे रखा था लोगों को कि अंग्रेज कितनी भी लाठी हमारे आपको कोई विरोध नहीं करना है जान भी देनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं तो घायल हो जाते लोग उनको उठा के ले जाते वेब मिलर ने खींच लिए फोटो इंटरनेशनल मीडिया में भेज दिए लोगों ने कहा ब्रिटेन के शासक तुम क्या कर रहे हो ये भारतीयों के साथ ऐसे शासन होता है क्या अब जो ब्रिटेन के विरोधी लोग थे उन्होंने बड़ी इसमें भूमिका निभाई तो अंग्रेजी शासन पर एक दबाव आया दबाव आया तो इरविन को बोला गया इरविन गांधी को मनाओ गोलमेज सम्मेलन में लाओ सब गांधी जी गए गोलमेज में कांग्रेस ने भी भाग लिया ठीक है कोई दिक्कत अच्छा 1942 में कौन था आपका बताएं कैमरामैन जल्दी से फोकस करो क्या 1942 में कौन था भारत छोड़ो आंदोलन में तो क्या बोलेंगे आपका विंस्टन चर्चिल और इससे एक बार वह याद रखना रेमजे मैकडोनल्ड से सोलह अगस्त उन्नीस को क्या हुआ था देश में यह बताऊ क्यों प्रसिद्ध है या मैं बोलू चौबीस अगस्त उन्नीस सौ बत्तीस को क्या हुआ था सोलह अगस्त उन्नीस सौ बत्तीस को आया सांप्रदायिक पंचांट कम्युनल अवार्ड दो वोट का अधिकार किसने रेमजे मैकडोनल्ड ने जारी कर दिया था इसके बारे में सारी बात मैंने बताई थी दो वोट का अधिकार से मतलब था जैसे आज आप वोट देने जाते हो तो आप कितनी वोट डालते हो किसी एक कैंडिडेट या ज्यादा कैंडिडेट एक वोट डालते हो ना इसने बोला कि रिजर्व सीटें होंगी और रिजर्व सीटें जो होंगी एस सी के लिए उसमें सिर्फ एस सी के लोग ही वोट कर सकते हैं बाकी जातियों को वोट का अधिकार नहीं होगा और जब जनरल इलेक्शन होंगे उसमें उनको वो वोट का अधिकार भी होगा यानी दो वोट दे दी यानी एस सी में गांधी जी ने कहा ये तो ठीक बात नहीं वोट सब लोग करेंगे रिजर्वड सीटों की संख्या बढ़ा लो तो कम्युनल अवार्ड जो था इसका विरोध गांधी जी ने कर दिया क्या बोलोगे कम्युनल अवार्ड का विरोध गांधी जी ने कर दिया और धरने पर बैठ गए कहां पर यवदा जेल में तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को फिर झुकना पड़ा इनके सामने तो यहां पर क्या बोलेंगे यहां पर कौन सा पूना पैक्ट हुआ था जिसको पूना समझौता कहते हैं किस, किस के बीच हुआ था बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में और आपका गांधी जी के बीच में इन दोनों के बीच हुआ ठीक है नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पिछहत्तर छिहत्तर इकहत्तर या फिर बहत्तर तो पहला हुआ कहाँ ये बोलो दूसरा कहां हुआ तीसरा कहा हुआ चौथा कहा हुआ पहला हुआ याद है आप लोगों को बहत्तर पहले में बहत्तर दूसरे में आपका चार थे चार सॉरी बहत्तर चार तीसरे में 607 और चौथे में बारह पहला कहाँ पर हुआ बम्बई दूसरा कलकत्ता तीसरा मद्रास चौथा इलाहाबाद पहले में अध्यक्ष कौन थे व्योमेश चंद्र बनर्जी दूसरे में कौन बने आपका दादा भाई नेहरू जी तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी और चौथे में पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल बना जॉर्ज यूल बना बताएंगे एक बार 1908 में छह वर्ष के इन चीजों को बताने की जरूरत तो नहीं कि कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ तब आपके राज बिहारी अध्यक्ष थे 1916 में कांग्रेस एक हो गई भाई तीस तीस बार बोल चुका हूं मैं तुमसे कम से कम तीस तीस बार ऐसी <laughs> मजूमदार थे राष्ट्रगान कब गाया गया या कोई आपका उन्नीस का अधिवेशन उन्नीस सौ के अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस जी जब अध्यक्ष बने कर दो भाई थम सप एक बार बोलो भैया पढ़े हो तो करना नहीं पढ़े हो तो मत करना नहीं पढ़ाई हो तो जबरन कुछ चीज है नहीं जबरन थम सब करो दम के साथ होता वो 1908 में छह वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी 1908 में कौन गए भैया बाल गंगाधर तिलक कहाँ गए बाल गंगाधर तिलक बोलना जरा बाल गंगाधर तिलक गए मान लोगे इस बात को मेरी को हाँ जी कहा मांडले जेल में जहां पर गीता रहस्य पुस्तक लिखी क्योंकि क्योंकि 1908 में क्या हुआ था किंग्सफोर्ड पर बम मामला हुआ प्रफुल चाकी और खुदराम बोस ने बम फेंका और तारीफ की उनकी इन्होंने कहा उन्होंने ठीक किया है तो अंग्रेज सरकार ने धर लिया एकदम बोला अच्छा इधर को आ जाओ जी मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास सेम घटना उसी वर्ष की उन्नीस कौन कौन व्यक्ति थे फुल चाकी क्या ये कामयाब हो गए थे इसमें किंग्सफोर्ड की हत्या करने चाहते थे किंग्सफोर्ड जो छोटे अपराधों के लिए भी भारतीयों को बड़ी सजा सुनाता था और खुदीराम बोस भारतीय इतिहास का और सैल्यूट करिए खुदीराम बोस को एक लड़का भारत माता के लिए परिवर्तन के लिए जान देने जा रहा है इसको बोलते जज्बा जान देने इससे बड़ी कोई चीज है कि, कि किसी अन्य के लिए स्वार्थ के लिए जान बहुत लोगों ने दे दी लेकिन परमार्थ के लिए भारत माता के लिए जान जो हमारे सैनिक देते हैं ये सैल्यूटेबल है कितनी ताकत चाहिए इस चीज के लिए आपको क्या है गुरुजी मैथ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी मैथ में सात आठ क्वेश्चन ही हो पाते हैं कौन सीखेगा सोचो एक आदमी ने परमार्थ में यानी कि खुद के खुद के लिए भी नहीं भारत माता के लिए जान दे दी कितना साहस कितनी ताकत लगी होगी क्या मैथ सीखना इससे भी ज्यादा कठिन है बोलेंगे जी एक कह रहा है जी जी नहीं जी, उसका हाथी मारा गया बेटा हाथी मारा गया है जब दिल्ली में हमला हुआ है हार्डिंग पर जम फेंका गया ये किंग्स फोर्ड है <laughs> किंग्स फोर्ड पर जब हमला हुआ तो ये नहीं मारा गया इसकी पत्नी थी आपका और उसकी बेटी थी वो घायल हुए किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया सचिंद्र सान्याल ने एच बनाया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर में लेकिन यह संगठन जब बड़ा हो गया और अंग्रेजी शासक के निशाने पर इसके ऑफिस आ गए तो नाम बदल दिया गया सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया आजाद जी के द्वारा भगत सिंह जी के द्वारा भगत सिंह जी ने इसमें जोड़ी थी नौजवान सभा नौजवान सभा एच आर ए मिलकर के दोनों बन गए थे आपका क्या एच एस आर ए अब मुझे ये बताइए नौजवान सभा का गठन कब हुआ था 1926 में और एच एस आर ए कहां पर बना था तो पंजाब में बना एच एस आर ए बना आपका क्या बोलोगे फ़रोज़ा शाह कोटला फ़रोज़ा शाह कोटला को हम अब क्या बोलते हैं इस मैदान को फरोजा शाह कोटला मैदान को एच आर ए उन्नीस सौ चौबीस कानपुर में बना था ये दोनों मर्ज होके बन गए एच एस आर ए तो क्या पूछा है राज बिहारी बोस ने यह किया बटुकेश्वर दत्त ने ये किया यह सरदार भगत सिंह ने यह किया चंद्रशेखर आजाद ये लीडर थे चंद्रशेखर आजाद इन्होंने किया चंद्रशेखर आजाद बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था कि अंग्रेजों की चीजों का बहिष्कार कीजिए अरविंद घोष ने कृष्ण कुमार मित्र ने क्या बोलोगे कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी मैगजीन संजीवनी में अपनी मैगजीन इनकी अपनी मैगजीन थी संजीवनी अपनी मैगजीन संजीवनी में यह दिया और क्यों कब दिया था यह स्वदेशी आंदोलन की डेट क्या है बताना बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ मैंने आपको बताया स्वदेशी आंदोलन और कब शुरू हुआ था सात अगस्त 1905 को 1905 को किस हॉल से शुरू हुआ था टाउन हॉल और टाउन हॉल कहां पर स्थित है जिसमें हर चीज त्यागी गई अंग्रेजों की टाउन हॉल कहां पर है कलकत्ता में है रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था कि ये जो रोलर एक्ट है 1919 का काला कानून ना वकील ना दलील ना अपील इसको अगर खत्म करना तो कोई भी किसान लगान ना दे ये किसने दिया स्वामी श्रद्धानंद ने क्या बोलोगे स्वामी श्रद्धानंद ने ये प्रश्न तो मैंने आपको कराया हुआ है सेम किस क्षेत्र में राहुल सांक्रातायन उन्नीस के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे राहुल सांक्रातायन एक लेखक हैं हिंदी भाषा पढ़ने वाले छात्र जानते होंगे इन्होंने घूमने के ऊपर बहुत लिखा है घूमने को प्रायोरिटी देते हैं हमारे अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा शायद आपने अगर हिंदी मीडियम से आप पढ़े हैं तो कक्षाओं में पढ़ा भी होगा पहले घुमक्कड़ी परमो धर्म इन्हीं का है तो छपरा से दिल्ली से लखनऊ से या पटना से छपरा छपरा बिहार से ठीक है छह महीने जेल में भी रहे थे ऐसे योग आंदोलन उन्नीस गांधी जी का वादा क्या था एक, में, एक में स्वराज दिलाएंगे और उसका जो अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में उसको पारित किया गया लेकिन मुख्य अधिवेशन क्या बोलोगे वो नागपुर है ठीक है 1920 का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके प्रश्न पर असफल रहा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व डोमिनियन स्टेटस प्रदान करना सत्या सत्ता हस्तांतरण की तिथि यह सविने अवज्ञा आंदोलन तो मैंने क्या बोला था अभी सांप्रदायिक पंचांट आया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय इसी को लेकर के तो विराध विवाद सारा पैदा हो गया इसी को लेकर के तो गांधी जी ने विरोध कर दिया बाबा साहेब अंबेडकर का फिर उनको भी मानना पड़ा लेकिन आरक्षित सीटें फिर बढ़ा दी गई रिजर्व सीटें फिर बढ़ा दी गई इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रास बिहारी घोष भाई पटेल लक्ष्मी स्वामीनाथन या सुभाष चंद्र बोस कौन करेंगे जी सुभाष चंद्र बोस ही करेंगे 1943 में स्थापना हुई थी इसकी ठीक है आजाद हिंद फौज की तभी ये बना लक्ष्मीबाई रेजिमेंट हाँ लक्ष्मी आई रेजियंट जो है इसको लक्ष्मी स्वामीनाथन नीड करती थी लक्ष्मी स्वामीनाथन कभी कभी स्लिप हो जाता देर में ध्यान आता लक्ष्मी स्वामीनाथन कौन करती थी इसका नेतृत्व करती थी खुद इनको जिम्मेदारी बाद में मिली इन्होंने फिर गांधी जी को वहां सिंगापुर रेडियो से बोला राष्ट्रपिता ठीक है राष्ट्रपिता कहा था अच्छा मुझे बताएं कि ये सुभाष चंद्र बोस जी को देशनायक किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस जी को देशनायक किसने कहा क्या बोलोगे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था भैया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने उन्नीस सो सौ याद है ना हरिपुरा अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में बने थे त्रिपुरी एमपी में संकट आ गया थम्सअप कर दो त्रिपुरी का संकट जानते हो एमपी का क्या था गांधी जी इनके खिलाफ चुनाव लड़वाते हैं किनको चुनाव लड़वाते हैं बी पट्टा भी सीतारामैया को लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं उनको तेरह ही वोट मिलते हैं इनको पंद्रह सो अस्सी वोट मिलते हैं लेकिन फिर राष्ट्रीय कार कार्यकारिणी इनका विरोध करती है कांग्रेस की तो एक छोड़ देते हैं कांग्रेस को फिर उन्होंने बनाया था तो उन्नीस में फॉरवर्ड ब्लॉक उस पर भी बहुत जासूस लग गए इनकी कार्य को रोकने का प्रयास किया गया फिर ये देश से चले गए उन्नीस में इन्होंने फ्री इंडिया सेंटर चलाया सोचो एक आदमी देश के बारे में सोचता है बाहर बैठ के उन्नीस में फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी में स्थापित किया कि भारत कैसे आजाद हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसी भूमिकाएं बने कैसे आजाद फिंद फौज कमजोर करें या जर्मनी और जापान कैसे ब्रिटेन को कमजोर करें और कैसे फिर उसके बाद विद्रोह हो जैसे रॉयल नेवी जैसे विद्रोह इन सब की पटकथा लिखी गई ताकि उनको जाना ही पड़े महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी बोलेंगे भाई किसमें लिखी थी कौन सी महात्मा गांधी जी की आत्मकथा गांधी जी की सारी रचनाएं जानते हो कम से कम पंद्रह रचनाएं मैंने आपको लिखवा रखी है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये इन्होंने लिखी थी किस भाषा में गुजराती में इनके जो सचिव थे महादेव देसाई उन्होंने इसको अंग्रेजी में लिखा एक एक रचना का नाम लिखो सारे गांधी जी की एक एक रचना का नाम जैसे मैं ऑफ सेल्फ देखना चाहूंगा की टू हेल्थ बिल्कुल राजवीर जी एकदम ठीक लिखा है की टू हेल्थ हरिजन एक पत्रिका है मैं किताब का नाम पूछ रहा हूं पत्रिका और किताब किताब बड़ा रूप होता है बहुत बोलेंगे हिंद स्वराज बहुत अच्छा लिखा है एक बच्चे ने ऑल मैन आर ब्रदर ऑल मैन आर ब्रदर ये किसकी है ये भी इन्हीं की है किसकी किसकी है Green pamphet. Green pamphet किस है इन्हीं की है 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया ये रहा आपका हंसी के पात्र प्रश्न एसएससी इसको कई बार पूछ चुकी है कई बार एक बार नहीं ठीक है पैट ने उसको उठा लिया है बस इतना काम किया उन्नीस में क्या बोलते हैं? उन्नीस ये पूछा था पैट ने कि गांधी जी ने अपनी सिर मुंडवा लिया कब 1921 में वो भी सही मिलान में पूछ रखा था जरूरी थोड़ी है सही मिलान में बाकी तीन भी तो थे उसमें मिलान करने के लिए बाकी तीन का मिलान कर लेते गांधी जी की लंगोटी से क्या ले रहे थे गांधी जी की लंगोटी छोड़ देते वो सही मिलान के लिए था चार ऑप्शन में से एक <laughs> ठीक है क्या बोलेंगे भाई सही मिलान में अगर तीन आप लोग मिला सकते हैं चार तीन दो एक, एक तो कठिन हो तो कोई दिक्कत होती है क्या बताओ वो तो अपने आप ही मिल जाएगा <laughs> क्या बोलेंगे दक्षिण भारत भ्रमण के दौरान था 22 सितंबर 1921 की बात है कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला बोला पढ़े लिखे लोगों का एक मेला है कांग्रेस बोलेंगे हाँ ये तो सही बात है अगर बाकी भी तीन कठिन हो जाएं तो फिर तो दिक्कत है भाई <laughs> फिर तो मिल ही नहीं पाएगा सीधी सी बात है शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला किसने कह दिया कांग्रेस को लालू राजपत राय बाल गंगाधर तिलक गोपाल लालू राजपत राय जी ने कहा बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था बताएंगे इन्होंने कहा था एक वर्ष में हाँ एक वर्ष में बार बार तुम मिलते हो और मेंढक की तरह टर्राते हो टर टर इससे कुछ नहीं होगा मेंढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा गोपाल कृष्ण गोखले कुछ नहीं कहते हाँ एक डफरिन का कथन है डफरिन का डफरिन ने कहा था मुट्ठी भर अल्पसंख्यक लोग मुट्ठी भर अल्पसंख्यक लोग मतलब बहुत कम है ये संख्या में अल्पसंख्यक लोगों का समूह डफरिन ने कहा है जैसे एक आपका अश्विनी कुमार दत्त हुए अश्विनी कुमार ने क्या कहा था तीन दिन का तमाशा बोले कांग्रेस की जो मीटिंग है तीन दिन का तमाशा है क्योंकि शुरुआत में बहुत नरम दल वाले लोग थे कुछ कहते नहीं थे अंग्रेज जैसे कहते वैसे ठीक है बाबूजी ऐसे कर लेना विपिन कुमार विपिन कुमार विपिन चंद्रपाल विपिन चंद्र जो थे विपिन चंद्रपाल इन्होंने बोला था ये एक याचना संस्था थी याचना संस्था याचना संस्था मतलब भीख मांगने वाली संस्था कह दिया इनको बंकिम चंद्र चटर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के जो लोग हैं ना ये सिर्फ पदों के भूखे हैं और कुछ नहीं 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे उन्नीस में दीपावली के दिन भागे थे और अब भी दीपावली आ रही है फिर से तुम मत भाग जाना 1942 बताइए भारत छोड़ो आंदोलन जिसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट कब से चला था तो क्विट इंडिया मूवमेंट चला है आपका 8 अगस्त 1942 से 8 अगस्त 1942 से खत्म 8 अगस्त 1942 से और किस मैदान से चला ये बताइए ग्वालियर टैंक मैदान से भैया चला किससे ग्वालियर टैंक मैदान से यहां पर कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था क्या बोलोगे कांग्रेस का जो फ्लैग था भारतीय झंडा नहीं कांग्रेस का झंडा किसने अरुणा आशफ अली ने अरुणा आशफ अली ने ठीक है अरुणा आशफ अली ने यह फहराया था गांधी जी को कहां पर गिरफ्तार करके रखा था इन्होंने इसी पर क्विट इंडिया मूवमेंट पर चली थी आपका आजाद सरकारें बन गई थी आज़ाद सरकार कहां कहां पर बन गई थी चित्तू पांडे के नेतृत्व में कहां पर बनी थी कहां पर बलिया लगभग दो महीने रही थी बहुत लोगों ने अपनी जान सतारा गवानी पड़ी थी यहां पर फिर अंग्रेजों का कंट्रोल हो ही गया था एक तमलुक था तमलुक पश्चिम बंगाल में तमलुक इन तीन जगह पर सरकारें बनी क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद में बोलेंगे एक गांधी जी केरा पलवल से गिरफ्तार किया था अरे पलवल से वो दांडी मार्च जब जा रहे थे तब गिरफ्तार किया था मैं कह रहा हूँ गांधी जी को यहां गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया था उन्नीस में उनके लिए चलाया गया था ऑपरेशन जीरो और उनको आगा खां पैलेस में रखा गया किसमें आगा खां आगा खां पैलेस में उनको रखा गया था आगा खां पैलेस में ठीक है आगा खां पैलेस में ये बात याद रखनी है बोलेंगे कोई दिक्कत कोई परेशानी बहुत बढ़िया अब सुनो अब तुम्हारी वाह वाह का जवाब दे देते हैं गजब से माहौल बनाओ पहले एक मुश्किलें मुश्किलें मुझको मिटाने पर तुली हैं मुश्किलें मुझको मिटाने पर तुली हैं और दरिया है दरिया समझते हैं ना नहीं समझते समुद्र ऐसे समझ लो को पार करने के लिए पानी कोई स्थल ऐसे समझ लो ना मुश्किलें मुझको मिटाने पर तुली हैं मुश्किलें मुझको मिटाने पर तुली हैं एक दरिया है जो मुझको बचाने पर तुली है दिल लगा है गम छिपाने में सारा दिल लगा है गम छिपाने में सारा आंखें हैं कि सब बताने पर तुली हैं इसीलिए मैं चश्मा लगा लेता हूँ ताकि कुछ दिखे okay. ना तुमको तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा दोस्त बीच में अभी आपका फेस्टिवल आ जाएगा ठीक है त्यौहार आ जाएगा और दिल्ली पुलिस एग्जाम फिर त्यौहार के तुरंत बाद है अब शायद हमारी मुलाकात होगी नहीं मुलाकात हमारी अब चौदह को ही होगी तो चौदह को ही जो मुलाकात होगी तो दोस्त मेहनत करिए डर लग रहा है तो कुछ अच्छा होगा मैं हमेशा कहता हूँ मेहनत करने वाले छात्र को ही डर लगता है और कोई डरेगा नहीं तो हाईली मोटिवेटेड होने की आवश्यकता आपको नहीं है कि मुझे मोटिवेशन चाहिए कुछ चाहिए अपनी हकीकत के साथ परीक्षा देने जाओ कि हमने सच में ये सीखा है और इसी के दम पर एग्जाम देने जाएंगे इसी के दम पर और जब तक सफल नहीं होना तब तक मेहनत करना ही है और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सेलेक्ट होके यहां आओगे आप ये समझ लेना आपका भाई अभिलाषी है उस एक चीज का मैं देखना चाहता हूं आपको सेलेक्ट होके यहां आते हुए कि आप आएंगे और आप ये करके दिखाओगे और जिस दिन आप सफल हो जाते हैं ना उस दिन सारी शिकायतें मिट जाती हैं खुद से भी जो शिकायतें हैं किसी और से जो शिकायतें हैं तब तब सारी शिकायतें जब तक सफल नहीं होंगे तब तक रहेंगे। तो आज का एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए क्वेश्चन यह है कि आपका जो क्विट इंडिया मूवमेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है भारत छोड़ो जो आंदोलन था आपका भारत छोड़ो आंदोलन ठीक है किस किस सत्रहवीं जयंती पर शुरू किया गया किस घटना की क्या बोलोगे किस घटना की सत्रहवीं जयंती पर जयंती पर या सत्रहवें वर्ष शुरू किया गया यानी सत्रह वर्ष पहले इससे कौन सी घटना हुई थी और इसी दिन हुई थी एक दिन आगे पीछे उसके लिए काउंट कर लिया जाता है तो दोस्त करके दिखाओगे सिलेक्ट होके दिखाओगे और मेहनत करते रहेंगे बातों से सिलेक्शन होता नहीं है कभी भी ये बात जान लीजिए और जब कभी भी सिलेक्शन से रहो तो अपनी मेहनत अपना ये समझ लेना तुम कि मेरी मेहनत में कुछ कमी थी क्योंकि जो अपनी कमी को एक्सेप्ट कर लेता वो आगे बढ़ जाता है जो अपनी कमियों को एक्सेप्ट ना करके अपनी कमियों का ठीकरा दूसरे पर डालना चाहता है वो हमेशा शायद मेरे हिसाब से असफलता की तरफ ही रह जाता है तो आप अपने ऐसे छात्र रहे हैं जिनको सिखाने का ये प्रयास किया गया है कि जीवन के संघर्ष में आप हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और आप करके दिखाएंगे तो दिल्ली पुलिस मीन्स बोल दो एक बार चक दे चक दे फट्टे चक दे फट्टे भाई करके दिखाओगे मेहनत करिए तो रिजल्ट आप ही के अनुरूप आएगा और तुम करके सच में दिखाओगे ठीक है तो मिलते हैं चौदह तारीख के एनालिसिस में उस दिन एनालिसिस होगा ही आपका और ये भी बात याद रख लेना कि जब आप पहले पहले दिन जितने भी बच्चे आपका एग्जाम दे करके आएंगे तो पहले दिन हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि एग्जाम कैसा आया है तो उस दिन रात को यानी कि उस दिन रात को आपका एप्लीकेशन पर हमारी पर एक मॉक आएगा ताकि जो आगे जिन बच्चों का एग्जाम होना है वो सारे बच्चे उस मौक को दे करके ताकि ये पता चल पाए क्योंकि हमने पहले भी और बाकी परीक्षाओं में भी किया है तो इसका लाभ पहले दिन जिस बच्चे का होगा वो तो नहीं उठा पाता लेकिन पहले दिन के बाद में जिन बच्चों का वो जरूर पैटर्न देख करके समझ पाते हैं तो ये बात याद रख लेना चौदह तारीख को जो एग्ज़ाम होगा आपका उसके आधार पर हमारा एक मॉक टेस्ट होगा उसके लिए आर डब्ल्यू एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके रख लेना आपके पास शायद सभी के पास होगी आर डब्ल्यू एप पर आप जाएंगे तो वहाँ पर मॉक टेस्ट में वो आपको मिल जाएगा दिल्ली पुलिस मॉक फ्री मॉक होगा ख्याल रखेंगे जय हिंद जय भारत कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कक्षा आपको कैसी लगी कैसी आपकी तैयारी है कितना स्कोर आपका रहा एंड थैंक यू नमस्ते जय हिंद